बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। आज हम थोड़ी सी वीडियो के मुतालिक बात करेंगे कि जो हमारी ये ग्रेड्स होते हैं सारे सेंटर लाइन का एलिवेशंस, ये आप देख रहे हैं इसमें पेविमेंट स्लोप, शोल्डर की विड्थ और उसकी स्लोप, इसी तरह राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर और एम्बैकमेंट की जो पेविमेंट स्लोप होती है इसके मुतालिक बात करेंगे कि ये जो स्लोपें हमारी आ रही होती है पेविमेंट की स्लोप और जो शोल्डर की स्लोप्स हैं इसको हमने क्रॉस सेक्शन के ऊपर ड्रा करना है तो कैसे करेंगे, इसका क्या तरीकाकार है, इस ऊपर एलिवेशन का जो पोर्शन होता है उसको कैसे बुलाया जाता है अपने क्रॉस सेक्शन के ऊपर इन स्लोप्स की मदद से, इसके मुतालिक पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जो पीछे वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको टिपिकल कोड के सेक्शन के हिसाब से पूरी डिटेल के साथ बताया था पेविमेंट स्लोप्स का, शोल्डर स्लोप और इधर पेविमेंट की जो साइड स्लोप आ रही है वो हमारे पास स्लोप अलहदा होती है और हमारे पास जो इधर एम्बैकमेंट की स्लोप होती है ये अलहदा होती है। तो इन सारी स्लोप्स को हमने इधर इन स्लोप्स की मदद से हमने कैसे ड्रा करना है, इसका क्या तरीकाकार होता है, ये एलिवेशन है, इसके मुतालिक हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अंदर 3-4 किस्म के मैंने सेक्शन रखे हुए हैं, जिस तरह की हमारे पास स्ट्रेट सेक्शन है पूरा, इसके अंदर कोई डिवाइडर कोई कर्वस्टोन वगैरह नहीं है और एक सिंपल सा रोड का सेक्शन है और इसके अर्धन शोल्डर हैं सारे साथ। उसके बाद आप आ जाते हैं सेकेंड नंबर के ऊपर, दरमियान में आपकी ड्रेन आ जाती है और पेमेंट की स्लोप आपकी रिवर्स होती है और उसके नीचे जो पेमेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उसको हमने कैसे ड्रा करना है, फुटपाथ वगैरह हमने कैसे लगाना है। इसी तरह आप आगे आ जाते हैं तो कुछ सेक्शंस के ऊपर, रोड के सेक्शन के ऊपर दरमियान में हमारे पास मीडियंस वगैरह जा रहे होते हैं, इधर साइड के ऊपर एज बैरियर दिए गए होते हैं, दोनों पेविमेंट को डिज़ाइन स्ट्रक्चर हमारा सेपरेट होते हैं सारे और डिज़ाइन स्ट्रक्चर सेम टू सेम होता है, ऊपर इसकी विड्थ वगैरह दी गई होती हैं। और आगे इसी तरीके से ये हमारे पास ये कट सेक्शन है, कट और ये इसके बाद कट एंड फिल दोनों सेक्शन। तो हम इन सेक्शंस के मुतालिक थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन ये बहुत यूज़फुल वीडियो होगी, आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये ग्रेड स्लोप शीट फॉर ड्रा रोड क्रॉस सेक्शन, जिसके अंदर ये शीट हमारे पास हार्ड कॉपी में भी होती है और बाज़ औक़ात एक्सेल के अंदर भी मौजूद होती है, जिसके अंदर के सेंटर लाइन के एलिवेशन दिए गए होते हैं। सबसे पहले इधर स्टेशन होते हैं, स्टेशन आरडी चेंजिंग्स मुख्तलिफ नाम के सेम टू सेम डिज़ाइनर अपना अलग अलग यूज़ करता है। इसके अंदर एक सिस्टम हमने इधर अपना एम्बैकमेंट साइड स्लोप का बना हुआ है कि एम्बैकमेंट की साइड स्लोप जा रही है इन सेक्शंस के ऊपर, मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ स्लोप्स को मैंने इधर लगाया हुआ है कि एक ही सेक्शंस के ऊपर हम इसको कैसे ड्रा करेंगे, इनके एलिवेशंस को, इसकी पेविमेंट स्लोप। ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये शोल्डर विड्थ हमारे पास है, शोल्डर की स्लोप, उसके बाद पेविमेंट स्लोप है, लेफ्ट साइड वाला ये पोर्शन है, उसके बाद सेंटर लाइन हमारी जा रही होती है, उसके बाद राइट हैंड है और पेविमेंट विड्थ और नीचे उसकी स्लोप से वगैरह और अगर आखिर में एम्बैकमेंट स्लोप है। तो ये सारी चीज़ें हमने कैसे ड्रा करनी है, पेविमेंट स्लोप हमारी क्या होती है और एम्बैकमेंट स्लोप हमारी क्या होती है, इसके मुतालिक हम इसके पूरे पूरे सेक्शंस को बनाएंगे इसके एलिवेशंस के ऊपर और इसकी टेम्पलेट को बनाएंगे इसके, यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे पर राइट साइड के ऊपर -2.5% स्लोप है और लेफ्ट साइड के ऊपर +2% और इसी तरीके से शोल्डर की स्लोप है और इधर एम्बैकमेंट की स्लोप भी हमारी चेंज हो रही है। तो ये कुछ पोर्शंस होते हैं रोड के ऊपर जिसके अंदर वेरीज कर रही होती है चीज़ें, उसके सेक्शंस वगैरह अलग आते हैं, सुपर एलिवेशन वाला कोई पोर्शन होता है, कुछ एम्बैकमेंट की हाइट वाले पोर्शंस होते हैं जिसके ऊपर स्लोप वगैरह चेंज हुई हुई होती है। तो इनके मुतालिक पूरी डिटेल के साथ इन क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम अपनी वर्किंग करके और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आप देख रहे हैं कैरिज वे हमारी है, ये हमारी कैरिज वे जा रही है, ये इसकी टॉप स्लोप जा रही है और इसके ऊपर ये ऊपर पेविमेंट स्लोप आपको दोनों तरफ नज़र आ रहे हैं और सेंटर लाइन के ऊपर इसका फिनिश लेवल, ये 15 मीटर राइट और लेफ्ट साइड का हमारा पेविमेंट स्ट्रक्चर है और उसके बाद हमारे पास अर्धन शोल्डर है, मिट्टी का शोल्डर दोनों साइड में पे 5 मीटर का। तो इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं पेविमेंट स्लोप दोनों आउटर साइड के ऊपर ये हमें बता रहा है इसके ऊपर, तो ये हमारे पास जो इधर इसका टेबल बना हुआ है तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि सेंटर लाइन का हमारे पास एलिवेशन है, इसकी सेंटर लाइन एग्जैक्ट यही सेंटर लाइन जाएगी जिधर फिनिश रोड लेवल लिखा हुआ है, FRL या PGL के नाम से ये आपके ड्राइंग के ऊपर मौजूद होता है। तो ये लेवल हमारे पास सेंटर लाइन का लेवल होएगा, उसके बाद पेविमेंट विड्थ ऊपर आ रही 15 मीटर राइट साइड पे और 15 मीटर लेफ्ट साइड के ऊपर और इनकी स्लोप
पेवमेंट की स्लोप के ऊपर नाम्स के साथ इसकी राइट और लेफ्ट साइड के दोनों हमारे पास इसकी स्लोप आ रही है -2.5% और -2.5%। इसके बाद शोल्डर विर्थ है हमारे पास 4.5 मीटर की और शोल्डर की स्लोप आउटसाइड के ऊपर जा रही है -4% और -4%। तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये येलो लाइन मैंने लगाई हुई है और ऊपर इसके ऊपर डिस्टेंस है 5 मीटर का शोल्डर। तो ये हमारे पास जो इसकी स्लोप जा रही है वो आउटर साइड के ऊपर जा रही है। इसकी स्लोप ने इधर से फॉल का जो हमारा एज होएगा उधर से स्टार्ट होनी है और उसके बाद ये आप ये देख रहे हैं हमारी ये बिल्कुल साइड स्लोप जा रही है एम्बैकमेंट की साइड स्लोप। ये हमारे पास जो एम्बैकमेंट की साइड स्लोप है इसकी डिटेल इधर सामने है। एम्बैकमेंट की साइड स्लोप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल और 1.5 हॉरिजॉन्टल और इस किस्म की शेप आपको इधर अपने टिपिकल सेक्शन के ऊपर दिखाई गई होती है। इसके हिसाब से आपने इसकी साइड स्लोप मोस्ट आउट पॉइंट जो आपका होता है बिल्कुल जिधर आपका शोल्डर एंड हो रहा होता है उधर से आपने देनी है। यानी कि 30 मीटर हमारे पास 15 मीटर और 5 मीटर हमारे पास है तो 20 मीटर का जो डिस्टेंस होएगा उधर से हमारी साइड स्लोप शुरू होएगी और जो इधर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दी गई होगी इधर हमारे पास 1 और 1.5 हमारे पास स्लोप है इसकी। इसी तरीके से इसकी स्लोप नीचे थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है 1 और 2%। इसी तरीके से 1:2 है उसके बाद 1:2.5 है और ये साइड जो स्लोप है हमारी ये एम्बैकमेंट की स्लोप है। ये हमारे पास जो पेवमेंट की स्लोप स्ट्रक्चर है इसकी आपको ड्राइंग के अंदर डिटेल पेवमेंट का जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दी गई होती है। अमूमन ये 1:1 की होती है या 1:2 की भी बाज़ुकात होती है। तो ये इसकी जो स्लोप आपके पास ड्राइंग के अंदर दी गई होगी आपने उसी हिसाब में इसको बनाना है। तो मैं इस ब्लॉक ख़त्म करता हूँ। तो इधर मैं आपको सपोज हॉरिजॉन्टल इधर मैं आपको इसकी 1:1 कर देता हूँ। नीचे के हमारे पास इसकी जो स्लोप है एक साइड के ऊपर 1:1 है और दूसरी साइड के ऊपर भी इसकी स्लोप 1:1 है। ये जो स्लोप होएगी ये हमारी मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट होएगी जब हमारी स्फाल्ट एज होती है और इधर से इसने नीचे तक आना है। जो पेवमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर की डिटेल आपको क्रॉस सेक्शन के नीचे दी गई होती है स्फाल्ट वेयरिंग कोर्स आपके पास कितना है, बेस कोर्स आपके पास कितना है और वाटर बाउंड की थिकनेस सब बेस की थिकनेस। इसके अंदर वाटर बाउंड मैक्डम होता है बाज़ औकात बेस कोर्स भी यूज़ हो रहा है एग्रीगेट बेस कोर्स होता है वो। तो ये इसमें ये चीज़ें इधर यूज़ हो रही होती हैं सारी। जो जो सा डिटेल आपके पास होएगा उसकी स्लोप इसी तरीके से जाएगी। तो ये हमारे पास अगर आप इसको एक लेयर में बनाते हैं साइड के ऊपर या दो लेयर में इसको कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन के ऊपर वो सेम टू सेम जितनी उसकी टोटल थिकनेस है उसके हिसाब से आपने एक ही दफ़ा उसको बनाना है। आपने उसको दो लेयरें इधर नहीं बनानी। तो आए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने क्रॉस सेक्शन के हिसाब से कि हम सिंपल सा क्रॉस सेक्शन जो बनाना है उसको हमने कैसे बनाना है ऊपर इधर इधर। सबसे पहले इसको एक चीज़ को मैं बताता चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी जिधर स्लोप्स वगैरह चेंज हो रही हैं उसका आपने एक टिपिकल सेक्शन एक सेक्शन आपने बना के उनके अलग अलग रख लेने इसके स्लोप का सेक्शन। उसके बाद आपने इसको अपने ऑटोकैड के ऊपर प्लाट कर देना सबका। अगर आपका डिज़ाइन सेक्शन सेम टू सेम जा रहा है तो सबसे पहले आपने ये टिपिकल सेक्शन अपना बनाना होता है। बनाने के बाद आपने उसको अपने NSL लगा के और ऑटोकैड के ऊपर और उसके क्रॉस सेक्शन के डिस्टेंस और एलिवेशन वगैरह लगाने। तो हमने अपना जो सेक्शन ड्रा करना है स्लोप के हिसाब से सबसे पहले आपने जैसे लाइन की कमांड ले लेनी है और जैसे आपने अपनी F8 प्रेस करके इसको स्ट्रेट कर देना है। बिल्कुल आपका ये 90 डिग्री के ऊपर चले स्ट्रेट लाइन हो तो आपने एक मखसूस डिस्टेंस के ऊपर एक जैसे लाइन लगा देनी है। कोई भी डिस्टेंस के ऊपर आप लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास पेवमेंट का जो डिस्टेंस था विड्थ थी वो 15 मीटर राइट साइड और 15 मीटर के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर है और इसकी जो स्लोप जा रही है -2.5% जा रही है। साथ इसका एलिवेशन जा रहा है। एलिवेशन को हम बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने जैसे ऑफसाइड ले लेना है ऑफसाइड की कमांड और 15 मीटर के ऊपर आपने राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर दोनों साइडों के ऊपर एक लाइन लगा देनी है। उसके बाद आपने लाइन की कमांड दोबारा लेनी है और इन दोनों सेंटर लाइन से लेके अपने लेफ्ट साइड तक और इसी तरह सेंटर लाइन से लेके राइट साइड तक आपने अपनी एक दोनों अलग अलग इधर लाइंस लगा देनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर 15 मीटर की हमारे पास इधर ये हमने दोनों लाइन इधर से ड्रा कर दी है सारी। तो ये आपने स्ट्रेट लाइन अपने पेवमेंट के हिसाब से इसी तरह इधर लगा देनी है पूरी 15 मीटर की। उसके बाद हमारे पास स्लोप है इसकी -2.5% और -2.5% है सेंटर लाइन से दोनों आउटर साइड के ऊपर जा रही है। तो हमारी जो स्लोप जा रही है वो इधर से माइनस जा रही है इधर से इसने नीचे आना है और इधर से भी इसने नीचे आना है। तो उसके लिए आपने जैसे कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस था 15 मीटर
मल्टीप्लाइड बाई आपने इधर से माइनस का साइन लगाना है और 2.5 आपने इधर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2.5 लिख के आपने माइनस का साइन लगा देना है और इज इक्वल टू करेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 37.5। तो आप इधर ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर परसेंटेज के ऊपर है, जो परसेंटेज के ऊपर होगी तो आपने इधर से उसको डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। ये जो हमारी स्लोप होती है ये परसेंटेज के ऊपर होती है, जितनी परसेंटेज की जो स्लोप होगी उसको आप डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं माइनस 0.375 का ऑफसेट आ गया इधर से, कि जो हमारे पास जो 2.5% के हिसाब से जो स्लोप जाएगी वो इधर से नीचे जाएगी, इतना इस सेंटर लाइन्स का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है इससे ये नीचे जाएगा। तो आपने इधर से ऑफसेट की कमांड लेनी है और 0.375 आपने ऑफसेट लगा देना है माइनस नीचे वाली साइड के ऊपर, दोनों साइडों के ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर लाइन लग गई है, उसके बाद आपने इधर से पोली लाइन की कमांड ले लेनी है, लाइन ले लेनी है और इधर से आपने इसका एज को पकड़ना है, ऊपर आपने सेंटर लाइन के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने इसी तरीके से जो 15 मीटर के ऊपर आपका नीचे वाला ऑफसेट लगाया था उसके ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है। अभी आप ये लाइन लगाएंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइन इधर से बॉटम और उसके बाद सेंटर और उसके बाद नीचे उसी तरीके से जो ऑफसेट हमने 2.5% का लगाया था तो उसके ऊपर लग जाएगी। तो ये दोनों लाइनें जो ऊपर वाली हमने लगाई हैं इसको आप अभी ट्रिम कर दें तो ये अभी जो आपकी पेवमेंट का जो स्लोप वाला पोर्शन होएगा वो आपका इधर से ड्रा हो जाएगा। तो आप इसके ऊपर इसी तरीके से टेक्स्ट की कमांड ले लें और माइनस 2.5% इधर आप इसका ऑफसेट आप इधर लिख दें, 2.500 आप इसका टेक्स्ट इधर लिख दें, इधर स्लोप इसकी बना दें तो ये हमारे पास इधर इसकी स्लोप आ जाएगी। इसी तरीके से आपने इसको इधर मिरर करके और दूसरी तरफ अपना इधर सेंटर से पिक करना है और नीचे तक इसको करके दोनों साइडों के ऊपर मिरर कर देना है। ये हमारी जो स्लोप बन गई है ये हमारी सेंटर लाइन की पेवमेंट की ये स्लोप बन गई है इधर से -2.5% और -2.5% हमारी 15 मीटर जो हमारे पास पेवमेंट की विर्थ आ रही थी, ये जो विर्थ आ रही है हमारी आप ये देख रहे हैं कि पेवमेंट की जो विर्थ है इधर तक ये हमारी स्लोप बन गई। इसके बाद आप ये देख रहे हैं नीचे 1:1 की स्लोप है, 1:1 की ये आपकी ड्राइंग के अंदर या 2:1 की है, जो भी स्लोप है तो आपने उसके हिसाब से सबसे पहले इधर इसकी स्लोप लगा देनी है इसके ऊपर। इसी तरह इस जो हमारे पास पेवमेंट का जो एरिया बिल्कुल आउट पॉइंट है तो आपने इधर से लाइन की कमांड लेनी है और इधर से आपने पिक करना है। अगर आपके पास 1:1 की स्लोप है तो आपने हॉरिजॉन्टल माउस को रख के पहले 1 मीटर की लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टल और उसके बाद 1 मीटर की लाइन वर्टिकल लगा देनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारी इधर 1:1 का हमारी दोनों लाइनें लगी हैं। उसके बाद आपने कीबोर्ड की मदद से सी प्रेस करना है और इंटर कर देना है, सी प्रेस करके इंटर करेंगे तो ये आपकी स्लोप इधर आ जाएगी। उसके बाद आपने ये दोनों लाइनें जो आपकी हैं उसको आपने जैसे ख़त्म कर देना है, मिरर की कमांड लेनी है MI इसकी शॉर्ट की है और आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है और जैसे सेंटर के ऊपर रख के और नीचे आपने प्रेस करके और इधर इंटर कर देना तो ये लाइन आपकी दूसरी तरफ भी जाके लग जाएगी। तो ये आपने इसी तरीके से पेवमेंट वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपने इस तरह लगा देना है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास शोल्डर की विर्थ है कि 5 मीटर की और इसकी स्लोप है 4% की, तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन लगी हुई है तो इधर से आपने 5 मीटर की लाइन लगा देनी है या जो भी ड्राइंग के अंदर आपके पास शोल्डर आ रहा है तो दोनों साइडों के ऊपर आपने एक एक लाइन इधर से बाहर कर देनी है। उसके बाद आपने इधर से लाइन की कमांड लेनी है और इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। आप देख रहे हैं कि जो हमने ये लाइन लगाई है हमारा जो सेंटर लाइन का लेवल है वो हमारे पास ये ऊपर जा रहा है, इधर से आप इसकी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो ये आप देखेंगे ये हमारे पास लाइन ऊपर आ रही है। आपके पास जो शोल्डर की स्लोप स्टार्ट होगी वो आपकी इधर पेवमेंट का जो एज आ रहा होगा बिल्कुल जो आपका स्लोप का एज होएगा उधर से इसकी स्लोप ने इधर स्टार्ट होना है। तो आपने इधर से इसकी लाइन 5 मीटर के अंदर अंदर लगा देनी है इस तरह और इसी तरीके से आपने अपना कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है इधर से और आपने इधर से उसकी जो स्लोप हमारे पास आ रही है -4 की तो आपने 5 पहले जो हमारे पास इसका डिस्टेंस है 5 मीटर शोल्डर की विर्थ मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देना है, 4 करके इज इक्वल टू करके उसी तरीके से डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो ये हमारे पास ऑफसेट आ जाएगा 0.20 सेंटीमीटर का। जो तो ये हमारे पास जो 0.20 सेंटीमीटर का ऑफसेट आया है ये इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट से नीचे तक जो हमारी स्लोप इधर बाहर की तरफ जाएगी तो वो उसका ऑफसेट आएगा। आपने इधर से ऑफसेट का कमांड ले लेना है और 0.20 सेंटीमीटर इधर से आपने नीचे की तरफ एक लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद आपने ऊपर से दोबारा लाइन की कमांड लेनी है और इस लाइन को आपने उठा के और इस जो नीचे ऑफसेट लगाया है इधर तक आपने उसको मिला देना है। मिलाने के बाद आपने ये ऊपर वाली दोनों साइड है आपने इधर से ख़त्म कर देनी। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास इधर जो स्लोप आई है वो -2.5 की थी और ये जो आखिर में
हमारे पास शोल्डर की स्लोप आई है 5 मीटर के ऊपर, ये हमारे पास इधर से 4% की स्लोप आ गई शोल्डर की, ये 5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है। तो आपने इसी तरीके से सीओ इसकी कॉपी की कमांड लेनी है, ऊपर जो आपने इसका स्लोप लिखी थी और इधर से आपने इसको डबल क्लिक करके और माइनस 4.00% आपने इधर लगा देनी, तो ये आपकी शोल्डर की स्लोप बन जाएगी। आप दूसरी तरफ भी इसको आप मिरर कर सकते हैं MI की कमांड लेके और इस लाइन को सिलेक्ट करके इधर से इस लाइन को नीचे तक आप इसको सिलेक्ट करके लगा देंगे, तो ये आपकी दूसरी तरफ भी लाइन लग जाएगी। मैं आपको दोबारा से करके बता देता हूँ, आपने लाइन की कमांड लेनी है और ये इस पॉइंट से लेके आपने एक लाइन इधर एंड तक लगा देनी है, उसके बाद आपने इधर से जो उसका एक्स्ट्रा लाइन का डिस्टेंस को ट्रिम कर देना है और कैलकुलेटर के ऊपर आपने आना है और 5 मीटर जो शोल्डर की विड्थ है 5 है 10 है 7 है उसको मल्टीप्लाइड बाई स्लोप के ऊपर कर देना है 4 के ऊपर और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस 0.20 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपने ऑफसाइड की कमांड लेनी है, 0.20 सेंटीमीटर का ऑफसाइड लेना है और इस लाइन को इधर नीचे लगा देना है, उसके बाद लाइन की कमांड ले लेनी है और आपके पास जो पेवमेंट का जो मोस्ट एज पॉइंट था उधर से लेके आपने 5 मीटर का जो हमारा ऑफसाइड की जो हमने वर्टिकल लाइन लगाई थी उधर तक आपने इस लाइन को लगा देना है, तो ये हमारे पास इधर इसकी स्लोपें दोनों साइडों की बन जाएंगी 4% के हिसाब से। तो आपने इसी तरीके से ये दोनों लाइनें लगा देनी है, उसके बाद जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसको आपने मिरर करके दूसरी तरफ कर देना है। मिरर की कमांड आप इसको यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारा टाइम काफ़ी सारा बच जाता है। तो उसके बाद आप इसका डिस्टेंस हम इधर से इसका चेक कर लेते हैं, इधर से आप ये देखेंगे तो ये 5 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो सेंट्रल जो हमारा पेवमेंट वाला जो पोर्शन था -2.5% का इधर आ रहा था वो 15 मीटर के ऊपर और उसके बाद शोल्डर था -4% की दोनों साइडों के ऊपर, तो ये दोनों साइडों के ऊपर हमने इसकी लाइन लगा दी। उसके बाद एक लाइन हमने लगाई थी इधर पेवमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से 1:1 की, जो हमारी जिधर हमारा पेवमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर नीचे उसका आ रहा था और इधर हमारे पास मिट्टी वाला शोल्डर होएगा। तो आपने ये लाइन लगा देने के बाद आपने अपने इसी तरह इस प्लान के ऊपर आ जाना है। एम्बैकमेंट साइड स्लोप इधर हमारे पास 1:1.5 की स्लोप जा रही है, ये आपके पास साइन बना हुआ होगा यानी कि 1.5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। तो आपने इसी तरह आउट मोस्ट पॉइंट जिधर आपने ये लगा दिया है इधर से आपने सेम टू सेम लाइन की कमांड लेनी है और इधर से आपने 1.5% इधर 1.5 की इधर लाइन लगा देनी है एक, उसके बाद वर्टिकल लाइन आपने इधर से 1 लगा देनी है और सी को प्रेस कर देना है। सी को प्रेस करके ऊपर वाली जो दोनों लाइनें लगाई हैं इसको आपने इधर से ख़त्म कर देना है और मिरर की कमांड ले लेनी है और इसको आपने दूसरी तरफ भी इसी तरह सेम टू सेम सेंटर से पकड़ के आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ, तो ये आपकी इधर एम्बैकमेंट की जो साइड स्लोप है वो ड्रा हो जाएगी। तो ये इधर इस सेक्शन के ऊपर हमने इधर से सबसे पहले इसकी 2.5% की स्लोप लगाई अपनी एम्बैकमेंट की, उसके बाद हमने ये जो एम्बैकमेंट की जो इसकी साइड स्लोप आ रही थी पेवमेंट की वो हमने इधर लगाई है, उसके बाद हमने इसको शोल्डर को लगा के इसकी पेवमेंट जो एम्बैकमेंट की जो साइड स्लोप आ रही थी वो भी हमने इधर से लगा दी है। तो अभी आपने इधर एक नीचे एक आरजी सी मैं लाइन लगा देता हूँ, अगर लाइन लगाने के बाद आपने एक्सटेंड की कमांड लेनी है और इस लाइन को आपने इधर से बाहर बढ़ा देना है। तो ये एक सपोज आपकी एक NSL की लाइन आ रही है, तो ये जो आपका मोस्ट आउट पॉइंट होएगा ये पूरा इधर नीचे तक आ जाएगा, तो ये हमारे पास इधर सेक्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो वर्टिकल लाइन्स लगाई हैं इनको आपने ख़त्म कर देनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इधर से आप इसका टेक्स्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं और इधर से जो पेवमेंट की लाइन है इसकी इसका आप कलर चेंज कर दें, ऊपर से इसकी जो लेयर बनाना चाहते हैं आप इस तरह से उसकी लेयर बना के उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर दें। लेयर के अंदर आपने लाजमी काम करने होते हैं, लेयर के बगैर आपका सेक्शन जितनी मेहनत होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बाज़ औक़ात आपको उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत डबल वर्किंग करनी पड़ती है। इसी तरीके से जो साइड स्लोप वगैरह है आप इसकी इधर से साइड स्लोप का कलर भी चेंज कर दें। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हमने एक इधर अपना पूरा जो हमारा टिपिकल सेक्शन के ऊपर ये आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी लाइन्स आ रही थी पेवमेंट स्लोप के हिसाब से और शोल्डर और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल स्लोप जा रही थी ये हमने इधर लगा दी है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास नीचे एस्फाल्ट वेयरिंग कोर्स इधर 100 mm है, 10 सेंटीमीटर है, इसी तरह एस्फाल्ट बेस कोर्स 150 mm 15 सेंटी है, वाटर बाउंड हमारे पास 35 सेंटीमीटर और सब बेस हमारे पास इधर 300 mm है। तो आपने इसी तरीके से जो ऊपर लाइन लगाई है ये हमारे पास जो ब्लू वाली लाइन है तो आपने इधर से ऑफसेट ले लेना है। सबसे पहले आपने जो एस्फाल्ट वेयरिंग कोर्स का ऑफसेट आ रहा है 0.10 सेंटीमीटर का वो आपने इधर से
नीचे लगा देना है। उसके बाद हमारे पास 0.15 सेंटीमीटर एस्फाल्टिक बेस कोर्स थी कंक्रीट, तो आपने दस से इसी तरह नीचे वाली लाइन को दस से सिलेक्ट करके नीचे लगा देना है। और उसके बाद आपने 0.35 सेंटीमीटर जो हमारी वाटर पाउंड की जो हमारी लाइन आ रही थी उस लाइन को आपने इधर लगा देना है। और उसके बाद इसी तरह 0.30 सेंटीमीटर सब बेस की लाइन को आपने इधर नीचे लगा देना। तो ये आपने सारी लेंस को इसी तरीके से इधर लगा देना है। लगाने के बाद आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो हमने पेवमेंट की स्लोप बनाई थी ये उससे अंदर रह गई है लेंस, तो आपने इधर से एक्सटेंड की कमांड लेनी है, डबल क्लिक करना है और इधर से सबसे पहले ये लेंस को अपनी दोनों साइडों के ऊपर इसको एक्सटेंड कर देना है इसी तरीके से। उसके बाद ये आप जो आपके पास जो एक्स्ट्रा लेंस इसकी जा रही है इसको आपने इधर से ट्रिम कर देना है, तो ये हमारे पास ऊपर इसका पेवमेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये आपने अपना जो डिज़ाइन बनाना होता है जो आप बनाएंगे क्रॉस सेक्शन उसके अंदर ये हैच वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह ये इधर हैच लगे हुए होते हैं। अगर आपने कोई एक आध सेक्शन वगैरह बनाना होता है तो उसके लिए ये आप हैच की कमांड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जनरल क्रॉस सेक्शन बनाने हैं तो उसके ऊपर आपको इधर हैच लगाने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारा जो पोर्शन होता है उसके अंदर तो ये एम्बैकमेंट की जो ये लाइन्स वगैरह लगी हुई थी ये भी नहीं होती, सिर्फ उसके ऊपर हमारे पास टॉप लाइन होती है और बॉटम लाइन होती है। इसका जो पेवमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है ये अलग से कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसको अलग ही करें, आप इसके बीच में भी इसको कर सकते हैं और इनके एरियाज वगैरह को आप निकाल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले जो -2.5% के हिसाब से जो हमारे पास जो सेक्शन बन रहा था वो आपने इसी तरीके से बनाना है, सेम टू सेम इसी तरह वर्किंग करके। तो उसके बाद ये टेक्स्ट वगैरह को आप इधर सेलेक्ट करके इसके हाइट वगैरह अपने सेक्शन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इधर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी थोड़ी सी इधर डायमेंशंस वगैरह जितनी भी आप सेक्शन के हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने के बाद आपने मैच प्रॉपर्टी की कमांड लेके इसको इधर कर सकते हैं। और इधर से इसी तरीके से इसको अपनी मुख्तलिफ जगह के ऊपर आपने इसको प्लेस कर देना है। इधर से आप इसको उठा दें ऊपर थोड़ा सा मज़ीद, और इधर से आपने एक लीडर की कमांड लेनी है एल ई शार्ट की, उसकी क्विक लीडर की आपने इधर से लीडर लगाना है और एक इधर उसका एरो साइज़ बना देना है। एरो साइज को आप डबल क्लिक करके इधर से उसके साइज़ वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जितना आपके सेक्शन के हिसाब से आपने इसी तरह उसको बना देना है। उसके बाद आपने इधर से इसके ऊपर इसको एक आपने इधर से जीरोस का डेसिमल प्लेस ख़त्म कर देना है, टू फिगर ही आप इसके रखेंगे इधर से। आपने इसके बाद इसको इधर से सिलेक्ट करना है और दूसरी तरफ आपने इसको इधर प्लेस कर देना है मिरर की कमांड के ज़रिए। आपने इधर से मिरर की कमांड लेनी है और इधर से आपने इसको इधर से सिलेक्ट कर देना है। दूसरी तरफ भी सेम टू सेम उसी डायरेक्शन के ऊपर उसी विड्थ के ऊपर आए, इधर से जिधर आपकी राइट साइड के ऊपर है तो उतना ही आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आए। इसके बाद इसी तरीके से आपने इसकी हाइट को भी आप चेंज कर सकते हैं, 35 आप रख सकते हैं जितना भी आप रखना चाहते हैं। लीडर की कमांड को आप कॉपी करना चाहते हैं, इसी को आप कॉपी करके इधर अपना इसके ऊपर आप लगा सकते हैं इसका साइज़ वगैरह, क्योंकि इसकी विड्थ कम है तो थोड़ा सा अगर आप इसके एरो के साइज़ को कम करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसके एरो के साइज़ को कम करके उसके ऊपर बराबर कर दें। इसी तरीके से आपने इसी को आपने रोटेट मिरर कर देना है दूसरी तरफ भी, तो आपने इधर से इसको भी सिलेक्ट कर लेना है और इधर से अपना सेंटर को पिक करना है और दूसरी तरफ आपने इसको इधर से एग्जैक्ट उसका सेंटर जो आ रहा है उसको आप पिक करके और दूसरी साइड के ऊपर भी आप इसको लगाते हैं। इसी तरह ये आपकी एम्बैकमेंट की साइड स्लोप जा रही है। आपने इधर से लाइन की कमांड लेनी है, इधर से आपने 2 मीटर की लाइन लगा देनी है। आपने स्ट्रेट रखना है इसको, F8 प्रेस कर देता हूँ मैं, तो 2 को भी आप इधर से लगा सकते हैं। अगर वो आपको बड़ा लगता है तो आप इसका स्केल छोटा भी कर सकते हैं, जिस तरह ये 2:1 की स्केल है तो ये आप इधर से इसको इसी तरीके से 1 और इधर नीचे आप ला के उसको 0.5 भी इधर से रख सकते हैं। तो इसकी शेप का मतलब बताने का मकसद यही होगा कि हमारी हॉरिजॉन्टल ज़्यादा और वर्टिकल कम है, तो आपने इधर से जो सा भी आप इसको रखना चाहते हैं इसके साइज़ को तो आप इधर से इसका साइज़ वगैरह इधर रख सकते हैं। उसके बाद आपने इधर से कॉपी की कमांड लेनी है और ऊपर जो टेक्स्ट लिखा था इसको आपने इधर दोनों तरफ आपने इधर से लगा देना है और इधर से आपने इसकी स्लोप 1.5 हमने रखी थी तो 1.5 आपने इधर से इसकी स्लोप इधर कर देनी है और इधर इसी तरह नीचे जो वर्टिकल स्लोप थी उसको आपने इधर से 1 कर देना है। तो ये आपने इसी तरह इसको लगा देना है और इधर आपने इसका टेक्स्ट वगैरह जो भी आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं आप इधर से डबल क्लिक करके और इधर ऊपर से भी इसके साइज़ को इधर से सिलेक्ट करके आप इसको कम कर सकते हैं 25। और अगर आप इधर से भी आप क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट विंडो जो आती है आपकी, आप इधर से भी इसको 25 कर सकते हैं। तो ये आप इसको इसी तरह थोड़ा सा रिजनेबल
पॉइंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर तकरीबन लगा दे सेक्शन के, और उसके बाद आपने जैसे मिरर की कमांड ले लेनी है। इन दोनों पॉइंट को आपने सिलेक्ट करना है और सेम टू सेम दूसरी तरफ भी आपने इसको इधर लगा देना है, प्लेस कर देना है दोनों साइडों के ऊपर। तो ये आपका एक सेक्शन जो हमारा टिपिकल सेक्शन था वो इधर से कंप्लीट हो गया सारा। आपने इसी तरह इस सेक्शन को आपने बना देना है, और ऊपर जो हमने ये डिस्टेंस वगैरह लगाए हैं ये हमारे क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये डिस्टेंस नहीं लगे हुए होते। इधर से सेंटर लाइन जो आपकी जा रही है, आपने एक लाइन की कमांड लेके और ऊपर तक इसको इधर से एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद आपने इधर से कॉपी की कमांड दोबारा लेनी है, और कोई टेक्स्ट जो आपका इधर लगा हुआ है या आप नया लिखना चाहते हैं तो आपने इधर से दो टेक्स्ट इधर लगा देने हैं। सबसे पहले आपने इधर से सी कैपिटल आपने इधर लिख देना है, और उसके बाद जो दूसरा टेक्स्ट किया था उसके अंदर आपने इधर से एल लिख देना है, और उसके इधर आपने इसी तरीके से थोड़ा सा इधर इसको लगा देना है, आपस में ज्वाइन कर देना है, और इसको बिल्कुल सेंटर लाइन के ऊपर आपने इधर इसको रख देना है। रखने के बाद ये जो सेंटर लाइन आपने लगाई है इसका आपने इधर से इसको डॉटेड की शेप के ऊपर आपने लेकर आना है। आप ऊपर से इसकी लाइन के ऊपर आ जाए, ये हमारी लाइन जा रही है, इधर से आप डॉटेड लाइन कोई भी इसकी लगा सकते हैं। इसको आपने डॉटेड लाइन के ऊपर ही रखना है। आपने इसको कंटिन्यूस या आपने इसको सॉलिड की शेप में आपने नहीं लाना, तो आपने इधर से इसकी सेंटर लाइन को इसी तरह डॉटेड बना देना है, और इसके इधर से कोई भी कलर वगैरह आप इसका जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कलर आप इसका चेंज कर दें। तो ये जो फॉर्मेट होएगा ये आपका सेम टू सेम शुरू से लेके एंड तक के सारे क्रॉस सेक्शन के ऊपर इसी तरह चलेगा। तो आप ये सबसे पहले जो हमारे पास ये सेक्शन था हमारा 2.5% -4%, और जो एम्बैकमेंट की स्लोप थी उसके हिसाब से एक हमने इधर टिपिकल अपना इधर बना दिया। इसके बाद आपने ऊपर से इसकी आरडी लिख दें, इसके ऊपर कॉपी की कमांड ले लें, और जो नीचे टेक्स्ट लिखा है आप इस टेक्स्ट को ही ऊपर ले आएं, और इधर से आपने क्रॉस सेक्शन एट आरडी 0+00 आप इसको इधर लिख दें, और इसका टैक्स आप थोड़ा सा जैसे बड़ा कर दें, 2 का टैक्स कर दें थोड़ा सा, उसको आपने बड़ा रखना है ताकि ये सेक्शन आपका बिल्कुल वाजह हो इसी तरीके से। उसको आपने जैसे मूव करके और सेंटर के ऊपर आपने इधर रख देना। तो ये आपका 0+00 वाली आईडी का जो हमारे पास टीपी का सेक्शन था वो सारा बना दिया है। नीचे वाली ये जो लाइन हमने एनएसएल की लगाई है ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए लगाई है, इसको आगे हम प्लॉट करेंगे अपने ओरिजिनल के ऊपर। अगर जैसे आप इसकी आईडी की कमांड लेते हैं तो ये अभी जो आपके पास जो डिस्टेंस और जो एलिवेशन आए इसके आएंगे वो भी एक रेफरेंस बगैर आएंगे। इसके रेफरेंस को हम बाद में लगाते हैं, अभी थोड़ी देर बाद इसकी सेटिंग करते हैं। तो इसके बाद आपने इसी तरह इसको क्रॉस सेक्शन को अगर बना देना है, तो इसके बाद आपने ये साइड स्लोप इधर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्रॉस सेक्शन के ऊपर, क्योंकि इतनी इधर जगह नहीं होती है। ये जो एम्बैकमेंट की स्लोप होगी इसकी आपने इधर लगाना है, इस सेक्शन के आपको स्लोप को इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद दूसरे फॉर्मेट के ऊपर थोड़ा सा पहले नॉलेज को बढ़ा लेते हैं कि हमारे पास ये ड्रेन वाला सेक्शन है। ये ड्रेन वाले सेक्शन के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि इसकी स्लोप भी रिवर्स हो रही है दोनों साइडों के ऊपर, क्योंकि ड्रेन बीच में दी गई है कि तो पेवमेंट की जो स्लोप होगी हमारी इधर से रिवर्स होगी दोनों साइडों के ऊपर, और इसके ऊपर जो हमारा इस फॉल्ट का जो एज होएगा वो हमारा इधर बिल्कुल कर्व स्टोन के एज के ऊपर आएगा। तो ये इस सेक्शन को भी थोड़ा सा इधर बना लेते हैं ताकि आप हमारा कंसेप्ट इधर क्लियर हो। तो इसके लिए आप को पास आपने इधर इसी तरीके से एक सेंटर लाइन दोबारा मैं इधर एक लगा देता हूँ, जैसे मैं F8 प्रेस करके इधर लगा देता हूँ, या इसी सेंटर लाइन को मैं इधर से कॉपी करके इधर मैं इधर थोड़ा सा आगे इसके ऊपर रखता हूँ इधर। तो ये सेक्शन के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी विड्थ है कि 14.40 है, और पेवमेंट की स्लोप हमने इधर से वही लेनी है -2% की। इधर शोल्डर हमारा नहीं लगेगा, तो ये हमारे पास जो स्लोप आ रही है वो -2.5% और -2.5% की हमने इधर इसके ऊपर जो पेवमेंट की इधर स्लोप आ रही है वो लेनी है, और इसकी सेक्शन को हमने ड्रेन वाले सेक्शन को बनाना है। इसको रिवर्स स्लोप के अंदर के हमने इसको कैसे बनाना है, तो ये हमारे पास 14.40 का हमारे पास ऑफसेट है, और पहला ऑफसेट हमारे पास सेंटर लाइन आप ये देख रहे हैं हमारे पास इसकी ये सेंटर लाइन जा रही है, लेकिन इसके जो फिनिश रोड लेवल है वो हमारे पास कर्व स्टोन के एज के ऊपर से दोनों तरफ से जा रहे हैं। तो जो दरमियान में ड्रेन वाला पोर्शन है ये पोर्शन हमारा टिपिकल सेक्शन के ऊपर, इस पोर्शन की डिटेल हमें अलहदा दी गई होगी। ये जो पोर्शन हमारे पास आप ये देख रहे हैं ये कर्व स्टोन है इसके ऊपर, और टफ टाइल्स वगैरह फुटपाथ हमारा बना हुआ है, इसकी डिटेल आपके पास आपके टिपिकल सेक्शन के ऊपर
अलहदा होगी। आपको ये भी बताया गया होगा क्रोस्टोम आपका रोड के स्वार्ट लेवल से कितना ऊपर है और कितना डाउन है। तो इस सेक्शन को हम बनाते हैं इधर से, इसको हमने कैसे बनाना है। ड्रेन हमारे पास 2 मीटर की इधर ड्रेन है, तो हमने इधर से इस सेक्शन को इधर से मैं कॉपी करके थोड़ा सा उधर नज़दीक रखता हूँ और इसके इसको भी एक इधर से इसका एक फॉर्मेट इधर से हम इसका एक बना लेते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इधर से कॉपी रहती है, तो इधर से जो सेंटर लाइन हमारे पास है 2 मीटर की हमारे पास ड्रेन इधर जा रही है करस्टोन समेत, तो आपने इधर से ऑफसेट की कमांड लेनी है 1 मीटर। आपने 1 मीटर इधर लगा देना है और उसके बाद आपने 1 मीटर को इधर लगा देना है। इन लाइन्स को हम इधर से कंटिन्यू में ले जाते हैं इधर से, तो ये हमारे पास लाइन आ गई है दोनों। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर डिस्टेंस है 14.4 दोनों साइडों के ऊपर। पेवमेंट का जो हमारे पास डिज़ाइन आ रहा है बिल्कुल एच करोस्टोन तक, ये 14.40 का आ रहा है। तो आपने इधर से राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइडों के ऊपर ऑफसेट की कमांड लेनी है और 14.400 आपने इसका ऑफसेट दे देना है राइट साइड के ऊपर भी और इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर भी। ये ऑफसेट देने के बाद आपने इधर से एक लाइन की कमांड लेनी है और इधर से मैं सपोज करता हूँ, तो ये लाइन एक मैंने स्ट्रेट लाइन F8 प्रेस करके इधर लगा दूंगा और इसी तरीके से बिल्कुल इसके पैरेलल दूसरी तरफ भी लाइन इधर लगा दूंगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है मैं इसको इधर से ट्रिम कर दूंगा, अंदर वाली लाइन्स को भी ट्रिम। तो आपने ये लाइन को दोनों को लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट और एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर आपने इधर से इसको लगा देना है। उसके बाद पेवमेंट स्लोप आप देख रहे हैं रिवर्स आ रही है, जो हमारे पास जो हमने पहले बनाया था उसके ऊपर पेवमेंट की स्लोप इधर हमारी आउटसाइड के ऊपर थी, तो इसकी जो स्लोप है वो हमारी ड्रेन की वजह से अंदर वाली साइड के ऊपर स्लोप है। तो उसकी 2.5% जो स्लोप हमने ये लगाई हुई है, इस स्लोप को हम इधर लगाएंगे। तो आपने इसी तरह इसका डिस्टेंस इधर हम इसका लिख लेते हैं इधर, ये 14.4 और इधर से इसका डिस्टेंस 14.4। तो ये इधर से आपने कैलकुलेटर को इधर से ओपन कर लेना है अपना और इधर आपने सबसे पहले 14.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 आपने उसी तरीके से जो हमारे पास स्लोप आ रही थी उस स्लोप को आपने इधर उसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइडेड बाई आपने इसके ऊपर 100 कर देना है। 100 करेंगे तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो 0.360 का डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपने इधर से ऑफसेट की कमांड लेनी है और 0.36 का आपने ऑफसेट लेना है। इस लाइन को आपने सेलेक्ट करना है, पहले हमने नीचे की तरफ लगाया था, इसको आपने इधर ऊपर की तरफ इसके ऑफसेट को आपने इधर लगा देना है। दोनों तरफ आपने इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। तो आप याद रखिए जो पी हमारी जो नीचे वाली लाइन है जो इसका ये हमारा जा रहा है, ये हमारा PGL का लेवल जा रहा है। ये जो लेवल हमारा है ये आप मैं इधर सिलेंडर की कमांड लेता हूँ, ये जो हमारा लाइन का एज था दोनों तरफ का लाइन का, ये हमारा PGL का रेफरेंस होएगा। PGL का रेफरेंस जो होएगा इधर सेंटर लाइन का रेफरेंस नहीं यूज़ होएगा, ये आपके टीपी का सेक्शन के ऊपर दिया गया होगा, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। तो ये जो लेवल होएगा हमारा वो इस कर्व स्टोन के एज का लेवल होएगा, 2 मीटर का जो डिस्टेंस आ रहा होगा उसका लेवल होएगा। तो आपको जो ये जो लाइन लगानी है ऊपर जो हमने लगाई है लाइन और जो मैंने एरो लगाया है, ये हमारा PGL का जो एज था ये हमारा ये वाला भाग रहा है। तो आपने इधर से इसी तरीके से लाइन की एक कमांड ले लेनी है और इधर से आपने इसको लाइन को पिक करना है और ऊपर जो हमने 0.36 सेंटीमीटर के ऊपर 2.5 मीटर का जो डिस्टेंस आ रहा था उसके ऊपर एक लाइन आपने इधर से लगा देनी है। इसी तरीके से आपने इधर से PGL को पकड़ना है और इधर से आपने जो ऊपर वहाँ 2.5% का ऑफसेट आया था इसके ऊपर आपने लाइन लगा देनी है। उसके बाद नीचे वाली दोनों लाइन को आपने इधर से ख़त्म कर देना है, अरेस कर देना। तो ये अभी आप देखेंगे कि हमारी जो लेंस जा रही है ये हमारी ऊपर की तरफ हमारी इसकी स्लोप आ गई है और इसकी जो डाउन साइड की जो स्लोप थी वो हमारी इधर ड्रेन के ऊपर इधर आ गई। ये जो हमने बनाया था ये हमने आउटसाइड के ऊपर बनाया था, दोनों साइड स्लोप बाहर जा रही थी और इसकी स्लोप दोनों इसकी स्लोप अंदर आ रही है। तो आपने ये सेक्शन को जो हमारे पास इस टाइप का रिवर्स स्लोप वाला सेक्शन होगा उस सेक्शन को आपने इसी तरह बनाना है। आपने इधर से जो FRL का जो लेवल होएगा इधर से उसकी स्लोप को आपने ऊपर करना है। तो आपने ये स्लोप्स को इधर लगा देना है। उसके बाद आपने इधर से जो ड्रेन हमारी जा रही है उस ड्रेन को आपने एक इधर से लगा देना है अपनी ड्राइंग के ऊपर से देख के, और जो भी इसका डिस्टेंस बन रहा है जितना भी आपका इधर उसका ऑफसेट आ रहा है आपने एक ऑफसेट इसका इधर लगा देना है। और इधर से मैं रफली तौर पर 0.25
इसकी इनर साइड भी लगा देता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं वापस इधर। इसके लिए एक ड्रेन का एक सिंपल सा एक ऑप्शन इधर बन जाएगा। ये ड्रेन आपने सबसे एंड पे लगानी होती है, क्योंकि शार्प ड्राइंग इसकी बनती है, उसके बाद इसके ड्रैंग को इधर इसके ऊपर लगाया जाता है। तो ये मैं आपको पहले जस्ट एक रेफरेंस के लिए इधर मैंने लगा दी है। उसके बाद आपने इधर से इसके ऑफसाइड नीचे लगा देने हैं, उसी तरीके से जो डिज़ाइन पेमेंट जा रहा है हमारे पास फॉल्ट, हमारे पास सेम टू सेम वही 10 सेंटीमीटर हमारे पास फॉल्टिक बेस, हमारे पास 15 सेंटीमीटर वाटर बाउंड, 35 सेंटीमीटर और सब बेस 0.30 सेंटीमीटर। तो आपने इसका ऑफसेट इसी तरीके से ऑफसेट लेना है, और पहला ऑफसेट हमारे पास 0.10 का था, आपने 0.10 का लगा देना है दोनों साइडों के ऊपर सेम टू सेम एक ही दफ़ा वर्किंग करता जाना है। उसके बाद 0.15 अपने ये ऑफसेट इधर से 0.15 के ऊपर इधर लगा देना है, और उसके बाद हमारे पास था 0.35 वाटर बाउंड का, और वाटर बाउंड का आपने इधर से ऑफसेट लगा देना है, और उसके बाद 0.30 सेंटीमीटर हमारे पास सब बेस था, तो आपने इधर से उसका सब बेस का ऑफसेट इधर लगा देना है। तो ये ड्रेन के सेक्शन की वजह से इधर हमारे पास इधर बिल्कुल वर्टिकल लाइंस आएंगी। इधर हमने इधर कर्व स्टोन या एजिंग लगा देनी है, तो ये हमारे पास इधर ये इस तरह की पेवमेंट स्लोप हमारे पास नहीं है, तो हमने उसको इसी तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही रखना है, और इसको हमने कोई इसकी एजिंग वगैरह इधर नहीं देनी है। जिस तरह आप ये टिपिकल सेक्शन इसका देख सकते हैं, इधर कर्व स्टोन आ रहा है और ये बिल्कुल लाइन इधर से स्ट्रेट उसको ने उसको मिला दी है, और आगे इसके ऊपर उसने कुछ भी नहीं किया। तो आपने इधर से इसी तरीके से ट्रिम की कमांड ले लेनी है, और ये लाइन्स को इधर से आपने इधर से ख़त्म कर देना है। ये आप ये देख रहे हैं, इसके बाद आपने ये दोनों साइड्स वाली जो लाइन थी इसको भी आपने जैसे रेस कर देना है। तो ये हमारे पास जो सेक्शन बन गया ये -2.5% का रिवर्स वाला सेक्शन बन गया। तो लेकिन इसके ऊपर जो हमारी स्लोप आएगी, स्लोप हमारी इसी तरीके से ये लगेगी, 2.5% की स्लोप हमने लगाई है। आप इसको इस सेक्शन को मैं जैसे कॉपी कर लेता हूँ, 2.5% वाली जो स्लोप वाला जो टेक्स्ट लगा हुआ है, और इसको इधर मैं इधर मुख्तलि इधर नासिब से इसको सेंटर के ऊपर आके मैंने उसको लगा देना है, और इधर से जो इसका लीडर है वो भी मैंने इधर इसी तरीके से इधर लगा देना है। तो ये हमारे पास जो स्लोप जा रही है, ये स्लोप हमारे पास इस जगह से लेके और इधर तक जो जा रही है वो 2-2.5% इधर हमारे पास आ रहा है, तो हमने इधर से इसका माइनस को इधर से ख़त्म कर देना है। तो ये हमारे पास 2.5% की स्लोप रिवर्स में हो जाएगी। इसी तरीके से आपने इधर से मिरर की कमांड ले लेनी है, और इन दोनों सेक्शन को इधर तक सेट करके दूसरी तरफ भी आपने इधर लगा देना है। तो ये हमारे पास जो दूसरा सेक्शन था इधर का, इसको सेक्शन को भी आपने इसी तरह बना देना है। जो कर्व स्टोन, ये मुख्तलिफ साइज़ के कर्व स्टोन होते हैं, ये हर एक डिज़ाइनर हर एक का जो सिस्टम होता है उसके साइज़ के हिसाब से, उसकी टाइप के हिसाब से उसने अलहदा अलहदा दिए गए होते हैं। इसकी हाइट और उसकी विड्थ वगैरह को आपने इनके जो जो कर्व स्टोन आपने बनाने हैं वो आपने अपनी ड्राइंग के हिसाब से बना लेने हैं, जो कि ड्राइंग के ऊपर दिए गए हैं उसको इधर लगाना है। तो उसके बाद आपने इधर कर्व स्टोन लगाने हैं दोनों साइडों के ऊपर इधर भी, और इस तरफ भी लाजमी लगाने हैं अपने कार सेक्शन के ऊपर। जो ये हमारे पास सेक्शन होता है, इस किस्म के सेक्शन होते हैं, इसके ऊपर कर्व स्टोन और फुटपाथ वगैरह हमने अपने कार सेक्शन जो हमने वर्किंग कार सेक्शन बनाने होते हैं उसके ऊपर लाजमी बनाने होते हैं। तो जो ये कर्व स्टोन होता है इसकी मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, मुख्तलिफ हाइट और मुख्तलिफ थिकनेस वगैरह होती है। इसकी पूरी डिटेल आपके पास ड्राइंग के अंदर इस तरह की शेप में दी गई होगी। आपने इस कर्व स्टोन को अपना इधर एक बना लेना है, जारी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आपने इधर से रेक्टेंगुलर की आप कमांड ले लें, तो सबसे नीचे आप देख रहे हैं जो हमारे पास विड्थ हैगी वो 0.152 है, तो आपने इधर से 0.152 देनी है, टैप को प्रेस कर देना है, और जो हाइट है इसकी 0.533 वो आपने इधर से दे देनी है, 0.533 आपने देनी है। ये रेक्टेंगुलर आपके पास इधर बन जाएगा, आपने इधर से देख लेना हमारे पास जो मैक्सिमम इधर से वो उसका टेपर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है 0.385 है, तो आपने नीचे एक लाइन इधर इस तरह लगा देनी है स्ट्रेट, और ऑफसेट लगा देना जो भी डायमेंशन आपके पास जा रही है। ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो आपने ये इसका ऑफसेट इधर लगा देना है, उसके बाद आपने इसी तरीके से ऊपर एक लाइन लगानी है, और लाइन लगाने के बाद ऊपर आप देख रहे हैं कि 0.10 सेंटीमीटर की विड्थ हैगी। तो आपने इधर से ऑफसेट 0.10 का आपने इधर से एक ऑफसेट इधर लगा देना है, और उसके बाद आपने जस्ट इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देना है। इधर आपके अगर कोई वो फिलेट वगैरह के साथ कोई रेडियस वगैरह दे रहा है तो आपने इधर इसके अंदर उसका रेडियस वगैरह भी लगा देना है। तो ये आपने इस तरह का, ये आप ये देखेंगे कि आपने कर्व स्टोन उसका बना देना है, जो भी साइज वगैरह आपकी ड्राइंग के ऊपर जा रहा होगा। ये पीछे उसकी हांचिंग होती है, हांचिंग लगाने की उधर ज़रूरत नहीं है, कि लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें। उसके बाद आपको वो बता रहा होगा कि आपका जो सेक्शन हैगा
वो हमारा इधर से लेके इधर तक का हमारा पास ये टेपर पोर्शन अप होएगा। तो आपने इधर जो हमारे पास ये सपोज हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपने इधर से इसी तरीके से इसकी लाइन इधर लगा देनी है जो लाइन लगी हुई थी इधर। तो आपने ऑफसेट इसका 0.075 या 0.10 सेंटी जितना भी दे रहा है, तो आपने इधर से इसकी एक लाइन लगा देना है और इसको इधर से आपने कॉपी कर लेना है। बनाने के बाद इसको सेफ जगह पर रखना है और इधर से आपने इसके इस पॉइंट को पिक करना है। सब आपने ब्लॉक जे की शक्ल में कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ताकि हमारे पास एक ही दफ़ा ऑब्जेक्ट इधर सेलेक्ट हो। तो आपने इधर से इसको इसी तरीके से मूव या कॉपी करके और अपने उस सेक्शन के ऊपर आपने ले जाना है, और इधर से जिधर से आपने उसका पिक पॉइंट पकड़ा है इधर आपने उसको आके इधर लगा देना है। लगाने के बाद आपने इधर से उसको मिरर की कमांड लेनी है और इस पोर्शन को इधर से लेके और इधर आपने इसको सिलेक्ट करके मिरर कर दें इधर, और इसी तरीके से आपने इसको इधर से कॉपी कर लेना है। और इस सेक्शन को जो हमारे पास इधर रोड वाली साइड आ रही है, इसको इधर से आपने सेम टू सेम जिधर हमारे पास टॉप लेवल आ रहा है आपने उधर से लेना है और दूसरी टॉप लेवल की तरफ आपने इसको लगा देना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड वाले कर्व स्टोन को भी आपने इधर से उसके टॉप जो हमारे पास लाइन आ रही थी उस लाइन से लेके जाना है और दूसरी तरफ इधर लगा देना है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे इधर कर्व स्टोन लग गए सारे। अभी ये जो ड्रेन हमने बनाई थी इसको हम फिलहाल आर्जी तौर पर इधर से ख़त्म कर देंगे। इधर से एक लाइन हम इधर ऊपर लगा देंगे, तो ये हमारे पास ऊपर इसका जो भी सेक्शन होएगा फुटपाथ वगैरह का, उसका आप ऑफसेट ड्रैग के हिसाब से लगा दें। और इसके बाद इसके नीचे इधर जितना भी हमारे पास ड्रेन जो हमारी बनेगी उसका रेक्टेंगुलर आपने इधर उसकी सेक्शन के हिसाब से REC की कमांड ले लेनी है और एक रेक्टेंगुलर नीचे इधर लगा देना है ड्रेन का। चूँकि इनवर्ट लेवल इसका अलग अलग होता है, तो ये ड्रेन का जो साइज़ होते हैं इसकी जो हाइट होती है वो अलग अलग आती है, हर RD के ऊपर अलग होगी। अगर सेम टू सेम उसकी हाइट जा रही है फिर तो नो इशू। तो अगर अलग अलग जा रही है तो आपने ये ड्रेन जो लगानी है इसका जो बॉटम लेवल होएगा ये इसकी हाइट, ये इनवर्ट लेवल जो नीचे वाला होएगा ये ऊपर नीचे जाएगा। इसी तरीके से ड्रेन आपकी ऊपर या नीचे जाएगी तो ये आपका सेक्शन इसी तरीके से फाइनल होएगा। तो ये आपने ड्रेन लगाने के बाद आपने इस उसके बाद आपने लाइन की कमांड लेनी है और इधर से लाइन लेके और नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, और ये हमारा जो वाटर बाउंड और सब बेस वगैरह जो नीचे आ रहा था इसको आपने इधर तक एक्सटेंड कर देना है। जो बीच वाला गैप होता है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लीन्स, या हमारे पास वो लीन दे देता है, या हमारे पास इधर से कोई कंक्रीट वगैरह दे देता है, या उसकी मिट्टी की फिलिंग, ये अपनी ड्राइंग के हिसाब से उसके अंदर ये चीज़ होती है। लेकिन जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर हमारे पास होएगा वो 14.40 का ही होएगा, तो ये 14.40 ही इधर लगेगी। आपने इस मटेरियल को आगे लेके नहीं आना, अगर कोई इंजीनियर आपका डिसाइड कर देता है तो आपने उसको इधर कर देना है। तो आपने ये इसी तरह इसका सेक्शन बना देना है। उसके बाद आप ये नीचे देख रहे हैं कि हमारे पास इधर 2 मीटर का फुटपाथ है स्ट्रेट, और उसके बाद इसी तरीके से ग्रीन बेल्ट जा रही है 5 मीटर की। तो आपने इधर से इसी तरह ऑफसेट की कमांड ले लेनी है 2 मीटर का, जो हमारे पास इधर से लाइन जा रही थी अंदर वाली लाइन से आपने इधर बाहर वाली लाइन के ऊपर 2 मीटर, और इसके बाद आपने 5 मीटर इधर लगा देना है। तो ये इसी तरह आपने इस लाइन को, ये जो हमारी कर्व स्टोन के टॉप जा रहा था इधर तक, आपने इसको इधर बढ़ा देना है, और ये जो लाइन्स थी हमारी आपने इसको इधर एक्सटेंड कर देना है, और दरमियान वाले पोर्शन को आपने इधर से ख़त्म कर देना है। तो ये हमारे पास जो पोर्शन होएगा ये हमारा इधर से उत्पाद का आ जाएगा पोर्शन, और ये आगे हमारा ग्रीन बेल्ट का है। ग्रीन बेल्ट के ऊपर अगर वो आपके पास इधर कोई स्लोप वगैरह दे रहा है तो आप इसको देंगे, अगर वो 0 रख रहा है कोई स्लोप नहीं दे रहा तो आपने इधर से इसकी कोई स्लोप नहीं करनी। उसके बाद ये इधर से वो स्लोप हमारी साइड स्लोप आप ये देख रहे हैं 1.5 × 1 है, तो आपने इसी तरीके से इधर एंड के ऊपर आना है और 1.5 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, उसके बाद 1 लगाना है, और उसके बाद इसको सी प्रेस करके आपने इधर इंटर कर देना है। ऊपर वाली दोनों लाइनों को आपने ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने मिरर की कमांड ले लेनी है और ये पूरी सेक्शन को आपने इधर सेलेक्ट करके मिरर करना है, और सेंटर आपने स्टार्ट और एंड किसी भी आपने वर्टिकल लाइन का दोनों साइडों पर क्लिक कर देंगे तो ये सेक्शन इधर आपका मिरर हो जाएगा। उसके बाद आपने एक लाइन इधर से हम इधर रेफरेंस NSL की लाइन लगा देते हैं, फिलहाल आधी तौर पे ये हम लाइन्स को लगा रहे हैं। ये लाइन लगाने के बाद ये NSL की लाइन को हम बाद में इधर लगा देंगे। तो आपने इसी तरह जो हमारे पास इस ये फुटपाथ का जा रहा है, तो हमारे पास जो टफ टाइल का जो साइज़ होएगा वो साइज़ इधर हमने ऊपर इसके मेंशन कर देना है, और नीचे जितनी भी उसकी बेस दे रहा होगा 0.05 या 0.1 वो आपने इधर से
इसके ऊपर लगा देना है। तो ये जस्ट ये आप नहीं भी लगाएंगे तो उसका कोई हर्ज नहीं है इसके ऊपर। ये लाइन जस्ट मैं आपको इधर सेक्शन के मुतालिक बता रहा हूँ, तो ये सेक्शन के ऊपर आपने इस सेक्शन को इसी तरह बनाना है और बाकी को आपने जैसे ट्रिम कर देना है। तो ये आप अभी देख सकते हैं कि हमारे पास इधर 2.5% के हिसाब से जो स्लोपें हमने बनाई थी वो बना दी हैं। इस पूरे सेक्शन को हमने इसी तरीके से बना दिया है जिस तरीके से ये हमारे पास सेम टू सेम बना हुआ सेक्शन टिपिकल सेक्शन का। आपने इस सेक्शन को इसी तरीके से बनाना है। इसके अंदर आपने इसका जो लेवल है वो जो लाइन प्रोफाइल के ऊपर लेवल दिया गया होगा वो आपका टिपिकल सेक्शन के ऊपर शो करा रहा होगा। आपने इन चीज़ों को लाजमी तौर पे क्रॉस सेक्शन बनाते वक्त इस चीज़ को आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि आपका PGL जो है या FRL जो फिनिश रोड लेवल है वो आपके टिपिकल सेक्शन के ऊपर किस जगह से दे रहा है। क्योंकि सेंटर लाइन इसकी जो होती है, सेंटर लाइन हमारी इस रोड की इधर दरमियान में जा रही होती है, कोऑर्डिनेट हमारे इसके होते हैं और बाकी इधर ड्रेन वगैरह या मीडियन है या जो भी चीज़ है उसके बाद जो हमारा जैसे रोड पेवमेंट का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा होता है उसका FRL रोड लेवल इधर ऐसे स्टार्ट होता है। दोनों साइडों के ऊपर सेम टू सेम लेवल होता है क्योंकि प्रोफाइल का लेवल जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक ही लेवल दिया गया होता है, सेंटर लाइन का लेवल या उसके अंदर रेफरेंस दिया गया होता है टिपिकल सेक्शन का। ये लेवल जो होता है वो लेवल इस एज का होता है। इसकी जो डिटेल होगी वो आपको टिपिकल सेक्शन के ऊपर बिल्कुल वाजह होगी। ये आपने टिपिकल सेक्शन के ऊपर जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको इधर बताए हैं। आपने ये इधर इसी तरीके से फुटपाथ जो आपका टिपिकल सेक्शन के ऊपर दिया गया होगा वो आपने इधर इसके ऊपर लाजमी लगाना है, सेंटर के ऊपर भी लगाना है, साइड के ऊपर भी लगाना है। क्योंकि जब ये फुटपाथ आप लगाएंगे तो जब आपने इस मिट्टी का एरिया कैलकुलेट करना है अपने क्रॉस सेक्शन का तो ये एरिया आपका उसके अंदर शामिल नहीं होएगा क्योंकि इसके ऊपर इसकी बैक के अंदर सैंड या आपके पास कोई सिलेक्टिव मटेरियल दिया गया होगा और ऊपर इधर टफ टाइल वगैरह हमारी आ रही होगी, ये हमारा करो स्टोन वाला मटेरियल होएगा। तो ये हमारे पास जितना भी एरिया होएगा ये सारा हमारा उस मिट्टी वाले एरिया में से डिडक्ट होएगा बाशमोल ड्रेन के ये स्ट्रक्चरल एक्सिविशन के अंदर ड्रेन हमारी आ जाएगी और ये करो स्टोन वगैरह हमारे अलहदा से इसके ऊपर आएंगे। तो ये आपने ये चीज़ें जब क्रॉस सेक्शन आपने बनाना है तो उसके ऊपर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो फुटपाथ वगैरह इधर आपके पास दिए जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक पोल दिया जा रहा है वो भी आपने इसके अंदर लगाना है और उसका एरिया आपने इसके मिट्टी वाला जो बैकमेंट वाला जो एरिया होगा उसके अंदर से वो एरिया माइनस होता है। तो ये दो किस्म के सेक्शन मैंने आपको अभी तक बना के बता दिए हैं कि सिंपल सेक्शन आपकी जो कैम्बर वाला सेक्शन होता है जिसको साइड स्लोप दोनों साइडों पे आउटर साइड जा रही होती हैं और इसके शोल्डर अलहदा होते हैं, ये दोनों स्लोप आपने कैसे बनानी है। उसके बाद अगर आपके पास ड्रेन वाला सेक्शन है और इसकी स्लोप इनर साइड के ऊपर है तो उस सेक्शन को आपने कैसे बनाना है, इसके स्लोप को रिवर्स स्लोप को आपने कैसे लगाना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक ये दोनों सेक्शन जो स्लोप के थे ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से समझ आ गए होंगे। इस सेक्शन के ऊपर अगर आगे हम आते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि थर्ड नंबर के ऊपर इधर हमारे पास ये मीडियन वाला पोर्शन जा रहा है। तो ये इस पोर्शन के अंदर भी सेम टू सेम ये ड्रेन वाला ही फॉर्मेट फॉलो होता है। इसके अंदर इसकी स्लोप मुख्तलिफ अंदर भी दी गई होती हैं और बाहर की तरफ भी दी गई होती हैं, बाजूकार इधर चैम्बर बना हुआ होता है। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जस्ट जब क्रॉस सेक्शन को ड्रा करना है तो अपने PGL या FRL को देख लेना है कि वो आपका किस लेवल से दे रहा है। जिस लेवल से वो दे रहा होगा ऊपर आपको उसका वो रेफरेंस भी दे रहा होगा, इस लेवल का आपने इसका खास ख्याल रखना है। और उसके बाद अपने इन रोड पेवमेंट स्ट्रक्चर को आपने ड्रा करना है और ड्रा करने के बाद आपने इसको बनाना है। जो फुटपाथ वगैरह दिए गए हैं फुटपाथ भी आपने इसके अंदर बनाने हैं। बेशक आप इसके अंदर ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ये दोनों लाइन आपने इधर इसके अंदर लाजमी लगानी है, करोस्टोन को लाजमी लगाना है। क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे तो जैसे आपने जब आपने इनका एरिया कैलकुलेट करना है तो ये माइनस इसमें से ऑटोमेटिकली मिट्टी की क्वांटिटी में से आपको पहले ही हो जाएंगे, नहीं तो बाद में आपको दोबारा इनके एरिए के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा। अभी जस्ट सपोज मैं जैसे बाउंड्री की कमांड लेता हूँ, बाउंड्री की कमांड लेने के बाद ये मैं सिलेक्ट करूँगा। ये आप देखेंगे कि जैसे जो मैंने बाउंड्री मेरी बनी है ये उसको मैं नीचे रखता हूँ, ये जो ड्रेन वाला पोर्शन था ये भी इसमें से डिडक्ट हो गया है, करोस्टोन वाला पोर्शन भी, और ये इधर से बिल्कुल सेम टू सेम ये इस तरीके से जिस तरीके से उसकी शेप जा रही है ये पूरे क्रॉस सेक्शन की तो वो उस तरीके से इसकी शेप आएगी। तो आपने एरिया जो निकालना है वो एरिया इसका निकालना है। इसके मुतालिक हम आगे बात करेंगे या आप मेरी पिछली वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो ये आगे हम इसको बनाते जा रहे हैं तो आगे इसी के बाद हमने इसकी मुख्तलिफ स्लोप्स को इधर लगाना है। ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थी दो सेक्शन की डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, इससे आगे हम पेवीमेंट की जो स्लोप चेंज हो रही है उसके मुतालिक मैं आपको बताऊँगा कि उसको सेक्शन को आपने आगे कैसे बनाना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहली स्लोप थी -2.5 -2.5 -4
और माइनस फोर थी और साइड स्लोप इसकी 1 × 1.5 थी। इसी तरीके से नीचे हम आते हैं तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड की स्लोप है ये -2% की है और राइट हैंड की स्लोप -2.5% की है। शोल्डर्स की स्लोप और साइड स्लोप सेम टू सेम है। तो आपने इसी तरीके से इस सेक्शन को उधर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर प्लॉट कर देना है क्योंकि अभी हम ये एलिवेशन के बगैर बना रहे हैं। तो ये हमारी जो नेक्स्ट आरडी आएगी इसका आपने ऊपर सबसे पहले आपने इसकी आरडी को चेंज कर देना है। जो से भी आपकी आरडी 0+25 के ऊपर चल रही है, 0+20 के ऊपर चल रही है तो उसके हिसाब से आपने बनाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि 0.50 है तो हमारे पास इधर हमारे पास जो है राइट साइड के ऊपर -2.5 और लेफ्ट साइड के ऊपर -2 स्लोप है और इधर ये 0.50 वाली आरडी है। तो आपने इधर से सिर्फ इस पोर्शन को ट्रिम कर देना है। ये वाला जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन था इस पोर्शन को आपने इधर से ट्रिम कर देना है। ये हमारी साइड वही रहेगी और इसके बाद ये जो हमारी 4% की स्लोप है ये भी वही रहेगी। ये सेक्शन पूरा का पूरा सेम टू सेम इसी तरह रहेगा। तो आपने इधर से लाइन की कमांड लेनी है और एक स्ट्रेट लाइन जिस तरह हमने पहले लगाई थी स्ट्रेट लाइन आपने इधर से जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा था इधर 3 मीटर का तो आपने इधर से उसके 15 मीटर का डिस्टेंस के ऊपर एक इधर स्ट्रेट लाइन लगा देनी है F8 प्रेस करके। आपने इस तरह लाइन लगा देनी है उसके बाद 2% स्लोप को हमने इधर नीचे लगाना है। तो इधर से आपने इसको 2% स्लोप इसकी कर देनी है। -2% स्लोप है। डिस्टेंस हमारे पास 15 मीटर का है जो हमारे पास इधर जा रहा है। पेवीमेंट का जो हमारे पास विर्थ है वो 15 मीटर की है इधर। तो आपने इधर से अपना कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है इधर और इधर आ जाना है। आपने 15 × 2 कर देना है, इजिकल टू करना है और डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। तो ये स्लोप आ जाएगी हमारे पास 0.30 सेंटीमीटर। तो आपने जैसे ऑफसेट लेना है उसी तरीके से 0.30 सेंटीमीटर का और ऑफसेट लेके आपने डाउन वाली साइड के ऊपर इसका ऑफसेट लगा देना है। उसके बाद लाइन की कमांड दोबारा ले लेनी है और इधर से इस लाइन को इस लाइन तक आपने इधर मैच कर देना है। तो ये हमारी जो स्लोप बन जाएगी ये हमारी इधर 2% की आ जाएगी। तो ये भी आप देख रहे हैं हमारा इधर गैप आ गया है सारा। आपने इस सेक्शन को पूरे का पूरा सेक्शन को आपने इधर से मूव करना है। इसको आपने बनाने की ज़रूरत नहीं है, मूव करना और इसके बराबर मिला देना है क्योंकि हमारी जो शोल्डर की स्लोप है वो 4% जा रही है। इधर भी हमारी 0+50 वाली आरडी के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर पेवमेंट की स्लोप चेंज हुई है, शोल्डर की स्लोप चेंज नहीं हुई। तो आपने ये स्लोप को इसी तरीके से इधर इसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद आपने ऑफसाइड की कमांड लेनी है और अपना पेवीमेंट स्ट्रक्चर जो आपके पास है जिस तरह हमारे पास स्वाल्ट 0.10 सेंटीमीटर थी, स्वाल्ट बेस हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, उसके बाद वाटर बाउंड हमारे पास 35 सेंटीमीटर है और इसी तरह हमारे पास सब बेस 0.30 सेंटीमीटर है। तो वो आपने इधर उसके ऑफसेट लेके नीचे इसी तरह लगा देने और इधर से आप ये देख रहे हैं आपके पास कम आ रहा है तो आपने इधर से एक्सटेंड की कमांड लेनी है और ये तीनों पोर्शन को इधर से आपने मैच कर देना है और नीचे जो आपका बच रहा है पोर्शन उसको आपने इधर से ट्रिम कर देना है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो स्लोप आ गई है -2.5% की है और ये जो स्लोप हमारे पास अभी हमने लगाई है ये -2% की स्लोप है। इसी तरह इसके ऊपर शोल्डर वगैरह इधर आ गए सारे और साइड स्लोप हमने इधर पहले अपने सेक्शन के ऊपर बना ली थी उसी को हमने कॉपी करके इधर ऊपर लगा दिया। इसके बाद आपने इसी तरह सेम टू सेम इसको कॉपी कर लेना है। ये आपने जिधर जिधर आपकी सुपर एलिवेशन की स्लोप चेंज हो रही होगी आपने उसके जितने भी टीपिकल हैं सारे आपने उसके स्लोप के हिसाब से अलग अलग बनाने। जो राइट साइड की स्लोप होएगी, जो लेफ्ट साइड की स्लोप होएगी पेवीमेंट की या जो शोल्डर की स्लोप चेंज हो रही होगी उन तमाम क्रॉस सेक्शन को आपने इसी तरीके से अलग अलग बनाने। अगर आपकी स्लोप सेम टू सेम जा रही है तो आपने एक ही टिपिकल बनाना है, वही टेम्पलेट आपकी शुरू से एंड के प्रोजेक्ट पर लगेगी। लेकिन अगर बीच में सुपर एलिवेशन है स्लोप वो चेंज कर रहे हैं तो आपने सारे क्रॉस सेक्शन को इसी तरीके से चेंज करना है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट के ऊपर आ जाइए, हमारे पास 100 वाली आरडी आ जाएगी, 0+100 वाली आरडी का आपने टिपिकल ऊपर इसका जो टेम्पलेट और जो डिज़ाइन है वो आपने बना देना है। अपने टेबल के हिसाब से ही हमारी 100 वाली आरडी जा रही है। इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्लोप है वो -1.5% की हो गई है लेफ्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर सेम टू सेम वही है और इनकी साइड स्लोप्स भी वही हैं। तो आपने इसी तरीके से ऊपर आ जाना है इधर और ये वाला जो हमारा सेक्शन था इसको आपने इसी तरीके से दोबारा ख़त्म कर देना है। लाइन की कमांड ले लेनी है और इधर से अपना जो रोड आपकी विर्थ है पेवमेंट विर्थ उसका 15 मीटर हमारे पास है आपके पास जो है उसके ऊपर आपने इसी तरह लाइन लगा देनी है। इधर हमारे पास स्लोप आ रही है अभी -1.5% की तो आपने इधर से 1.5 ऊपर इसका चेंज कर देना है। कैलकुलेटर को ओपन करना है इधर से और 1.5 × 15 करना है और डिवाइडेड बाई आपने 100 कर देना है। 100 करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास ऑफसेट आ गया इसका 0.225। तो आपने इधर से ऑफसेट ले लेना है 0.225 का
और इधर से नीचे आपने ऑफसेट इसका लगा देना है। उसके बाद आपने जैसे लैन की कमांड या पॉली लैन कोई भी कमांड आप लैन ले सकते हैं, आपने ये लैन लेनी है और इधर से आपने इसके नीचे वाले एच के ऊपर आपने उसको मिला देना है और दरमियान वाली लैंस को इधर से आपने ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद शोल्डर की स्लोप हमारी वही जा रही थी, इधर से आपने इस सेक्शन को इसके जो टेक्स्ट वगैरह है उस समेत इधर से कॉपी करना है और सेम टू सेम इधर ऊपर आके आपने उसको लगा देना है और इसके बीच में आपने इसी तरीके से अपना डिज़ाइन स्ट्रक्चर 0.10 सेंटी हमारे पास एस्फाल्टिक बेयरिंग है, उसके बाद 0.15 सेंटीमीटर हमारे पास एस्फाल्टिक बेसिस की आ गई, 0.35 सेंटीमीटर हमारे पास वाटर बाउंड और इसी तरह 0.30 सेंटीमीटर हमारे पास सब बेस आ जाएगी। और इसके बाद आपने इधर से इसको एक्सटेंड करके और इधर इनको मिला देना है। ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास हमने जैसे स्टार से चले हमारे पास इधर 2.5% की स्लोप थी 0.0 क्रॉस सेक्शन के ऊपर, आगे सेकंड क्रॉस सेक्शन के ऊपर 0.50 के ऊपर वहाँ आए तो हमारी जो स्लोप चेंज होके -2% की आ गई है। राइट साइड हमारी सेम टू सेम जा रही है और शोल्डर और जो हमारी साइड की स्लोप है पेवमेंट की स्लोप वो सेम टू सेम जा रही है। इसी तरीके से हम थर्ड क्रॉस सेक्शन 0+100 के ऊपर आके -1.50 के ऊपर आ गए और लेफ्ट साइड हमारी सेम टू सेम जा रही है। इसी तरीके से आपने इस सेक्शन को कॉपी करते जाना है और ऊपर इनको आपने बनाते जाना है। आप इन सेक्शन को आप एक ही दफ़ा बना दें या आपने अलग अलग भी बना सकते हैं जिसमें आप आसानी यूज़ करते हैं, आपने उस किसानी के ऊपर मद्देनजर रखना है। इसी तरीके से आपने इधर 15 मीटर की आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है और इधर से हमारे पास RD आ रही है नेक्स्ट 0+150 वाली, तो आपने जैसे 0+150 के ऊपर आपने देख लेना है इधर हमारे पास स्लोप आ गई इसकी -1% की, तो -1% है इधर, बाकी सेम टू सेम उसी तरीके से जा रहा है क्योंकि ये सुपर एलिवेशन वाला एरिया है तो वो आगे अपने स्लोप के हिसाब से सेक्शन ये चेंज होता है। तो इधर जो हमारे पास स्लोप आएगी वो आएगी इधर हमारे पास -1% की, तो 15 मीटर है तो इसका जो ऑफसेट आ जाएगा वो 0.15 के ही आ जाएगा। बहरहाल आप इसको चेक कर लें, 1 × 15 और डिवाइडेड बाई 100 आप इधर से इसको कर दें तो ये हमारे पास 0.15 का ऑफसेट आ जाएगा। नीचे आपने इसी तरह ऑफसेट लेना है 0.15 और नीचे इसका ऑफसेट लगा देना है। लैंड की कमांड लेनी है इधर से और इसको लैंड को आपस में इधर आपने मैच कर देना है, ऊपर वाली दोनों लाइनों को आपने इधर से ख़त्म करना है और ये सेक्शन को आपने इधर से कॉपी करना है सेम टू सेम इसी तरीके से। ये पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप न्यू यूज़र हैं ऑटो कैड के क्रॉस सेक्शन वगैरह बनाने हैं इससे पहले आपने नहीं बनाए तो ये फॉर्मेट आपने इसी तरीके से बनाना है। ये आपके लिए बहुत ही एक यूज़फुल वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आपने इसी तरीके से इसके ऑफसेट वगैरह नीचे लगा देने हैं जो कि आपके टिपिकल सेक्शन के ऊपर डिज़ाइन पेवमेंट के स्ट्रक्चर का दिया गया है, तो आपने ये इस तरह इसी के स्लोप बनाती जाना है और इसको बनाने के बाद आपने इनको इसी तरह फाइनल करना है बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से इधर मैं आपके पास करता जा रहा हूँ। तो आपने ये सेक्शन को इसी तरीके से बनाते जाना है, इसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है ऊपर और ऊपर आ जाना है इसी तरीके से 0+150 है तो आपने इधर से हमारे पास नेक्स्ट RD है 0+200 वाली, तो 200 वाली RD के ऊपर भी आपने इसी तरीके से इसको बनाना है। इस पोर्शन को आपने डिलीट कर देना है, सबसे ऊपर आपने इधर एक लाइन लगा देनी है अपने रोड पोर्शन के हिसाब से स्ट्रेट F8 प्रेस करके और इधर 200 वाली RD के ऊपर आपने आ जाना है। इधर आप देख रहे हैं कि -0.50 की हमारे पास स्लोप आ गई है, इधर हमारे पास दोनों साइडों के ऊपर स्लोप सेम टू सेम है लेकिन इधर आप ये देख रहे हैं कि पेवमेंट की जो स्लोप है हमारी वो इधर चेंज होगी, इधर 1:2 की स्लोप आ गई है, 1 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल की स्लोप इधर आ गई है। इधर हमारे पास इसी तरह 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल की स्लोप इधर आ गई है, उससे ऊपर जो हमारे पास स्लोप्स जा रही थी वो 1.5 हॉरिजॉन्टल थी और 1 वर्टिकल था, तो इधर हमने इसकी स्लोप को भी चेंज करना है और इसी तरीके से इसका डिज़ाइन का जो सेंटर वाला जो हमारे पास पेवमेंट का जो पोर्शन था उसकी स्लोप को भी हमने इधर चेंज करना है। तो ये ऊपर आप आ जाएँ, इधर हमारे पास 0+ सबसे पहले हम इधर RD अपनी चेंज करेंगे, 0+200 वाली RD आई है तो इधर से हमने इसके दोनों स्लोपों को भी इधर से सबसे पहले ख़त्म कर देना है। स्लोप्स को हम ख़त्म करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन हमने लगाई हुई है, इधर हमारे पास स्लोप है इधर -0.50 की, आपने सबसे पहले स्लोप को इधर से चेंज करना है और 0.50 के हिसाब से इधर आपने इसका ऑफसेट निकाल लेना है। तो आपने 0.50 मल्टीप्लाइड बाई
15 कर देना है और डिवाइडेड बाई आपने 100 करेंगे तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी 0.075 की। तो आपने जैसे ऑफसेट लेना है 0.075 का और नीचे आपने ऑफसेट इधर लगा देना है। ये आपका देखेंगे ऑफसेट बहुत कम आ गया। इसके बाद आपने इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर को आपने उसी तरीके से मैच कर देना है और दरम्यान वाले पोर्शन को आपने जैसे ख़त्म कर देना है। तो ये हमारे पास स्लोप ऊपर आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास इधर शोल्डर की स्लोप -4% ही जा रही थी, इधर आप ये देख सकते हैं 200 वाले आरडी के ऊपर शोल्डर की स्लोप 2% है और पेमेंट की स्लोप चेंज है और साइड स्लोप 2-in-1 की, दोनों साइडों के ऊपर 2-in-1 की स्लोप है। तो हमने इधर इसकी स्लोप्स को भी बनाना है और इसके बाद इसको भी मैच कर देना है। तो आपने इधर से मूव करना है इस सेक्शन को जो हमारे पास 4% वाला है, ऊपर कर देना है इसको और इधर आपने एच के ऊपर आ जाना है इधर से और लाइन की कमांड लेनी है बिल्कुल आउट मोस्ट पॉइंट के ऊपर। तो आपने इधर से 2 वर्टिकल आपके पास हॉरिजॉन्टल है आपके पास, तो आपने 2 हॉरिजॉन्टल साइड में माउस को रख के प्रेस करना है और आपके हॉरिजॉन्टल 2 मीटर की लाइन लगा देनी है। उसके बाद 1 वर्टिकल 1 लगाना है और उसके बाद सी प्रेस कर देना। सी प्रेस करने के बाद आपने ऊपर वाली दोनों लाइंस को इधर से ख़त्म कर देना। तो अभी आप देखेंगे हमारी स्लोप इधर बाहर हो गई है। तो आपके पास जो साइड स्लोप आ रही थी इधर, इसको भी आपने इधर से चेंज करके जो स्लोप आपके पास आ रही है आपने उसको इधर लिख देना है। आपने लिखने के बाद इसको एडजस्ट कर दें और इस लाइन को आपने ट्रिम कर देना है अपने NSL तक और ये जो टैक्स आपका बीच में आ रहा था इसको आपने जैसे राइट सेलेक्ट करके और थोड़ा सा ऊपर कर देना है। तो ये हमारे पास आप देखेंगे हमारे पास इधर 2-in-1 की स्लोप बन गई, ये एक्सटेंड मेरे पास ऊपर हो गई थी उसी साइड के ऊपर। तो इस लाइन को मैं जैसे एक्सटेंड कर देता हूँ, दूसरी तरफ भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप इसको मिरर कर सकते हैं लेकिन मैं आपको इधर बताता हूँ ताकि कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। आपने लाइन की कमांड लेनी है इधर से और हॉरिजॉन्टल रख के आपने 2 मीटर की लाइन लगानी है, उसके बाद आपने 1 मीटर की लाइन लगानी है और सी प्रेस करके इसको क्लोज कर देना है और ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को आपने ख़त्म कर देना है और इधर से इसके स्लोप को आपने एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद इस टैक्स को आपने इधर सेंटर के ऊपर इधर रख देना है। उसके बाद ये हमने 0.5 की स्लोप ऊपर लगा दी थी, आपने इधर से उसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर इसी तरीके से आपने इसका लगा देना है। आपने डिज़ाइन स्ट्रक्चर इसका कॉपी करके नहीं लगाना क्योंकि जो नीचे कॉपी हुआ हुआ है वो आपने इधर नहीं लगाना है क्योंकि इधर इसकी स्लोप आस्ता आस्ता चेंज हो रही है। जिस तरीके से इसकी स्लोप चेंज होएगी नीचे पेवीमेंट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी स्लोप भी उसी तरीके से चेंज होएगी। तो ये हमारे पास एक साइड के ऊपर बना हुआ है, दूसरी साइड के ऊपर जो आपके टॉप के ऊपर जिस तरीके से आपकी स्लोप जा रही होगी उसी तरीके से आपकी वाटर बाउंड सब बेस वाटर बाउंड स्फाल्ट की स्लोप्स भी होंगी, वो भी उसी तरीके से जाएंगी। तो इसको आपने कॉपी करके अगर आप ऊपर लगाते हैं तो वो आपकी स्लोप्स मेंटेन नहीं होंगी और आपके एरिया के अंदर नीचे फ़र्क आएगा। इधर से आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी 1-in-1 की स्लोप थी वो भी आस्ता आस्ता इधर से ख़त्म होती जा रही है हर सेक्शन के ऊपर, उसको हम इधर से ट्रिम कर रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 0+200 वाली आरडी का सेक्शन था इसके ऊपर हमारे पास राइट साइड की जो पेवमेंट की जो स्लोप थी वो भी इधर से चेंज हो गई है। हमने चेंज कर दी है डिज़ाइन के हिसाब से जो भी स्लोप इधर आ रही थी सेक्शन के ऊपर और इधर से हमारे पास जो राइट साइड की स्लोप है वो सेम टू सेम जा रही है और लेफ्ट साइड की स्लोप इधर हमारी चेंज होती जा रही है सारे सेक्शन के ऊपर, वो हम इधर से उसको स्टेप बाय स्टेप सबको चेंज करते जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने इस सेक्शन को इधर से कॉपी कर लेना है और ऊपर आ जाना है। आपने इधर ऊपर आने के बाद आपने इधर सबसे पहले उसकी आरडी को आपने चेंज कर देना है 0+250 और इधर से आपने इसके जो डिज़ाइन पेमेंट स्ट्रक्चर है उसको आपने इधर से ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आपने 250 वाली आरडी के ऊपर आप देखेंगे तो इधर हमारे पास पेमेंट की जो स्लोप है वो 0-0 जा रही है और बाकी शोल्डर की स्लोप -4 और जो साइड स्लोप है वो 1-in-2 की जा रही है दोनों साइडों के ऊपर। तो आपने इसी तरीके से ऊपर सेम टू सेम सबसे पहले आपने इधर से इसकी स्लोप को चेंज कर दिया, पेवमेंट स्लोप को 0-0 है तो आपने लैंड की कमांड लेनी है या फेट के ऊपर और इधर से आपने 15 मीटर की लाइन लगा देनी है। तो अभी आप लाइन लगाएंगे तो उसके ऊपर आपने ऑफसेट नहीं देना क्योंकि ऊपर हमारे पास जो एलिवेशन है वो 0-0 का है। तो ये माइनस की जो साइनस के साथ लगी हुई है ये जैसे मैं इसकी ख़त्म कर दूंगा, ये प्लस माइनस इधर 0-0 की स्लोप आएगी। 0 की स्लोप का मतलब है जो एलिवेशन हमारा इधर सेंटर लाइन के ऊपर आएगा वही एलिवेशन हमारा इधर एज के ऊपर आएगा। इधर से आप आते हैं इधर हमारे पास 250 वाली जो आरडी है इसके ऊपर, यानी कि हमारे पास अगर एलिवेशन सेंटर लाइन का 101.250 है तो यही एलिवेशन हमारा 15 मीटर के ऊपर 0-0 स्लोप के ऊपर आएगा। तो ये आपने इसी तरह इसके ऊपर कोई स्लोप नहीं देनी। उसके बाद आपने इधर से
मूव की कमांड ले लेनी है और ये सेक्शन को आपने इधर से कॉपी कर लेना है, जो आपका शोल्डर्स वगैरह का था उसको अपने इधर साथ मैच कर देना है। और इसके बाद आपने इधर से इसका डिज़ाइन सेक्शन जो हमारे पास आ रहा था 0.10 सेंटीमीटर, इसी तरह 0.15 सेंटीमीटर, 0.35 सेंटीमीटर और 0.30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ को आपने इधर नीचे लगा देना है और इधर से आपने इसको एक्सटेंड कर देना है अपनी डिज़ाइन पेवमेंट की स्लोप के हिसाब से। और उसके बाद नीचे जो एक्स्ट्रा लाइन आपकी आ रही है उसको आपने इधर से ट्रिम कर देना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि 250 वाले सेक्शन तक मेरे पास ये स्लोप 0-0 आ गई है। इसी तरीके से आपने जैसे कॉपी की कमांड लेके और इस सेक्शन को आप ऊपर तक ले जाएँ। तो ये मेरा पूरी डिटेल के साथ सेक्शन बताने का मकसद ये हैगा कि काफ़ी सारे लोग जब एक सिंपल सी हम एक वीडियो बना देते हैं उसके ऊपर कि आपने बाकी स्लोप्स को आपने इस तरह लगाना है, तो वो काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आती, वो बेचारे कंफ्यूज होते हैं, बिगनर्स होते हैं उसमें, उनको समझ नहीं आ रही होती। तो ये मैं आपको पूरा तरीकाकार उसका बता रहा हूँ। तो आपने जैसे इसी तरीके से नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर भी आपने एक लाइन ऊपर लगा देनी है और हमारे पास ये सेक्शन आ जाएगा 0+300 का। आपने इधर से 0+300 के ऊपर जो आपके पास स्लोप जा रही है इधर से वो आपने देखनी है। इधर अभी आप देख रहे हैं हमारे पास स्लोप इधर प्लस के ऊपर हो गई है, हमारे पास पहले स्लोप जो जा रही थी वो सारी माइनस के ऊपर जा रही थी। और इधर से 0-0 के बाद हमारे पेमेंट का स्ट्रक्चर की जो लेफ्ट साइड की स्लोप है वो चेंज हो गई है, +0.50 की आ गई है। और इधर हमारे पास जो शोल्डर की स्लोप थी वो भी -4% से चेंज हो के और -3.5% के ऊपर आ गई है। तो हमारा ये इधर लेफ्ट साइड हमारा चेंज हो गया है, लेकिन राइट साइड जो हमारा सेम टू सेम अभी उसी तरीके से जा रहा है। तो इधर से हमने लेफ्ट साइड की जो स्लोप है उसको हमने अभी चेंज करना है 0.5 और -3.5 के ऊपर। तो ये हमारे पास जो सेक्शन आया 0+300 का, तो आपने सबसे पहले कैलकुलेटर को इसी तरीके से ओपन कर लेना है, 0.50 × 15 / 100 करेंगे तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी 0.075 की। 0.075 की स्लोप हमने इधर नीचे भी लगाई थी, लेकिन ये माइनस वाली थी, इसके अंदर हमने ऑफसेट नीचे की तरफ लगाया था। नीचे की तरफ क्योंकि ये माइनस की स्लोप थी तो ऑफसेट हमने नीचे की तरफ लगाया है, तो इधर ऑफसेट हमारे पास इधर प्लस के ऊपर है। तो ये जो हमारे पास टॉप के ऊपर जो हमारे पास ऑफसेट आ रहा है वो हमारा इधर 0.50+ के ऊपर आ रहा है, इसके साथ कोई साइन नहीं है। तो आपने इधर से जो स्लोप आई है हमारे पास 0.075 उसको आपने ऊपर की तरफ लगाना है, ऑफसेट की कमांड ले लेनी है, 0.075 का आपने ऑफसेट लेना है और इधर से आपने इस ऑफसेट को ऊपर की तरफ लगा देना है। ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ये आप देखेंगे हमारी स्लोप पहले नीचे आ रही थी, तो अभी ये इसकी स्लोप चेंज होकर और इधर सेंटर की तरफ आ जाएगी। तो आपने लैंड की कमांड लेनी है और इस पोर्शन को आपने इधर से ला के और इधर अपना सेंटर वाला जो पोर्शन है इस जगह तक आपने इसको मिला देना है और ऊपर वाली और नीचे वाली लेंस को आपने इधर से चेंज कर देना है। तो ये अभी आपकी स्लोप इधर ऊपर हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि शोल्डर की जो स्लोप है वो -4% जा रही है, इधर हमारे पास -3.5% की शोल्डर की स्लोप है, तो शोल्डर की स्लोप भी इधर हमारे पास इधर चेंज होगी। तो शोल्डर की स्लोप को भी आपने जैसे ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो शोल्डर का जो डिस्टेंस था वो 5 मीटर था, 5 मीटर डिस्टेंस था और पहला ऑफसेट हमारे पास आया जो हमारे पास स्लोप आई वो -3.5% की आई। तो आपने इधर से इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन इधर आपने जिधर इसको एंड किया है इधर से आपने एक लाइन की कमांड लेनी है। मैं लाइन का इधर से कलर चेंज कर देता हूँ। आपने इधर से लाइन की कमांड लेनी है और इधर से आपने 5 मीटर की स्ट्रेट एक लाइन लगा देनी है। ऊपर जो आपने इधर ऑफसेट वगैरह लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा आप अभी चेंज करेंगे, दोनों फॉर्मेट्स के ऊपर जो हमारी स्लोप्स लिखी हुई है इसको आपने रिजनेबल के ऊपर ऊपर कर देना है। इसी तरीके से आपने ये स्ट्रेट लाइन लगा दी है, कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है, 5 × 3.5 आपने एंटर कर देना है और उसके बाद डिवाइडेड बाई 100 कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.175 का ऑफसेट। तो आपने इधर से ऑफसेट लेना है 0.175 का और इसको ऑफसेट आपने नीचे की तरफ लगाना है, नीचे की तरफ, क्योंकि ये हमारे पास प्लस वाली स्लोप थी हमने इसका ऑफसेट ऊपर लगाया, ये माइनस वाली स्लोप है तो उसका ऑफसेट हमने इधर नीचे लगाना है। और उसके बाद अपने लाइन की कमांड ले लेनी है और इसको आपने इधर इसी तरीके से दोनों लाइनों को आपस में इधर मैच कर देना है। मैच करेंगे तो ये आपकी स्लोप इधर आ जाएगी, उसके बाद साइड स्लोप आपकी 1 × 2 की जा रही है, तो आपने सेम टू सेम उसी लाइन को इधर ऊपर कॉपी कर लेना है या चेंज करना है तो चेंज कर देंगे। उसके बाद आपने इधर आना है और अपना जो पेवमेंट का ऑफसेट है वो सेम टू सेम इधर आपने लगाते जाना है,
जो आपका टिपिकल सेक्शन कह रहा है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन होता है रोड का जो डिज़ाइन हुआ वो होता है, ये बेसिकली बिल्कुल एग्जैक्ट शुरू से लेकर एंड तक सेम टू सेम जाता है। कहीं आपके रिजेक्ट पेमेंट्स वगैरह आ गई हैं, कोई पोर्शन आपका चेंज हो गया तो वो उधर चेंज होएगा, नहीं तो अदरवाइज इसने चेंज नहीं होना। इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो ये देखेंगे लाइन थोड़ी सी हमने इधर इसको मूव नहीं किया था, तो इस लाइन को हम सबसे पहले इधर मूव करके इधर बिल्कुल एच के ऊपर उसके लगा देंगे। लगाने के बाद इसको एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को पूरा एंड तक। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इधर अभी प्लस में हम पहुंच गए इधर से, और इधर हमारे पास सेम टू सेम वो स्ट्रक्चर वही जा रहा है। ये आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये हमारी स्लोप्स वगैरह चेंज होती जा रही हैं, उसी तरीके से हमारा इधर पूरा पेवमेंट का डिज़ाइन स्ट्रक्चर भी चेंज होएगा। तो ये प्लस वाली इधर चीज़ें आया, ये स्लोप्स आ गई है, तो मैं इसका कलर इधर से चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली इस पोर्शन का समझ आ जाए। इसी तरह आपने इसको इधर से कॉपी कर लेना है, 300 वाली आरडी थी इसको कॉपी करके आपने इधर ऊपर आपने इधर पेस्ट कर देना है। और सबसे पहले आपने इसकी आरडी का जो डिस्टेंस है वो आपने चेंज करना है, और इधर से हमारे पास इधर 0.50 की स्लोप आ रही है, आपने 350 वाली आरडी के ऊपर आ जाना है इधर, और अपने टेबल के ऊपर जो आपके पास एक्सेल के ऊपर है, हार्ट शेप के ऊपर है, जिसके ऊपर भी है, तो जैसे आपने देखना है तो इधर हमारे पास 1% प्लस में आ गई स्लोप, और शोल्डर की स्लोप -3% के अंदर है। और इधर से हमने हमारी जो पेवमेंट का जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है वो भी हमारा जो चेंज हो गया है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास 2.5 है और वर्टिकल इधर से 1 है, तो हम इसकी स्लोप को भी चेंज करेंगे, और इधर से अपने क्रॉस सेक्शन के शोल्डर की स्लोप को भी और लेफ्ट साइड के पेवमेंट स्लोप को भी हम चेंज करेंगे, और इधर से जो हमारे पास राइट साइड के ऊपर जो पेवमेंट की डिज़ाइन लाइन चेंज होगी इसको भी हम इधर से चेंज कर देंगे। तो आपने इसी तरीके से इसके ऊपर आ जाना है, इधर 0.50 था आपने इसको इधर से एडिट कर देना है, और 1.00 की लाइन इसको कर देना है, और इधर से अपनी इन लाइन्स को आपने इधर से चेंज रेस कर देना है, और इधर से कलर में इसका चेंज कर देता हूँ। आपने लाइन की कमांड ले लेनी है, और 15 मीटर जो रोल्ड विड्थ है वो आपने इधर लगा देनी है। 1% का मतलब होएगा कि 15 है तो 0.15 की हमारी आएगी, तो आपने इधर से कैलकुलेशन कर लेनी है, 1 × 15 और डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारे पास 0.15 का ऑफसेट आ जाएगा। तो ये प्लस वाली जो साइन होगी उसके ऊपर ऑफसेट आपने 0.15 का ऊपर वाली साइड के ऊपर ड्रॉ करना है। इस तरह ऊपर वाली साइड के ऊपर करने के बाद इस लाइन को लेके और इस लाइन तक आपने सेंटर लाइन की जो हमारी लाइन जा रही है इस लाइन तक आपने इसको इधर मैच कर देना है। मैच करने के बाद आपने एक्स्ट्रा लाइन्स को इधर से ख़त्म कर देना है, और इधर से हमारे पास जो स्लोप जा रही है उस स्लोप को भी हमने चेंज करना है। इधर हमारे पास स्लोप चूँकि इधर 1% है, 4% -1% माइनस होएगा, तो इधर हमारी जो शोल्डर की स्लोप आएगी वो इधर 3% की आ जाएगी। तो आपने इधर से 3% की शोल्डर की स्लोप भी लगानी है, लाइन की कमांड ले लेनी है, और इस पोर्शन को आपने इधर से इसकी 5 मीटर जो शोल्डर की विड्थ है उसको आपने इधर लगाना है। शोल्डर का कलर मैं इधर से चेंज कर देता हूँ, तो ये 5 आपने इसके स्लोप निकाल लेनी है, 5 × 3 और डिवाइडेड बाई आपने इधर से 100 कर देना है, तो ये हमारे पास ये आपने हमारे पास 5 × 3 और डिवाइडेड बाई 100 कर देना है, तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी 0.15 की। तो आपने इधर से ऑफसेट ले लेना है 0.15 सेंटीमीटर का, नीचे आपने ऑफसेट लगाना है और इस लाइन को बिल्कुल इधर से ऐसे आपने मिलाना है, और नीचे की तरफ आपने इन दोनों लाइन्स को आपने इधर से मिला देना है, तो ये आपकी स्लोप जो है -3% की इधर से आ जाएगी। इसी तरीके से आपने जो आपके पास साइड स्लोप जा रही थी, साइड स्लोप हमारे पास इधर चेंज है, 2.5% की स्लोप है हमारे पास इधर, तो आपने इधर से 2.5 इसकी स्लोप को चेंज कर देना है, और इधर से आउटमोस्ट पॉइंट के ऊपर आ जाना है, और 2.5 हॉरिजॉन्टल लाइन और 1 वर्टिकल आपने लाइन लगानी है, सी प्रेस करके इसको इधर क्लोज कर देना है, और जैसे आपने इसी तरीके से ऊपर वाली जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको आपने ट्रिम कर देना है, और नीचे वाली लाइन को आपने जैसे एक्सटेंड कर देना। एक्सटेंड हमारी ये हो नहीं रही क्योंकि लाइन हमारी थोड़ी सी कम है, तो आपने जैसे इसको इसी तरीके से मिला देना है। तो ये आपका सेक्शन, इसी तरह आप ये देख रहे हैं आपकी स्लोप बढ़ती जा रही है, जो साइड स्लोप जिस तरीके से चेंज होएगी आपने साइड स्लोप को चेंज करना है, आपकी पेमेंट की जो स्लोप चेंज होएगी राइट और लेफ्ट के ऊपर अलग अलग उन स्लोप्स को भी आपने इसी तरीके से चेंज करना है। ये हमारी 1 in 1 की लाइन लगी हुई डिज़ाइन स्ट्रक्चर, ये आप हमारा अगर आपका भी सेम टू सेम जा रहा है एंड तक, तो आपने वही लाइन को लगान देना है, और अगर चेंज हो रही है तो आपने ये लाइन को भी इधर से चेंज करना है। तो उसके बाद आपने इधर से इसका ऑफसेट
उसी तरीके से आपने लगा देना है जो कि आपका डिज़ाइन स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है। तो ये आपने इसी तरीके से कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन मेथड के ज़रिए। तो आपने इसी तरीके से इसके ऑफसेट्स वगैरह को लगाते जाना है। तो ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि जिसमें जो हमारे यंगर भाई आते हैं जो बिल्कुल फील्ड के अंदर फ्रेश होते हैं और इनको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हमने ये सेक्शन को हमने कैसे बनाना है, तो उसके लिए पूरी डिटेल के साथ मैं ये वर्किंग करके आपको बता रहा हूँ कि आपने ये सेक्शन को सब सेक्शंस को आपने अलग अलग चेंज करने हैं पूरे स्टेप बाई स्टेप। हर एक किस्म के स्लोप मैं इसके अंदर मुख्तलिफ यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको इसके अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जो साइड स्लोप आपकी चेंज हो रही है किसी जगह के ऊपर नहीं हो रही हैं तो आपने उसी को फॉलो करना है, अगर हो रही हैं तो आपने हर सेक्शन के ऊपर सेम टू सेम इसी तरीके से वर्किंग करनी है जिस तरीके से मैं अगर वर्किंग करता जा रहा हूँ आपको बताता जा रहा हूँ। तो आपने ये सेक्शंस को इसी तरीके से फॉलो करते हुए सारे जो सुपर एलिवेशन के जो स्लोप सेक्शन होते हैं उनको आपने कैसे बनाना होता है कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैनुअल टाइम लगता है और ये उसको बनाने पड़ते हैं सारे क्राफ्ट सेक्शन को। आपने इसके बाद कॉपी की कमांड ले लेनी है और इस सेक्शन को आपने ऊपर प्लाट कर देना है। तो ये हमारे पास 350 वाला सेक्शन था, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास 0+400 वाला इधर आ जाएगा। तो हमारे पास इधर 1% स्लोप थी, उधर हमारे पास स्लोप इसकी जारी बात है -1.5% की आ जाएगी, यानी कि 0+400 के ऊपर +1.5% और -2.5%। इधर हम आप देख रहे हैं कि इधर आगे से जिस तरह इसकी स्लोप ऊपर जाती जा रही है उसी तरीके से शोल्डर की स्लोप भी चेंज हो रही है। तो ये सुपर एलिवेशन वाला एरिया होता है तो उसके अंदर इसी तरीके से स्लोप्स होती हैं राइट और लेफ्ट साइड की कर्व के हिसाब से। तो आगे जब जाएंगे तो ये इधर हमारी लेफ्ट साइड की स्लोप्स भी चेंज होंगी, तो वो भी आगे हम इसको प्रॉपरली मैं पूरी डिटेल के साथ मैं बनाऊंगा ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इधर से 1% है तो आपने इधर से इसकी 1.5% स्लोप इधर से चेंज कर देनी है और इस पोर्शन को आपने इधर से डिलीट करना है और लैन की कमांड लेके लैन आपने इधर लगा देनी है 1.5% का। आपने इधर से इसी तरीके से 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 15 मीटर रोड विड्थ है डिवाइडेड बाई 100% के लिए, तो 0.225 हमारे पास इधर ऑफसेट आ गया, ऑफसेट 0.225 आपने इधर ले लेना है और इधर इसको ऊपर की तरफ आपने लगा देना है। आपका स्लोप प्लस में जा रही है तो उसका ऑफसेट आपने ऊपर लगाना है और माइनस में जा रही है तो उसका ऑफसेट आपने इधर नीचे लगाना है। तो इसी तरीके से ये स्लोप हमारी चेंज होकर -2.5% बन जाएगी। इस स्लोप को भी आपने इधर से चेंज करना है। तो ये दोनों स्लोप हमने लगा दी थी, इसका ऑफसेट मैं लगा देता हूँ, इसके बाद आगे वाली लाइन को हम चेंज करेंगे। ये ऑफसेट इधर से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ दोनों को, और इधर से आपने इसी तरह शोल्डर के ऊपर आ जाना है। इस लाइन को आपने इसी तरह मूव करके इधर ऊपर लगा देनी है और उसके बाद आपने 5 मीटर के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगानी है और इधर 2.5% की स्लोप है तो आपने इधर से 2.5 मल्टीप्लाइड बाई शोल्डर विथ 5 मीटर है हमारे पास और डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.125 ऑफसेट, 0.125 नीचे वाली साइड के ऊपर इसका ऑफसेट हमने इधर लगा देना है और लाइन की कमांड लेनी है और इधर से इसकी लाइन को नीचे आपस में इधर मैच कर देना है। तो शोल्डर का कलर हमारे पास इधर येलो मैं चला रहा हूँ तो इसका कलर मैं इधर से चेंज कर देता हूँ, आपको तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम टू सेम वो सेक्शन ने जब प्रिंट आउट होना होता है तो वो उसने ब्लैक कलर में, ये क्रॉस सेक्शन सारे प्रिंट आउट होते हैं कलर के अंदर नहीं होते हैं, तो आपने इसकी लेंस को अपनी मदद के लिए अगर आपने इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर लें कलर्स वगैरह, तो ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपने इसका ऑफसेट इधर नीचे लगा देना है 0.10 का 0.15 का, और इसके बाद आपने 0.35 और इसके बाद 0.30 सेंटीमीटर, तो ये आप इधर ऑफसेट इसका लगाते जाएंगे और इधर से आपने इस लाइन को इधर से ट्रिम करके इसके बराबर कर देना है और नीचे वाली लाइन को आपने इसी तरीके से थोड़ा सा ट्रिम कर देना है। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास इधर 1.5 सेक्शन आ गया, तो अभी आप ये देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता स्लोप जो है सारी सेक्शंस की वो चेंज होती जा रही है, जिस तरीके से हमारी स्लोप इधर आ रही थी लेफ्ट साइड राइट साइड की स्लोप हमारे पास सेम टू सेम उसी तरीके से जा रही है और राइट साइड की स्लोप चेंज होती जा रही है। तो ये सेक्शन आपने इसी तरीके से सारे ड्रा करने हैं। इसके बाद आपने जैसे हमारे पास 2.5% की स्लोप इधर है और 2.5% की स्लोप
साइड स्लोप इधर है, जो आपके पास सेक्शन के ऊपर चेंज हो रही है आपने इसको इसी तरीके से चेंज करना है। इसके बाद आपने जैसे कॉपी की कमांड लेके इस सेक्शन को इसी तरीके से ऊपर ले आना है इसको, और 450 सबसे पहले आपने आरडी चेंज करनी है। आरडी आपने लाजमी चेंज करनी है, क्योंकि आरडी जब आप चेंज करेंगे नहीं करेंगे तो फिर आपको इसके स्लोप्स का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है कि इसको हमने कैसे करना है। इधर 1.50 की स्लोप है, आपने इसको 2.00 हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी, और शोल्डर की स्लोप हमारे पास इधर -2% की आ जाएगी। ये हमारे पास जो सुपर एलिवेशन का डिज़ाइन डेटा होता है वो इसी तरीके से होता है। अभी आप देख सकते हैं 0+450, तो इधर से 0+450 के ऊपर हम आते हैं तो ये 2% और इधर से -2% दोनों स्लोप, इधर ये प्लस में है और ये हमारी माइनस में है। साइड स्लोप हमारी सेम टू सेम दोनों साइडों के ऊपर इधर जा रही है, तो आपने इधर से ऊपर आ जाना है और इधर से वही वर्किंग सेम टू सेम। इसके बाद आपने लाइन की कमांड ले लेनी है, इधर से 15 मीटर की आपने लाइन लगा देनी है स्ट्रेट, 15 × 2 डिवाइडेड बाई 100 आपने कर देना है। 0.30 सेंटीमीटर का ऑफसेट आ जाएगा, 0.30 सेंटीमीटर आपने इधर से इसका ऑफसेट ऊपर की तरफ लगा के एक लाइन को इधर से बिल्कुल एग्जैक्ट इसके कॉर्नर से लेके और अपने सेंटर लाइन तक आपने इधर इसके लगा देनी है। तो ये हमारे पास इसकी लाइन चेंज हो जाएगी इधर इसी तरीके से। ये हमारे पास 2% की स्लोप है, इधर से आप इसको रेस कर देना है, लाइन की कमांड लेनी है स्ट्रेट लाइन 5 मीटर का। हमारे पास शोल्डर था तो आपने 5 मीटर की इधर लाइन लगा देनी है, और 5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने इधर से ऑफसेट की कमांड लेनी है और 0.10 सेंटीमीटर का ऑफसेट आपने इधर नीचे की तरफ लगा देना है, और इस लाइन को आपने इसी तरीके से इधर ही हमारी लाइन एंड हो रही थी इस लाइन को इधर से लेके इधर तक आपने इस लाइन को मिला देना है, और इधर से इसकी कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, और साइड स्लोप को भी आपने इसी तरीके से इधर से कॉपी करना है और इधर इसके साथ इधर मिला देना है। पेवमेंट की जो डिज़ाइन स्लोप आ रही थी इसको भी आपने ऊपर की तरफ मूव कर देना है। तो ये भी आप ये देख रहे हैं कि हमने इधर 2% के ऊपर भी लगा दी स्लोप सारी। उसके बाद आपने इसके ऑफसेट उसी तरीके से आगे लगा देने हैं। ये सारा स्टेप बाई स्टेप मेथड बताने का मकसद सिर्फ यही है कि कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना रह जाए, और आपको क्रॉस सेक्शन जब आप इस किस्म के ड्रा करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा जारी बात है टाइम लग जाता है इसमें। ये आपके हाथ के ऊपर है, जितनी जल्दी आप इसको सेट करेंगे तो उतनी जल्दी जल्दी आप ये क्रॉस सेक्शन बनाना शुरू कर देंगे, कोई इसमें टाइम वगैरह नहीं लगता। तो ये भी आप देख सकते हैं 2% इधर हमारे पास आ गई है, इधर -2.5% और इधर 4% है और इधर 2% है। तो ये सुपर एलिवेशन के हिसाब से हमारे क्रॉस सेक्शन सारे बनते हैं, उसकी साइड स्लोप। सुपर एलिवेशन का डेटा आपको अपने ड्राइंग के अंदर दिया गया होता है, या आप ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे चैनल के अंदर सुपर एलिवेशन के मुतालिक 3-4 बहुत ही यूज़फुल किस्म की वीडियोस मौजूद है, जिनकी मदद से आपको कोई टाइम नहीं लगेगा ये बनाते हुए। तो आगे आपने आ जाना है, इधर -2.5% हमारे पास इधर स्लोप आ गई इसकी, आप ये देख सकते हैं। इधर से हमारी जो स्लोप नेक्स्ट स्लोप जो होगी वो -+2.50% की होगी। इधर हमारे पास 2.50 प्लस की प्लस में है, और इधर हमारे पास दूसरी तरफ इधर माइनस। इसको अगर हम इधर अपने टेबल के ऊपर देखते हैं तो ये हमारे पास इधर 500 वाली है, इधर 2.5% प्लस में है, शोल्डर हमारे पास -1.5% पे है, और इधर सेम टू सेम अभी जा रहा है। इससे आगे के जो क्रॉस सेक्शन होंगे, अब ये माइनस से ये जब आप 2.5% से ऊपर जा रही है तो इधर आप ये देखेंगे हमारी इधर ये स्लोप सुपर एलिवेशन की चेंज हो जाएगी। इधर जो स्लोप प्लस में होगी इसके बाद दूसरी साइड के ऊपर भी वही स्लोप माइनस में होगी, और शोल्डर की स्लोप भी माइनस के अंदर होगी। तो ये हमारे आगे से दोनों क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन से आगे से जो हमारे सेक्शन होंगे वो दोनों तरफ से चेंज होंगे। तो आपने इधर इसी तरीके से सबसे पहले इधर लाइन लगा देनी है इधर से 3 मीटर की, और लाइन लगाने के बाद आपने 2.5 × 15 और डिवाइडेड बाई 100 आपने करना है। तो आप देखेंगे हमारे पास डिस्टेंस आ गया 0.375, ऑफसेट 0.375 आपने ऑफसेट ऊपर की तरफ इसका लगा देना है। उसके बाद लाइन की कमांड लेके और इस लाइन्स को आपस में मिला देना है, दोनों को ऊपर वाली नीचे लाइन्स को आपने ख़त्म करना है। ऑटो गाइड के अंदर जब आप क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो वो उसके अंदर पूरा यही सेटअप होता है सारा, उसका बनाने का, उसकी स्लोप वगैरह का बनाने का, और उसके
पेवमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने का। तो इधर हमारे पास स्लोप थी -1.5% की, तो आपने इसी तरीके से शोल्डर को अलग-अलग बनाना है और उसके जो हमारे पास पेवमेंट का स्ट्रक्चर होएगा उसको आपने अलग-अलग 1.5 × 5 / 100 0.075 ऑफसेट, 0.075 का ऑफसेट आपने इसको डाउन की तरफ लगा देना है और लाइन की कमांड लेके इसको इधर मैच कर देना है आपस में। इधर से गलत मैच करते हैं, लाइन की कमांड लेनी है इधर से ऊपर से लेके और इधर डाउन की तरफ इसको आपने इधर आपस में मैच कर देना है और इधर से आपने इसकी स्लोप को भी इसी तरीके से चेंज कर देना है और इसको कॉपी करना है और इसके ऊपर आपने इधर लगा देना है। इसका कलर में इधर से शोल्डर का चेंज कर देता हूँ। इसके बाद आपने ऑफसेट इसके लगा देने हैं। इधर से हमने ऑफसेट आगे हमारे पास है पॉइंट, आप इसको जीरो कर लेते हैं हम 0.10 + 0.15 + 0.35 + 0.30 स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास इधर पूरा 0.90 सेंटी का। 90 सेंटी का हमारे पास सब ग्रेड टॉप आ जाएगा। इधर से आपने ऑफसेट 0.90 सेंटीमीटर का ले लेते हैं क्योंकि आगे से हमने दोनों सेक्शन को चेंज करना है। तो इधर जो हम लाइन के ऑफसेट अलग अलग लगाएंगे तो उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है, उस टाइम को थोड़ा सा हम इधर से बचा जाते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं -2.5 + 2.5 - 2.5 - 4 - 1.5 के ये स्लोप हमारी जा रही है और क्रॉस सेक्शन इधर से पूरा का पूरा मूव कर रहा है, चेंज हो रहा है। आप ये देख रहे हैं सारे सिस्टम को, इसको इसी तरीके से आप इसको कॉपी करके ऊपर लगा देंगे। आप भी इसको अलग अलग विंडो के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप एक ही विंडो के अंदर इसको बनाएंगे, उसके बाद ये चेंज होएगा। तो उसके बाद ये देख सकते हैं हमारे पास ये हमने दोनों साइडों की स्लोप हमारे पास इधर चेंज हो रही है। तो मैं इधर से दोनों साइडों को इधर से ख़त्म करता हूँ और ये क्रॉस सेक्शन मेरे पास था 550 का, तो इसकी मैं आईडी ऊपर से चेंज करूँगा 550। सबसे पहले हमने आईडी चेंज करनी है और इधर से हमने ऊपर अपने डेटे के ऊपर आ जाना है। ये आप देख सकते हैं 550 का डेटा हमारे पास। इधर हमारे पास लेफ्ट साइड की जो स्लोप है वो +3% है और शोल्डर की स्लोप -1%, और उसके बाद पहले हमारी जो राइट साइड की स्लोप इधर तक जा रही थी वो 2.5% ऊपर से लेके और इस क्रॉस सेक्शन तक हमारी जा रही थी। इससे आगे ये चेंज होना शुरू हो गई, तभी हमारे दोनों क्रॉस सेक्शन दोनों साइडें जो हैं लेफ्ट और राइट ये सेम टू सेम चेंज होंगी। इसका शोल्डर भी सेम टू सेम इसी तरीके से चेंज होएगा और जो आउटर शोल्डर होएगा हमारा लेफ्ट साइड का, अगर कर्व हमारी राइट साइड की जा रही है तो इसके जो शोल्डर की स्लोप होएगी वो -1 की होएगी। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि हमने इधर से इसकी जो स्लोप है साइड स्लोप वो भी इधर चेंज कर दी है, 2.5 से 3% के ऊपर आ गई है। तो 3% की साइड स्लोप को भी लगाएंगे और इन स्लोप्स को भी दोनों साइडों के ऊपर इधर लगाएंगे। तो ये भी हमने इधर से ख़त्म कर दिया है। इधर से सेक्शन सिर्फ जस्ट ये सेंटर लाइन के लिए, एक साइड की लाइन को मैं इधर से ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर से इसकी जो स्लोप है उसको आपने इधर से चेंज कर देना है 3%, और इधर से जो आपकी -2.5% जा रही थी उसको भी आपने -3.00 कर देना है। 3.00 करेंगे तो इधर से शोल्डर की स्लोप हमारी 4% ही है, इसने अभी चेंज नहीं होना। उसके बाद ये स्लोप हमारी आ रही है तो ये 150 सी, तो ये हमारे पास इधर 1.00 की स्लोप आ गई है। तो आपने इसको भी इधर से ख़त्म कर देना है। सबसे पहले हमने इधर से लाइन की कमांड ले लेनी है और इधर 15 मीटर की इधर एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। कैलकुलेटर के ऊपर आ जाना है आपने, 15 × 3 / 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी स्लोप 0.45 की। तो आपने इधर से ऑफसेट की स्लोप ले ली है 0.45 की, वो आपने इधर से ऑफसेट इसका इधर ऊपर लगा देना है। ऑफसेट ऊपर लगाने के बाद आपने ये इधर से एक लाइन को सबसे पहले इधर लगा देना है। इस लाइन को, इस लाइन का कलर मैं अभी चेंज कर देता हूँ, उसका मैं मजेंडा कलर कर देता हूँ। और ये लाइन आप देख रहे हैं कि इधर सेंटर तक आ रही है, इधर हमारे पास 3% है, इधर भी 3% है, तो इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर देना है एंड तक। आप इसको एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि हमारी स्लोप इधर पेवमेंट की सेम टू सेम जा रही है सारी स्लोप, तो आपने इसको इधर से एक्सटेंड कर देना है। और ऊपर वाली जो ब्लू लाइन जा रही थी इधर से आप देखेंगे ये नीचे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऊपर वाली ब्लू लाइन को आपने इधर से
ख़त्म कर देना है। तो ये दोनों लाइनों को भी आपने जैसे ख़त्म कर देना है। अभी आप देखेंगे हमारी जिधर स्लोप सेम टू सेम जा रही है, उसको आपने एक साइड के ऊपर या आप इस साइड के ऊपर उसको प्लस ऊपर ले जाएं, या दूसरी तरफ से भी आप इसको नीचे ला सकते हैं। दोनों साइडों पर लाने के बाद आपने इसको एक्सटेंड कर देना है पूरे अपने 30 मीटर का जो हमारा रोड का सेक्शन है, 15 मीटर वन साइड है, 15 मीटर सेकेंड साइड, तो इसके ऊपर आपने इसको बढ़ा देना है। उसके बाद आपने इसी तरीके से इसकी जो साइड स्लोप आ रही थी इसको कॉपी करके इसको इधर लगा देना है, और इस पूरे सेक्शन को, ये जो दोनों आपकी लाइनें जा रही हैं फिलहाल, इस ये हमारी 4% की स्लोप जा रही है, इसको आपने इधर नीचे लगा देना है। नीचे लगाएंगे उसके बाद साइड स्लोप को हम ख़त्म करते हैं। इधर हमारे पास स्लोप आ रही है 3.550 की। ये स्लोप्स जो मैं आपको अलग अलग सारी बताते जा रहा हूँ, साइड स्लोप, पेमेंट स्लोप, तो ये इसलिए कि आपके पास जो भी सेक्शन जिस स्लोप के हिसाब से भी आ रहा है तो आप उसको इजीली बना सकें, उसके डिज़ाइन वगैरह को आप समझ जाएं कि उसका जो डिज़ाइन चेंज हो रहा होता है वो उसको डिज़ाइन को हमने कैसे बनाना होता है। जब आप 3.5 पर लगाएंगे तो ये देखेंगे हमारी लाइन इधर से थोड़ी सी बढ़ गई है। तो इसी तरीके से शोल्डर हमारे पास इधर 1% का है, तो शोल्डर को इधर हमने अलग ड्रा करना है उसका। इधर से 5 मीटर उसकी आपने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, आपने अवसर ले लेना है इधर से 0.05 का, क्योंकि ये 1% स्लोप है और 5 मीटर डिस्टेंस है, तो हमारे पास उसकी स्लोप आएगी वो 0.05 की आएगी। लाइन की आपने कमांड लेनी है और इधर ऊपर से आपने इस कार्नर से आपने पकड़ना है और दूसरे कार्नर के बॉटम तक आपने इसके शोल्डर को इधर 1% के हिसाब से आपने इधर लगा देना है। इधर इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ सारा। इसी तरह ये स्लोप हमारी इधर चेंज हो रही है -3.5 की है, तो आपने इधर 3.5 इसका ऑफसेट हॉरिजॉन्टल और 1 मीटर वर्टिकल लेके सी प्रेस करके इसको कंट्रोल कर देना है, और इधर से जो इसका स्लोप आ रही है इसकी 3.50 की, वो आपने इधर से इसकी स्लोप को भी चेंज कर देना है, और इसको थोड़ा सा आपने इधर साइड पर कर देना ताकि ये स्लोप हमारी इधर एंड तक मिल जाए सारी जाके। ये आपने स्लोप्स भी इसकी लगा देनी है। उसके बाद इसका ऑफसेट मैं इधर से 0.90 हमारा सब ग्रेड बॉटम आ रहा था वो मैं इधर से लगा देता हूँ। दरमियान वाली लाइंस मैं अभी नहीं लगाता, थोड़ा सा हमारा क्योंकि टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि इधर से लाइन हमारी ऊपर जा रही है, इस लाइन को आपने इधर तक एक्सटेंड कर देना है, और इधर जो एक्स्ट्रा लाइन होगी इधर से आपने उसको ट्रिम करना है, और इधर से जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही होगी उसको आपने इधर से ट्रिम करते जाना। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास इधर 3% और इधर -3% आ गया। आपने इसके जो टेक्स्ट है वो आपने इसके बाद आस्ता आस्ता उसी तरह से थोड़ा सा रोटेट कर देना है ताकि उस स्लोप के हिसाब से वो सीधा आता जाए, जिस तरह आपने पहला किया है मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए। आपने इसके दूसरे टेक्स्ट को भी आपने इसी तरह मैच कर देना है ताकि वो इसी तरह स्लोप के ऊपर हमारे पास आ जाए। ये आपने लगा देना है। इसके बाद हमारे पास आगे ये 550 का क्रॉस सेक्शन था, आपने इसको कॉपी करना है। वो कॉपी करने के बाद आपने ऊपर आ जाना है। सबसे पहले आपने उसी तरीके से 0+600, और इधर से आपने इसकी लेंस हमने लगानी है। अभी ऊपर हमारे पास जो स्लोप आ रही है तो ये 600 वाली आईडी आप देखेंगे तो +3.5 -3.5 -4 और इधर शोल्डर की स्लोप -0.50 है। तो हमने इधर से इसी तरीके से सबसे पहले एक लाइन को इधर से लेना है और इधर एक स्ट्रेट लाइन पहले हमने इधर लगा देनी है 15 मीटर की। उसके बाद ये दोनों सेक्शन जो हमारे पास जा रहे हैं ये दोनों लाइंस को हमने इधर से ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आपने हमारे पास जो स्लोप आ रही है इधर 3.50 की है इधर प्लस में, और इधर माइनस में 3.50 की स्लोप है। तो इसमें मैं आपको इधर से बता देता हूँ 3.50 को माइनस में हम थोड़ा सा उसको करके उसके बाद इसको इधर एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को, क्योंकि पहले हम ये साइड को हम कर रहे हैं इस साइड के ऊपर भी। तो आपने एक लाइन इधर से दूसरी तरफ भी लगा लेनी है। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। 15 मीटर की स्ट्रेट लाइन हमने इधर दोनों तरफ लगा दी है। तो अभी आपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है इधर से, और आपने 3.5 × 15 आपने करना है और डिवाइडेड बाई 100 आप करेंगे तो ये वहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा 0.525 का। आपने इसको 15 मीटर के ऊपर करना है तो डिस्टेंस 0.525 दोनों साइडों पे हम लगाते हैं, सर 0.525 ये वाला ऑफसेट आपने इधर ऊपर करना है और ये वाला ऑफसेट आपने इधर नीचे करना है। तो आप दोनों में से कोई भी साइड को कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपने इधर से एक लाइन की कमांड ले लेनी है। इसी तरह इधर से आपने टॉप जो आपके पास पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट से लेके आपने इधर बॉटम तक की एक डायरेक्ट लाइन लगा देंगे तो ये भी आपकी लाइन बन जाएगी, या आपने इधर से
सेंट्रल लाइन से एक इस लाइन को अगर एक साइड के ऊपर आप करते हैं डाउन साइड के ऊपर, तो आप इसको करने के बाद इस लाइन को आप एक्सटेंड कर देंगे इधर एंड तक, तो ये आपकी लाइन उसी तरीके से इस लेंथ को मैच कर जाएगी। तो ये दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, इधर से इसको डाउन करने का और इधर से इसको आप करने का, इसमें से जो सा भी आपको सूट करता है या जिस तरह आपका हाथ बैठा हुआ है आप उस हिसाब से इसको लगा सकते हैं। उसके बाद आपने इसी तरीके से ये लाइन हमारे पास आ रही थी इसको आपने ख़त्म कर देना है, और इधर एच से आपने एक 5 मीटर की लाइन दोबारा लगा देनी है, और इधर हमारे पास जो शोल्डर की स्लोप आ रही थी वो इधर चेंज हो गई थी और 0.50 की स्लोप हमारी इधर बन गई थी। तो 0.50 की स्लोप के लिए इधर से 5 × 0.50 और डिवाइडेड बाई 100 आप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑफसेट 0.025 का। आपने ऑफसेट लेना है 0.025 का, और इधर लाइन को इधर नीचे लगा देना है, और इस लाइन के अंदर जो माइनर सा फर्क आ रहा है इसके ऊपर आपने इसको लाइन को इधर से मैच कर देना है, इधर से आपने इसको पकड़ना है। इस लाइन से हमने इसकी स्लोप डाउन साइड पे लगानी है, और इधर से आपने इसकी जो दोनों स्ट्रेट लाइंस को आपने इधर से ख़त्म कर देना है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ इधर से, तो आपने ये लाइन इसकी लगा देनी है। उसके बाद आपने जो पेवमेंट की स्लोप की लाइन जा रही है इसको भी आपने इसी तरह इधर लगा देना है। ये साइड हमारी सेम टू सेम जा रही है अभी तक, इस साइड के ऊपर शोल्डर के ऊपर हमारा फ़र्क नहीं आया, तो आपने इस लाइन को इसी तरीके से इधर से उठाना है और इसके साथ आपने इधर मैच कर देना है। तो ये हमारी इधर लाइन बन जाएगी। हमारे पास ऑफसेट टोटल स्ट्रक्चर था 0.90 सेंटीमीटर का, उसकी लाइन को आपने इधर नीचे लगा देना है और उसके जैसे एक्सटेंड कर देना है दोनों साइडों के ऊपर, और जो आपकी लाइन इधर से पेवमेंट की लाइन कम आई है इसको आपने बढ़ा देना है, और जिधर से आपकी लाइन बढ़ी हुई है इधर से आपने इसको कम कर देना है। तो इसके बाद आपने ये साइड स्लोप को भी इधर से कॉपी कर लेना दोनों साइडों को, और कॉपी करने के बाद इधर से इसी तरह उसको आपने मैच करते जाना है। ये हमारे पास 3.50 की स्लोप आ गई है 600 क्रॉस सेक्शन के ऊपर, आपने उसको इधर से कॉपी कर लें इस सेक्शन को, और इधर ऊपर आप लगा दें। इधर हमारे पास आरडी आ जाएगी नेक्स्ट 650 की, और स्लोप हमारे पास है इधर 350 की है, तो ये हमारे पास स्लोप 4% की हो जाएगी प्लस के अंदर, और जो माइनस वाली स्लोप है वो -4% के ऊपर इधर आ जाएगी। जब ये स्लोप हमारे पास 4% की आ रही है, शोल्डर की स्लोप भी हमारे पास इधर 4% की है, और ये हमारी जो लेफ्ट साइड का जो शोल्डर होएगा इसकी स्लोप हमारे पास इधर 0.0 की स्लोप आ जाएगी। तो ये आप स्लोप इधर हम टेबल के ऊपर देख सकते हैं, जब आप क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये आप अपने सुपर एलिवेशन के ऊपर देखेंगे इसकी कैलकुलेशन शोल्डर्स की अलहदा होती है और पेवमेंट की अलहदा। तो इधर आप देखते हैं तो ये हमारे पास स्लोप इधर 0.0 की स्लोप है इधर, और दूसरी साइड के ऊपर -4% की शोल्डर की स्लोप है। इसके बाद जिस जिस तरह स्लोप ये आ गया हमारी 450 आ गई, स्लोप इधर -450 है, तो शोल्डर की स्लोप भी हमारी इसी तरह माइनस के हिसाब से -450 हो जाएगी, और इधर से दोबारा जब हमने इसकी स्लोप को ऊपर जाएंगे तो ये स्लोप हमारी इधर से माइनस के अंदर हो जाएगी। तो ये सुपर एलिवेशन की कैलकुलेशन होती है। सुपर एलिवेशन का मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इधर क्रॉस सेक्शन अपना, मैं उसके मुतल्लिक काफ़ी सारी वीडियोज़ इधर से अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको इधर से देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर से जाके। तो आपने इधर से इसी तरह लाइन 15 मीटर की एक साइड के ऊपर आपने इसकी लाइन को लगा देना है, और इधर से दोनों पोर्शन को इधर से डिलीट कर देना है इधर से, और 4% की आपने स्लोप कैलकुलेट कर लेनी है 4 × 15 / 100। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 0.6 का, तो आपने इधर से ऑफसेट 0.6 का आपने इधर ऊपर लगा देना है, और लगाने के बाद आपने इधर से लाइन को, इस लाइन को आपने इस लाइन से लेके इस लाइन तक आप इसको इधर मैच कर दें, और नीचे वाली लाइन को आपने एक्सटेंड कर देना है। ये हमारी स्लोप दोनों साइडों के ऊपर सेम टू सेम आ जाएगी। इसी तरीके से साइड स्लोप वाले पोर्शन को आपने इधर से मूव करना है और इधर लगा देना है, और इसी तरीके से इस लाइन को भी आपने इधर तक लगा देना है। तो इधर हमारे पास स्लोप 0.0 की है, इस स्लोप को हमने इधर से ख़त्म करना है, और एक स्ट्रेट लाइन 5 मीटर की जो हमारी शोल्डर की विड्थ है उसके ऊपर हमने इधर से स्ट्रेट लाइन 0.0 के ऊपर एक लगा देनी है। तो जो इस पॉइंट का लेवल होएगा वही इसी पॉइंट का इसका एलिवेशन आ जाएगा। उसके बाद आपने स्लोप्स को भी कॉपी करके उसके बराबर आपने लगा देनी है, और उसके बाद ऑफसेट 0.90 सेंटीमीटर हमारा पेवमेंट स्ट्रक्चर, इसको आपने कॉपी करके ऑफसेट की कमांड लेके नीचे कर देना है, और इधर से आपने इसको बढ़ा देना है, और इधर से जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको आपने ट्रिम कर देना है। तो ये आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम 0 से लेके और 4% तक पहुँच गए हैं, ये सारी स्लोप्स को आपने इसी तरीके से बनाना है, इसी तरीके से आपने मेनटेन करना,
पूरे पूरे क्रॉस सेक्शन को। इसके बाद मैं कॉपी करता हूँ इस सेक्शन को, ऊपर आ जाते हैं इसको, मैं पूरा क्रॉस सेक्शन आपको बना देता हूँ। दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं इधर इस क्रॉस सेक्शन के प्रोग्राम को एंड कर दूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि चलने ये शुरू किया हुआ थोड़ी सी वीडियो की लेंथ ही थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन ये पूरी वीडियो जो है पूरी डिटेल के साथ ये थोड़ी बन जाएगी और इसमें आप लोगों को काफ़ी इसमें हेल्प मिल जाएगी। जो कन्फ्यूजन होगी उस वीडियो को आप एक दफ़ा देखें, दो दफ़ा देखें, तो ये आपके पास उसी तरीके से ये आप अपना कन्फ्यूजन इसके अंदर स्लोप्स वाला जो है वो अपना क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी आप हमारे पास ये तीनों स्लोप्स हमारे पास सेम टू सेम हो गई हैं। इसके बाद ये स्लोप हमारे पास इधर से माइनस 0.50 की आ जाएगी सुपर एलिवेशन के हिसाब से, उसके डेटे के हिसाब से अभी आप देख सकते हैं। तो इधर ये 7 सेक्शन के ऊपर हमारे पास 0.50 की स्लोप माइनस 0.45 प्लस 0.45 माइनस 45 माइनस 45 की स्लोप इधर हमारे पास आ रही है। तो इसके बाद ये आप स्लोप इसी तरीके से आप इसकी लगाते जाएंगे और इस सेक्शन को हमने इधर बनाते जाना है। तो इस सेक्शन को भी आपने इसी तरीके से, मैं इधर से एक लाइन इधर पहले मैं लगा देता हूँ इसकी 15 मीटर के ऊपर। जब आप देखने का अभी आप स्ट्रेट लाइन जब लगा रहे हैं तो पहले लाइन हमारी माइनस में आ रही थी, अभी आस्ता आस्ता ये सारी इधर से प्लस के अंदर जाती जा रही है। तो आपने इस लेंस को इसी तरीके से सेम टू सेम इसकी वर्किंग करते जाना है और अपने क्रॉस सेक्शन को आपने इधर से बनाते जाना है। तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100 0.675 का ऑफसेट आ जाएगा, 0.675 का ऑफसेट हमारे पास इधर ऊपर आ गया। हम ऑफसेट हमारे पास इधर ऊपर आ गया, लाइन की कमांड हमने ले लेनी है इधर से, उसको मैच कर देना है और इस लाइन को हमने इधर तक एक्सटेंड कर देना है। तो ये हमारे पास अभी जो स्लोप लगी है ये हमारे पास इधर 4% की लगी हुई है, 4.5% की नहीं लगी हुई। तो आपने जैसे मैं दोबारा लगाता हूँ इसको, आपने 5 मीटर का जैसे ऑफसेट ले लेना है, 5 मीटर के ऊपर इसका आपने 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 करना है और डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। तो ये हमारे पास 0.225 इधर ऑफसेट इसका नीचे आ जाएगा। तो आपने ऑफसेट की कमांड ले ली है, 0.225 ऑफसेट आपने शोल्डर के ऊपर जो वहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन लगी है इसके ऊपर आपने इधर नीचे लगा देना है। लगाने के बाद आपने जैसे लाइन की कमांड ले लेनी है और लाइन की कमांड लेके आपने इस लाइन को इधर मैच कर देना। तो ये आप देखने के हमारे पास जो येलो लाइन लगी हुई थी ये 4% की लगी हुई थी और इसके बाद नीचे वाली लाइन जो हमने लगाई है वो 4.5% की लाइन, ये वाली लाइन जो हमने लगाई है मजेंडा कलर की, इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास लाइन इधर 4.5% की आ जाएगी। इस लाइन को आप कंटिन्यू भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपने इधर से उसको चेंज कर दें उसका ऑफसेट वगैरह को, तो जो हमारे पास शोल्डर का आ रहा है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कट लाइन भी लगा सकते हैं इसकी। लेकिन ये है कि अगर आपका पोर्शन अलग-अलग है तो आप इसको अलग-अलग ही रखेंगे। इसके बाद आपने इस लाइन को भी कॉपी करना है और इसके साथ आपने इधर मैच कर देना है और ये स्लोप हमारे पास 0.50 की आ रही है। इधर हमारे पास जो लाइन लगी थी ये स्ट्रेट लाइन थी, हमारे पास जो नीचे वाला क्रॉस सेक्शन आ रहा था वो 0.0 के ऊपर था, ऊपर हमारे पास लाइन है इसकी 0.5 की। तो आप 0.5 का जो ऑफसेट हमारे पास आएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर, तो ये हमारे पास 0.025 का ऑफसेट आ जाएगा। तो ऑफसेट 0.025 का ऑफसेट आप इधर इसको नीचे लगा दें और इसी तरीके से इस लाइन को आपने कॉपी करना है, इसको भी करना है और इसके ऊपर इस आपने इधर से मूव करना है इसको, और मूव करने के बाद ऊपर वाली लाइन को इधर इसके साथ मैं लगा देता हूँ। उसके बाद लाइन की कमांड आपने ले लेनी है इधर से और ये नीचे वाली लाइन के ऊपर आपने इसको मैच कर देना है और एक्स्ट्रा लाइन्स को आपने इधर से ट्रिम कर देना है और स्लो वाली लाइन को भी आपने इधर इसके साथ मिला देना है। उसके बाद इस तरह इसी का कलर आपने इधर से इसका सेम टू सेम चेंज कर देना है। ये आप देख रहे हैं कि इसकी जैसे जैसे सुपर एलिवेशन की स्लोप चेंज हो रही हैं वैसे वैसे इसके हर एक पॉइंट की स्लोप्स भी इधर से चेंज होती जा रही हैं। थोड़ी सी मेहनत तलब काम होता है, आपने इस काम को इसी तरीके से करना है। ये मेरा पूरी डिटेल के साथ बताने का मकसद यही है कि आपको इसके अंदर किसी किस्म की कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े जब आप काम करते हैं आप, तो आपने ये काम इसी तरीके से करना है और इस काम को आपने इसी तरीके से सेम टू सेम इसकी वर्किंग करनी है।
इसके एक पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है और इसके क्रॉस सेक्शंस को आपने कैसे बनाना है। क्योंकि जब आप क्रॉस सेक्शन बनाते हैं ऑटोकैड के ऊपर, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है सुपर एलिवेशन का, उसकी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन के बाद उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो स्लोप्स बनती हैं, ये भी सेम टू सेम उसी तरीके से बनती हैं। इसी तरह ये कापी मैं इसको खा लेता हूँ क्रॉस सेक्शन को और ऊपर ले आता हूँ इसका। मैं क्रॉस सेक्शन का आगे मैं 100 वाला बनाऊँगा ताकि हमारे पास थोड़ा सा ये हो जाए। 7 का था तो 800 के ऊपर हम आ जाते हैं। 800 के ऊपर हम इधर से अपनी स्लोप देख लेते हैं। -1 पॉइंट शोल्डर की है और 5.5 हमारे पास इधर इसकी पेवमेंट की स्लोप है और -5.5 हमारी राइट साइड पेवमेंट और शोल्डर की स्लोप भी इसी तरीके से -5.5 की है। तो आपने इधर से सबसे पहले इसकी स्लोप्स को इधर से चेंज कर लेना है। ये हमारे पास 4.5 थी, 5.5 माइनस में हमारी आ जाएगी राइट साइड की और लेफ्ट साइड की हमारे पास इसी तरीके से -5.5 की आ जाएगी। और ये जो स्लोप होगी हमारी, ये भी हमारे पास इधर इसी तरीके से चेंज हो जाएगी 5.5 के ऊपर। और ये जो हमारे पास स्लोप आएगी, ये हमारे पास इधर हो जाएगी 1.5 की। तो इधर ये आप ये ने स्लोप को इसी तरीके से चेंज कर देना है। इधर नीचे वाली लाइन को मैं जैसे ट्रिम करता हूँ, लाइन की कमांड F8 प्रेस कर देता हूँ और 15 मीटर रोड वेस्ट आपने लगा देनी है ऊपर वाली लाइन को। ये लाइन लगाने के बाद आपने ख़त्म कर देना है। अभी 5.5 की स्लोप हमने जैसे कैलकुलेट कर लेनी है। 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100, ये आप देखेंगे 0.825 का हमारे पास ऑफसेट आ जाएगा। 0.825 का हमने जैसे ऑफसेट लेके इधर ऊपर लगा देना है और इसकी लाइन को इसी तरीके से इधर हमने सेंटर के ऊपर मैच कर देना है और इधर से इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद दोनों लाइंस को हमने इधर से ख़त्म कर देना है इन लाइंस को, और ये पोर्शन को हमने इधर से कॉपी करना है इसकी स्लोप समेत और इधर नीचे लगा देना है। ये लाइन हमने इधर से ख़त्म कर देनी है, एक स्ट्रेट लाइन हम इसको इधर लगा देते हैं इधर 5 मीटर की। और इधर से 5 × 5 × 5.5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.27। तो ऑफसेट 0.27 ऑफसेट हमने इधर से इधर नीचे लगा देना है और इस लाइन को इधर से पकड़ के और इस लाइन तक हमने इसको मैच कर देना है और इधर से एक्स्ट्रा लाइन को ख़त्म कर देना है और साइड स्लोप को भी इसी तरह इधर लगा देना है। इसी तरह इधर हमने ऊपर आ जाना है, इस लाइन को हम इधर से ख़त्म कर देते हैं। इधर लाइन आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है 5 मीटर की और 1.5 का जो हमारे पास ऑफसेट आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 100.015 का सॉरी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास 0.075 का ऑफसेट आ जाएगा। इस ऑफसेट को हमने इधर नीचे लगा देना है और इस लाइन को इधर से हमने मैच कर देना है इस लाइन के साथ। ये हमारी अलग अलग स्लोप्स पूरे पूरे सेक्शन की वेरीज हो रही हैं, सारी पूरे क्रॉस सेक्शन की। इन वेरी स्लोप को आपने सेम टू सेम इसी तरह वर्किंग करते हुए अपने सेक्शंस को बनाना है इसके अंदर, और इसकी सेटिंग को आपने इसी तरीके से सेम टू सेम। सबसे पहले आपने इसकी टेम्पलेट बनानी है। ये टेम्पलेट होती है ऊपर वाली जो कि आपकी हर आरडी वाइज आपकी चलेगी। आपने इसी तरीके से ऑफसेट लेके आपने इसका पेवमेंट स्ट्रक्चर पूरा लगा देना है और इन लाइन्स को आपने इधर से एक्सटेंड कर देना है दूसरी साइड तक। जो लाइन आपकी इधर से जो पेवमेंट शोल्डर से स्ट्रक्चर की है उसको आपने इधर से एक्सटेंड करके ट्रिम कर देना है, और इस वाली लाइन को भी आपने इधर से ट्रिम कर देना है। शोल्डर को आपने मैच प्रॉपर्टी के जरिए दोनों लाइंस को हम इधर से सेम टू सेम कर देते हैं। तो ये भी आप ये देख रहे हैं कि हमने इधर 5.5 तक पहुँच गए हैं, 0 + 800 तक। इससे आगे हमारी मैक्स सुपर एलिवेशन का एरिया आ जाएगा। आपने इसको इधर से इसी तरह कॉपी करके ऊपर इधर लगा देना है और 850 वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसकी आरडी आपने इधर लगा देनी है 850 के ऊपर, जो हमारी इधर स्लोप बन रही है इस पोर्शन के ऊपर 850 के ऊपर। ये आप देख रहे हैं कि 6% प्लस में है, 6% माइनस में है, और शोल्डर की स्लोप भी 6% पे है, और इसकी जो लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है उसकी स्लोप -2% के ऊपर है। तो सबसे पहले हम इसके स्लोप्स को चेंज कर लेते हैं। जैसे ये हमारी 6% के ऊपर आ जाएगी। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की जो स्टैंडर्ड वैल्यू अभी यूज़ होती है आजकल
मीटर्स के अंदर वो मैक्सिमम 6% तक होती है, 6% से ज़्यादा नहीं जाता। कोई क्वेश्चन आता है किसी किस्म का, अगर रेलवे के अंदर आ जाता है या किसी और के अंदर, तो वो होती है। लेकिन जो आपके रोड्स के, आपके मोटरवेज हैं, आपके हाईवेज हैं, उसके अंदर ये सारी स्लोप्स मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 6% से अबव नहीं होती। किसी कोई क्वेश्चन, कोई स्पेशल केस आता है तो उसके अंदर होती है, नहीं तो अदरवाइज ये स्लोप इसी तरीके से डिज़ाइन के हिसाब से जारी होती हैं। तो आपने 6% के हिसाब से इधर लाइन लगानी है। आप सबसे पहले इधर सेंटर के ऊपर अपनी पेवमेंट की लेंथ को लगा देंगे इधर से। उसके बाद इन दोनों पोर्शन को इधर से आप अरेस कर दें। अरेस करने के बाद 6% के ऊपर हमारी जो ऑफसेट बन रहा है 6 × 15 और डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0.90 सेंटीमीटर का ऑफसेट हमारे पास आ रहा है। 0.90 सेंटीमीटर का ऑफसेट हमने इधर से प्लस में कर देना है और इधर से एक इसकी लाइन को इधर हमने लगा देना है और इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर देना है इधर दूसरी जगह तक। एक्सटेंड करने के बाद आपने ये ऊपर वाली लेंस को इसी तरह ख़त्म कर दें और इसको आपने, इन लेंस को भी आपने इधर से इसको रेस कर दें और लाइन की कमांड स्ट्रेट लगा दें 5 मीटर के ऊपर। 5 मीटर के ऊपर 2% के ऊपर हमारा ऑफसेट आ जाएगा 0.10 सेंटीमीटर का। आपने इस लाइन को नीचे लगा देना है और लाइन को इधर से आपस में आपने इधर मैच कर देना है। तो ये दोनों लेंस को आपने ऊपर से इसी तरह ट्रिम कर देना है। इसका कलर वगैरह आप इधर से इसको चेंज कर दें और साइड स्लोप जो आपकी लगी हुई है इसको आपने इसी तरह इसके ऊपर बराबर लगा देना है। और ये जो आपकी पेमेंट की स्लोप जा रही है इसको भी आपने इधर ऊपर लगा देना है। ऑफसेट 0.90 सेंटीमीटर हमारा पेमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर था, इसको हमने इधर से एक्सटेंड कर देना है दोनों तरफ और इधर से जो एक्स्ट्रा लाइन जा रही है इसको आपने इधर से ट्रिम कर देना है और इस लाइन को भी आपने इधर से एक्सटेंड करके इधर तक आपने मैच करना है इसको, और सॉरी इसको आपने इधर से पिक करना है, इधर तक आपने इसको इधर लगा देना है और एक्स्ट्रा लाइन को आपने इधर से ट्रिम कर देना है इसी तरीके से। आपने पास ये 6% की स्लोप आ रही थी, इसको आपने इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन इधर 5 मीटर की लगा दें और इधर हमारे पास 6% है तो 5 × 6 / 100 तो हमारे पास 0.30 सेंटीमीटर ये डाउन आ जाएगा। 0.30 सेंटीमीटर के ऊपर आपने नीचे ऑफसेट लगा देना है और इधर से लाइन लेके इधर तक आपने इसको मैच कर देना है। तो इधर से इस लाइन को इसी तरीके से आपने इसका कलर चेंज कर देना और इस लाइन को आपने इधर इसी तरह ये मैच कर देनी है। तो ये आप ये देख सकते हैं अभी हमारे पास ये पूरा जो सेक्शन था सारा वो इसी तरीके से हमने कंप्लीट किया अपने इस टेबल के हिसाब से। इधर -2.5% से लेके और इधर हम 6% प्लस तक आए हैं अपनी 0+800 वाली आरडी तक, 850 वाली आरडी तक। तो इधर से -6% और शोल्डर की स्लोप्स और पेवमेंट की स्लोप को भी सारे हमने, ये आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं कि सारा इसके ऊपर हमने इसको चेंज किया। आस्ता आस्ता ये पूरी इसकी स्लोप सारी चेंज होती जा रही थी पूरे पूरे सेक्शन के ऊपर। मैंने अलग अलग आपको ये सारी स्लोप्स लगा के बताई हैं, आपने इसी तरीके से इनकी स्लोप्स को लगाना है। सुपर एलिवेशन की स्लोप को आपने अलग बनाना है, इसके शोल्डर्स की स्लोप को आपने अलग बनाना है और इनके पूरी पूरी वर्किंग आपने सारी इसी तरीके से करनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा सेक्शन हमारा -2.5% से लेके और 6% तक आया। ये हमारे पास जो -6% लगा हुआ है ये वैल्यू हमारे पास गलत लगी हुई है 6% और -6%। इसी तरीके से ये हमारे पास चेंजिंग थी 5.5% और -4.5 और इसी तरीके से इनकी शोल्डर की स्लोप और इसकी पेवमेंट की स्लोप्स को हमने इधर ड्रा किया और पूरे इसकी बनाना सीखा कि हम इस सेक्शन को, सुपर एलिवेशन वाले सेक्शन को, क्रॉस सेक्शन की इसकी पेवमेंट की स्लोप्स को हम कैसे बना सकते हैं। तो हमने शुरू में ये एक क्रॉस सेक्शन बनाया था ड्रेन वाला, जिसके बीच में हमारी ड्रेन होती है। पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में पूरी डिटेल से बताया था। तो इसकी जो स्लोप्स जा रही हैं इनकी भी स्लोप्स को आपने इसी तरीके से सेम टू सेम बनाना है। इसके बीच में आपका ड्रेन वाला पोर्शन अलग होएगा, आपकी इधर दरमियान में ड्रेन आ जाएगी और बाकी जो स्लोप्स के हिसाब से
जो जा रहा होगा वो पूरा का पूरा सेक्शन सेम टू सेम इसी तरीके से ही बनेगा। इसके अंदर ये हमारे पास शुरू में मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ किस्म के क्रॉस सेक्शंस, जिस तरह ये हमारे पास हमने जो बनाया ये स्ट्रेट पोर्शन को बनाया था, सिंपल सेक्शन था जिसके बीच में हमारे पास ड्रेन वगैरह नहीं थी, ये ड्रेन था हमारा सेक्शन। ड्रेन वाला सेक्शन के स्लोप्स को भी आपने इसी तरह बनाना है, उसमें आपने FRL का ख्याल रखना है कि आपका फिनिश रोड लेवल किधर आ रहा है, किस जगह पे आपको डिज़ाइनर आपको बता रहा है आपका टिपिकल सेक्शन क्या बता रहा है। इसी तरीके से आपका जो मीडियन वाला सेक्शन होएगा उसके अंदर भी आपके जो PGL वगैरह आ रहे होंगे जो रोड के किनारे के ऊपर, जिस तरह ये पोर्शन हमारा आ रहा है ये बिल्कुल ये उसने इधर स्टार्ट में आपको बता रहा होगा कि यार हमारा जो PGL है वो इस जगह के ऊपर आ रहा है बिल्कुल सेम टू सेम, तो आपने PGL को इधर इसी तरीके से फॉलो करना है और इनके स्लोप्स वगैरह को इसी तरह लगाना है। जो दरमियान वाला सेक्शन होता है इस सेक्शन के अंदर जनरल मिट्टी की फिलिंग होती है, इसके अंदर ग्रीन बेल्ट वगैरह हमारा बनता है, आईलैंड्स वगैरह बनते हैं, और ये जो सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट होते हैं ये प्लान के कोऑर्डिनेट्स दिए गए होते हैं, और सेंटर लाइन जो उसने इधर मार्क की हुई होती है वो पूरी हमारी कोऑर्डिनेटेड लाइन होती है, हमारे जो प्रोफाइल की लाइन होगी उसके अंदर वो आपको PGL इस तरह का बता रहा होगा कि आपका बिल्कुल ये बैरियर के ऐसे स्टार्ट हो रहा है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कट वाले सेक्शन के अंदर भी सेम टू सेम यही प्रोसेस यूज़ होएगा आपका, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होएगा। आपका पेवमेंट स्ट्रक्चर आपने पूरा लगाना है उसके अंदर, इधर हम भी हमने जो लगाया था सब ग्रेड टॉप तक की लाइन लगाई थी, बॉटम ऑफ सब ग्रेड आपने कट वाला जितना पोर्शन होएगा उसमें आपने सब ग्रेड के बॉटम वाली लाइन भी लगानी है अपने डिज़ाइन को देख के, और कट एंड फिल वाले सेक्शन के अंदर भी आपने इसी तरह इसकी जो सब ग्रेड वाली जो हमारी लाइन होएगी वो आपने कट वाले एरिया के अंदर वो सारी बॉटम तक आपने इसकी फिलिंग लेनी है, और फिलिंग वाले पोर्शन के अंदर वो आपकी अलहदा से उसकी मिट्टी की कटिंग के अंदर वो पोर्शन नहीं आएगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है क्रॉस सेक्शन ड्रा करते वक्त। अभी हम इसको अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन सेक्शन को एक ही पेज के ऊपर जब हमने बना लिया तो उसको हमने अलग अलग कैसे लेके जाना है। एक सिंपल सा मेथड आएगा बहुत इजीली, वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी टेम्पलेट जो आपने बनाई हुई है टेम्पलेट को आपने इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो आपने उसके बाद सारे क्रॉस सेक्शन बनाने के बाद या बनाने से पहले सबसे पहले हमने इधर टेम्पलेट को अपना फाइनल करना होता है। हमारी जो क्रॉस सेक्शन की टेम्पलेट होती है उसके अंदर प्रोजेक्ट नेम, क्लाइंट नेम, कंसल्टेंट, कंट्रैक्टर, और इसी तरह जो क्वांटिटी के जो कॉलम्स होते हैं एरिया और कट एरिया, प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड, ऑल सूटेबल मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ एम्बैकमेंट और पेवमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर की जो क्वांटिटीज़ होती है इसके कॉलम आप बना दें टेम्पलेट के अंदर ही। ये सेटिंग होती है किसी जगह के ऊपर, इधर ऊपर हम बनाए हुए गए होते हैं किसी जगह के ऊपर टेम्पलेट नीचे बनाए गए होते हैं, जिधर आपको ईजी है उसके हिसाब से आप बना लें। उसके बाद इसी तरीके से कंट्रैक्टर और ये चेक बाई कंसल्टेंट के कॉलम्स होते हैं इसके अंदर, ये कॉलम आपने इसी तरह की एक टेम्पलेट इधर सबसे पहले बना लेनी है अपनी क्रॉस सेक्शन की। प्रोजेक्ट के स्टार्ट से पहले जब आप क्रॉस सेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे उससे पहले सबसे पहले आपने ये टेम्पलेट बना लेनी है। उसके बाद क्रॉस सेक्शन बनाने के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं वो आपको मैं इससे पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर से जो हमारे पास एक्स्ट्रा आइटम्स हैं उसको हम इधर से डिलीट कर देते हैं, अरेज कर देते हैं, और बाकी हमारे पास ये जो कॉलम है इसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ कि इन्हीं सेक्शन के ऊपर अगर आपने एक के अंदर आपने अगर ये सारे क्रॉस सेक्शन बनाने हो एक टेम्पलेट के अंदर, मल्टीपल क्रॉस सेक्शन आपने इसके बनाने हो, इसी के अंदर हमने यानी कि इसको सेटिंग करनी हो, हम अलग अलग ऑटो कैड के सिंगल विंडो के अंदर ना बनाएं एक ही के अंदर बना रहे हैं, तो उसका मैं इधर आपको तरीकाकार बताता हूँ। एक सिंपल सा तरीकाकार है जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो टेम्पलेट बनाने के बाद आपने इधर सबसे पहले इस टेम्पलेट को आपने इधर से मूव करके और इधर उसका सेंटर करके इधर इस क्रॉस सेक्शन के अंदर आपने रख लेनी है आपने ये टेम्पलेट। तो अब आपने इधर टेम्पलेट इसकी इसके ऊपर फिट कर देनी है। फिट करने के बाद आपने इधर से कंट्रोल पी की कमांड लेनी है, तो प्रिंट की विंडो आपके सामने इधर से ओपन हो जाएगी। इधर से अगर आप पहले के प्रिंट चाह रहे हैं तो आपके प्रीवियस प्लॉट आपने करना है, अगर नहीं है आपके पास आप नई विंडो बना रहे हैं तो आपने इधर से नेम प्रिंटर इनपुट के ऊपर आ जाना है प्लॉटर प्रिंटर के ऊपर, और इधर से अपना जो भी प्रिंटर आपके पास इधर लगा हुआ है उसको आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर से पेपर साइज़ वगैरह सिलेक्ट कर लेने हैं, A4 पेपर है तो A4, और उसके बाद इधर आपने विंडो के वाले कॉलम के ऊपर आ जाना है वार्ड टू प्लॉट वाले कॉलम के अंदर। इधर से आपने विंडो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इधर आपके सामने विंडो वाला ऑप्शन आ जाएगा। इधर से सबसे पहले आपने पूरी अपनी टेम्पलेट की विंडो लेके और इसका प्रीव्यू देखना है, इधर से आपने इसको सेंटर प्लॉट कर देना है और इधर से आपने इसको फिर टू पेपर ये दोनों कर देना है, इधर से आपने लैंडस्केप इसके ऊपर कर देना है। तो ये आपने करने के बाद आपने इधर से इसका प्रीव्यू देख लेना है,
ये आपका पेपर साइज के ऊपर क्रॉस सेक्शन पूरा इधर फिट होना चाहिए। अगर टेम्पलेट आपके इधर से कम या ज़्यादा आ रही है तो आपने इसको चेंज कर देना है और इस हिसाब से करना है कि ये आपकी पूरी टेम्पलेट इसके अंदर फिट होए। तो आपने इधर से प्रिंट रिव्यू चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर टेम्पलेट आपकी ओके तो आपने उसको इधर लगा देना है। लगाने के बाद ये हमने सारे क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं कि हमने एक ही दफ़ा उसके वो बनाए थे टेम्पलेट, उसकी जो पी जी एल फिनिश रोल लेवल की टेम्पलेट थी। तो अभी हम इस टेम्पलेट को, इस पूरी टेम्पलेट को हमने अपने ओरिजिनल लेवल के ऊपर मूव करना है। मूव करने के लिए आपको पास जो 00 आरडी, जिस आरडी का भी आपके पास ये ऊपर सेक्शन बना हुआ है 00, तो ये हमारे पास उसका एलिवेशन था 220.00। तो आपने इधर से मूव की कमांड लेनी है और ये पूरा क्रॉस सेक्शन को आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और इधर से सेंटर लाइन को, जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर था उसको आपने इधर से पिक करना है। पिक करने के बाद आपने इधर कमांड बार में आ जाना है और 0, हमारे पास जो उसका आ रहा था एलिवेशन 220.00, तो इसके ऊपर आपने इसको मूव कर देना है। तो ये हमारा पूरा क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, लेवल और डिस्टेंस के ऊपर मूव कर गया। आईडी की कमांड ले लेते हैं और इधर से इसका सेंटर का लेवल मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको सामने 0x इसका 0 और y 220.00 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो इसका टॉप लेवल और पूरे इसके जो क्रॉस सेक्शन की जो टेम्पलेट बनी थी, ये हमारी एग्जैक्ट लेवल के ऊपर इधर प्लाट होगी। ये लाइन नीचे NSL की हमने अर्धी तौर पर लगाई थी, इसको मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास NSL का फॉर्मेट, ये NSL का फॉर्मेट, ये मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि आपने कैसे बनाना है। ये जैसे डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस और एलिवेशन इसके अंदर आपने जैसे मैनुअल नोट करने हैं अपनी लेवल बुक, फील्ड बुक के हिसाब से, जो भी लेवल आपके पास साइड के ऊपर आ रहे होंगे, जिस आरडी के ऊपर आपके पास आ रहे हैं, तो उन आरडी के ऊपर आपने ये लेवल्स और इसकी साइड जो है, ये आपके पास जितने भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये कॉलम्स, ये सारे आपने जैसे मैनुअल इसके अंदर इनपुट कर देने हैं एक्सेल के अंदर। पहला कॉलम आपने सीरियल नंबर का बनाना है, दूसरा डिस्टेंस का, एलिवेशन और उसके बाद साइड। उसके बाद आप ये देख रहे हैं प्लाट टू ऑटो कैड है, तो ये मेरे पास सारे इसी तरीके से आपने इसको बना देना है। इधर से मैं इसको, इन कॉलम्स को इधर से मैं ख़त्म कर देता हूँ इसको, जो कि ये फॉर्मेट मेरे पास बना हुआ है। इसको मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे इसको ज्वाइंट करके और इधर आपने अपने ऑटो कैड के अंदर आपने प्लाट करना है। तो ये दो कॉलम मैंने इधर से ख़त्म कर दिए हैं, तो ये ऊपर आपने पी लाइन लिख देना है इसके ऊपर, पी लाइन, ये कमांड हमारी उसके अंदर यूज़ होगी। जस्ट आपने इधर से पी लाइन लिख देनी है ऊपर, और उसके बाद आपने नीचे जो हमारे पास प्लॉट टू ऑटो कैड वाला कॉलम है इसके अंदर से आपने इजिकल टू पहले लगाना है, उसके बाद डिस्टेंस आपने ले लेना है। डिस्टेंस लेने के बाद एंड डबल कामा, सिंगल कामा, डबल कामा, उसके बाद एंड और एलिवेशंस को आपने जैसे सेलेक्ट कर लेना है, तो ये आपका जैसे जॉइन हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी सी मैं आपको पहले बताता चलूँ कि अगर आपने जिधर से आपने स्टार्ट करना है, आप इसको माइनस वाली साइड से स्टार्ट कर लें या प्लस वाली साइड से स्टार्ट कर लें, कोई भी आप एक साइड इधर से जो आपका स्टार्ट नंबर होगा आपने उधर से उसका एलिवेशन लेना है। आपने सेंटर का एलिवेशन इधर ऊपर नहीं लगाना है, सेंटर का आप एलिवेशन लगाएंगे तो फिर ये आपको राइट और लेफ्ट साइड दोनों अलग अलग प्लाट करने पड़ेंगे। तो आपने से इसका जो माइनस वाला आउट मोस्ट पॉइंट आपका NSL होएगा वो लगाते हैं, या प्लस वाला ये 38.951 की जो डिस्टेंस आ रहा है और उसका एलिवेशन, ये दोनों में से कोई भी आप ऊपर इधर लगा सकते हैं। तो आपने इधर से माइनस से लेकर माइनस मैक्सिमम अमाउंट से लेना है आपने, और इधर से आपने इसको डिस्टेंस और एलिवेशन प्लॉट करते आने, उसके बाद 0 सेंटर लाइन जिधर आ रही है वो आपने इधर लगा देनी है, और उसके बाद राइट साइड आपने लगा देना है। माइनस जो लेफ्ट साइड होगी उसके साथ माइनस का साइन इसके अंदर लगेगा। तो आपने इसके बाद इसको जॉइंट कर लेना है, दोबारा मैं बताता हूँ आपको। आपने जैसे इजिकल टू करना है, जैसे इसका डिस्टेंस ले लेना है और एंड डबल कामा, सिंगल कामा, डबल कामा, एंड, और जैसे आपने इसकी एलिवेशन की वैल्यू को आपने ले लेना है। लेने के बाद आपने इसको इधर से कॉर्नर से पकड़ना है और नीचे तक आपने इसको लगा देना है, जिधर तक आपका पूरा क्रॉस सेक्शन का डिस्टेंस और एलिवेशन की वैल्यू जा रही है। तो ये आपने इसी तरह इसको ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद इसी फॉर्मेट को आपने इधर से कॉपी करना है और इधर नीचे इसको लगा देना है, और इधर से भी आपने इसको इसी तरह डबल क्लिक करके या कॉर्नर से पकड़ के नीचे तक आपने पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से सेम टू सेम आपने कॉपी करते हुए नीचे आ जाते हैं और तमाम NSL जितने आपके बने हुए हैं उसके ऊपर, सब के ऊपर आपने इसकी फिगर को
इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना है। तो ये जो फॉर्मेट होएगा ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। इसकी कंप्लीट डिटेल आप चेक करना चाहते हैं तो उससे पहले कि मैं दो तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ वो आप उसको देख सकते हैं। तो आपने ये डेटा इनपुट करने के बाद ये जब फॉर्मेट हमने प्लॉट टू ऑटो कैड वाला बना देना है, ऊपर पी लाइन आपने इधर लिख देनी है और इधर से आपने पूरे क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू आपकी डिस्टेंस और एलिवेशन की आ रही है इधर से आपने उसको इधर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करना है, ये 0+0 वाला हमारा क्रॉस सेक्शन था, ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है। इधर भी हमारे पास 0+0 वाला क्रॉस सेक्शन है और उसके जो टॉप लेवल है वो हम अपनी जगह के ऊपर हम फिक्स कर चुके हैं। तो आपने कमांड बार में आना है और डायरेक्ट राइट क्लिक करके इधर से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो ये देखेंगे हमारी इधर NSL लाइन इधर ड्रा हो जाएगी सारी पूरी कंप्लीट उस क्रॉस सेक्शन के ऊपर। ये जो स्लोप है वगैरह हमने बनाई थी इस स्लोप को आपने इधर से ट्रिम कर देना है और अगर पीछे हैं तो आपने इधर से उसको एक्सटेंड कर देना है। तो ये हमारे पास इधर नीचे उसका NSL आ जाएगा। आप इसका इधर से कलर वगैरह जो रखना चाहते हैं चेंज कर दें और इसकी जो लाइन टाइप है उसको आपने इधर से सेंटर या ISO डॉटेड शेप के अंदर इधर से ले आनी है। डॉटेड शेप के अंदर आप इसको इधर से लाएंगे तो ये अगर आपकी लाइन इधर नज़र नहीं आ रही है तो आपने प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाना है इधर से और ये आपके सामने एक साइड के ऊपर एक टेबल ओपन हो जाएगा प्रॉपर्टी का। लाइन को आपने सेलेक्ट करना है और इधर से इस लाइन का आपने स्केल थोड़ा सा चेंज कर देना है जिस हिसाब में भी आप उसको बेहतर समझते हैं। चेंज करते जाएंगे तो ये आपकी लाइन इधर से डॉटेड लाइन के अंदर ये शो होता जाएगा। तो आपने इसके इधर से लाइन टाइप स्केल जो है वो आपने इधर से चेंज कर देना है और इसको इधर से डॉटेड शेप के अंदर इसको ले आना है। जो भी हमारे NSL होते हैं तो वो सारे हमारे इधर डॉटेड शेप के अंदर आते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि पहले हमने इसके ऊपर जो स्लोप्स वगैरह बना ली थी उसके बाद हमने इसके ऊपर ये टेम्पलेट इधर लगा दी है जो कि प्रोजेक्ट की टेम्पलेट होएगी और उसके बाद इधर से NSL वगैरह हमने इसके इधर प्लाट किए और इन लेवल्स को अपने जगह के ऊपर हमने इधर से ले आए। उसके बाद आपने थोड़ा सा अपनी टेम्पलेट को इधर से मूव करना है, इसको आपने ब्लॉक की शक्ल में बनाया होना है मूव करके और आपने इधर से मैक्सिमम इधर एंड तक ले आना है और इधर से थोड़ी सी स्पेस आपने खाली छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद आपने एक लाइन की कमांड लेनी है इधर से और एक सीधी स्ट्रेट लाइन आपने इधर से लगा देनी है थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के। कंटिन्यूस लाइन ये आपकी होनी चाहिए सीधी लाइन, तो आपने एक लाइन इधर लगा देनी है। उसके बाद आपने ऑफसेट ले लेना है 3 मीटर का और नीचे आपने एक लाइन कॉलम रो बना देनी है, ये हमारा एलिवेशन का हो जाएगा। उसके बाद दूसरी रो हमारा डिस्टेंस का, फिर हमारे नीचे एलिवेशन और उससे नीचे हमारे पास डिस्टेंस। तो ये हमारे पास दो जो लाइन है हमारी, एक ही NSL की डिस्टेंस और एलिवेशन और ऊपर वाली जो लाइन है ये हमारा FRL का जो जाएगा उसका डिस्टेंस और एलिवेशन की लाइन आ जाएगी। तो इधर से आपने जिधर आपकी लाइन ख़त्म हो रही है इधर से आपने सीधी एक लाइन नीचे लगा देनी है और ऊपर से जो ये पोर्शन आ रहा था इसको आपने इधर से ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद लाइन वाली जो लाइन है इनको भी आपने इधर से ख़त्म कर देना है इसी तरीके से और इधर आपने असर लेके और एक 1 मीटर या जितना थोड़ा सा रिजनेबल तो आपने एक इधर ऑफसेट इधर लगा देना है। ऑफसेट लगाने के बाद आपने कॉपी की कमांड लेनी है और ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कॉपी करके आपने इधर इस जगह के ऊपर और इधर आपने इसको रख देना है। इधर रखने के बाद आपने इसको डबल क्लिक करना है और इसके अंदर आपने इधर लिख देना है एलिवेशन, इसको आपने रोटेट कर देना है 90 डिग्री के ऊपर इस कॉलम के अंदर जो ऊपर आपने बनाया, तो ये ऊपर हमारे पास कॉलम आ जाएगा एलिवेशन का। फिर आपने इसको सेट कर देना है और जैसे दोबारा कॉपी करना है और नीचे वाले कॉलम के ऊपर ये आपने इधर इसको लगा देना है और इसका आपने 9 चेंज करके इसको आपने डिस्टेंस का नाम दे देना है। तो ये जैसे थोड़ा सा इसका स्केल आप इधर इसका कम कर दें ताकि वो कॉलम के बीच में वहाँ पर आ जाए। तो इधर से आपने इसी तरीके से इसको इधर ऊपर सेट कर देना है, मैच प्रॉपर्टी की कमांड लेनी है और डिस्टेंस वाले कॉलम को भी आपने इधर से सेट कर देना है। तो ये आपने इसको इधर लगा देना है। उसके बाद ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही थी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस कॉलम तक ले आना है और ये जो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है इधर हमने इधर लिख देना है FRL या फिनिश रोड लेवल या PGL जो भी आप चाह रहे हैं। तो ये हमारे FRL का डिस्टेंस और एलिवेशन ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने कॉपी की कमांड लेनी है और इस पोर्शन को आपने इधर से कॉपी करके और इधर नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से इधर नीचे लगा देना है इधर। और इधर आपने इसके साथ जिधर FRL लिखा था उधर आपने NSL लिख देना है। तो ये ऊपर हमारे FRL का डिस्टेंस एलिवेशन आ जाएगा और नीचे हमारे NSL का। तो ये हमारे पास इसी तरह नीचे कॉलम बन जाएंगे। इनके बाद अभी जो कॉलम हमने
तो अभी हमने इधर लेवल और डिस्टेंस लिखने हैं इस लाइन के और इस लाइन के ऊपर के। तो सबसे पहले आपने इधर से लिप्स कमांड को हमने लोड करना है, उसकी शॉर्ट की लिप्स कमांड एप्लीकेशन की एपी है अपलोड। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये लोड आप अनलोड एप्लीकेशंस आपके सामने आ जाएंगे। इधर से आपने नीचे ये ब्रीफ केस वाले कारण के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने ऐड वाले बटन को क्लिक कर देना है। तो इधर ये मैंने तीन किस्म की इसकी लिप्स कमांड इधर रखी हुई है सामने इधर, जिसमें एक एरिया की है और एक ये हमारे कोऑर्डिनेट्स की है और एक ये एनएसएल की हमारी कमांड है। तीनों कमांड्स को आपने इधर से ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, आपने इधर से इसको ओपन कर देना है और इसके अंदर जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने इस सूट केस के अंदर आ जाएंगे। इधर से आपने इसको क्लोज कर देना है और इधर से भी आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने इसको इधर से सेव कर लेना है अपने सेक्शन को और इधर से आपने इसको बंद कर देना है ऑटो गाइड को पूरा कंप्लीट। और इसके बाद आपने इधर से दोबारा ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद एक क्रॉस सेक्शन को आपने दोबारा ओपन कर लेना है अपनी उसी फाइल को। आप फाइल को ओपन करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये सबसे पहले ये हमारे पास ये पूछेगा कि आपने इधर से जो एप्लीकेशन लोड किए हैं उनको आप ऑलवेज़ लोड करना चाहते हैं या वन दफ़ा या डोंट वांट, आपने इसको ऑलवेज़ लोड कर देना है। तीन किस्म की लिप्स कमांड हमने लोड की। तो अभी हमने लिप्स कमांड को इधर लोड कर लिया तो ये हमारी चलेंगी। हमारी पहली लिप्स थी एनएसएल के नाम से, एनएसएल के नाम को आप इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद आपने एनएसएल का जो पोली लाइन है उसको आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे ये आप देख रहे हैं डिस्टेंस और एलिवेशन का कॉलम था। पहले नंबर के ऊपर आपने इधर से डिस्टेंस और सेकंड नंबर के ऊपर एलिवेशन के कॉलम्स को आपने इधर क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे आपके पास सारे उसके डिस्टेंस नीचे आ जाएंगे और ऊपर इसके एलिवेशन वगैरह सारे शो हो जाएंगे। इनको आपने अगर चेंज करना है तो आप इसको इधर से उसका टेक्स्ट वगैरह साइज चेंज कर सकते हैं अपने रिजनेबल और अपने उसके हिसाब से जितना भी आपने करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के हिसाब से। तो आपने इसको कलर वगैरह उसका हाइट वगैरह इधर से उसकी चेंज कर सकते हैं, एक की चेंज करें और उसके बाद मैच प्रॉपर्टी की कमांड ले लें और तमाम एलिवेशंस और डिस्टेंस को आप इधर से उसको चेंज कर दें। करने के बाद आप मूव की कमांड दोबारा ले लें और इधर से आपने इसको बिल्कुल सेंटर के ऊपर इधर ला के आपने इसको एडजस्ट कर देना है और इसको रख देना है। तो आपने इसी तरह ही आप इसके डिस्टेंस और एलिवेशन वगैरह को एनएसएल को इधर लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरी कमांड हमने सीडी की हमारे पास थी लिप्स कमांड जो कि हमने लोड की थी। आप सीडी का आप इधर टाइप करते हैं तो आपने इधर उसके एलिवेशन को इधर आपके ऊपर भी आप इधर लिख सकते हैं इसमें डिस्टेंस और उसका एलिवेशन। और इसी तरीके से ये जो 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 उनसे पॉइंट्स के भी आप इधर लगाना चाहते हैं उसके डिस्टेंस एलिवेशन टॉप के ऊपर आप इधर से उसके लगा सकते हैं अपने क्रॉस सेक्शन के ऊपर जिधर जिधर आप रखना चाहते हैं एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, और उसकी सेटिंग वगैरह आप खुद कर सकते हैं। तो आप एक फॉर्मेट आपके पास ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर इधर हमने FRL लिखा है तो आप इधर सब ग्रेड के लेवल भी लिख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो मैक्सिमम यूज़ होता है FRL भी इसी के ऊपर आ रहे होते हैं। जिस तरह नीचे हमारे पास NSL है तो ऊपर हमारे पास इधर FRL भी आ रहे होते हैं। तो FRL के लिए आपके पास ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये लाइन की शेप में अलग अलग हैं तो आपने इनको जे कमांड से ज्वाइन कर देना पॉली लाइन के अंदर। तो जे की कमांड आपने ले लेनी है, उसके अंदर आपने जितनी भी आपकी लाइन्स जा रही हैं उनको आपने एक शेप के अंदर इधर से ले आना है सबको और ज्वाइन कर देना है। राइट क्लिक करेंगे ये देखेंगे ये हम आप हमारे पास इधर ऊपर पूरी वो पॉली लाइन की शेप में आ गई हैं, सारे पॉइंट इधर से सिलेक्ट हो गए हैं। आपने इसी तरह NSL की कमांड दोबारा ले लेनी है और इसको इधर से इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है नीचे और इधर आ जाना है सेंटर में डिस्टेंस और इधर एलिवेशन आपने इधर लगा देना है। तो आप ये देखेंगे ऊपर वाले भी आपके जो जो से पॉइंट हमने इधर बनाए थे उसके वो सेम टू सेम पॉइंट्स के एलिवेशन और डिस्टेंस नीचे आ गए। इसका टेक्स्ट साइज भी आप इधर से बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ाते हैं अपने टेबल के हिसाब से मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए और इसको मूव करके अपने सेल्स के अंदर कॉलम्स के अंदर आप ले आए और बराबर करके रख सकते हैं। इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि नीचे हमने NSL ड्रा किए और उसके बाद ऊपर हमारे पास FRL आ गया। इधर ये कुछ पॉइंट ओवरलैप हो रहे हैं इनको आप मैनुअली अलग अलग कर दें। ये हमारी इधर ड्रेन जा रही थी एग्जिस्टिंग वगैरह उसी तरह की ये NSL है। तो आपने ये सारे के सारे इसी तरह उसके डिस्टेंस और एलिवेशन आपने लगा देने एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर। जिस तरीके से हमने इसकी पूरी कंप्लीट वर्किंग कर ली है अभी इसका आगे एरिया निकालना है तो ये एरिया निकालने के लिए ये दरमियान वाली NSL की लाइन को आप इधर से ट्रिम कर देंगे। ये पूरा दरमियान में हमारा फिल एरिया आ रहा है। तो हमारे पास जो एरिया का कमांड चल रही थी वो क्यू के नाम से चल रही थी। आपने क्यू प्रेस करना है और इस बाउंड्री के अंदर
आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये आपकी वाइल्ड लैंड के ऊपर हमारी सारी उसकी बाउंड्री आ गई है। उसके बाद आपने उसको इधर बाहर प्रेस करके बाउंड्री को इधर लगा देना है, और उसके बाद ये नीचे हमारे पास फिल एरिया जो था इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 360.17 का एरिया। तो आपने इधर से जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसके हिसाब से आपने इसको इधर मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए उसको उसका टेक्स्ट साइज आपने इसी तरह एडजस्ट कर देना है। ये हमारे पास इधर ब्लॉक बना हुआ है, इसको आप एक्सपोर्ट कर दें इधर से, और मैच एम ए मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए इसको आपने इधर से सेट कर देना है, उसका टैक्स साइज वगैरह, और उसके इधर सेंटर में करके आपने इधर रख देना है। इधर से आप उसका टैक्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप इधर से उसका टैक्स वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, जितना आप उसको करना चाहते हैं अपने कॉलम के हिसाब से। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमने पूरे क्रॉस सेक्शन को इधर बनाया, और उसके बाद ये लाइन हमारी इधर आ गई, तो ये इसको आप इधर पूरे क्रॉस सेक्शन को हमने इधर बना दिया। पहले उसकी स्लोप्स वगैरह बनाई हैं, उसके बाद हमने उसकी टेम्पलेट्स लगा दी इधर, उसके बाद FRL और NSL के डिस्टेंस एलिवेशन, और उसके बाद इसका एरिया जो है वो फिलिंग एरिया या कट एरिया जो भी आ रहा है, तो ये इसी तरीके से पूरे क्रॉस सेक्शन की वर्किंग होएगी। इधर आपने उसका एरिया लिख देना है, कट में आ रहा है तो कट में लिख देंगे, प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, अनसुटेबल मटेरियल, जो जो उससे कॉलम। इसके बाद आपने पूरे डिज़ाइन पेमेंट स्ट्रक्चर हमारा जा रहा है एसफाल्टिक वेयरिंग कोर्स, बेस कोर्स, नीचे इसी तरह वाटर बाउंड और सब बेस, तो इसका भी आपने एरिया इसी तरह निकाल लेना है। इसको आपने मैक्सिमम जूम आउट कर लेना है, उसके बाद आपने एरिया की कमांड लेनी है, और इसके दरमियान के अंदर आपने इधर से क्लिक करना है बिल्कुल। ये आप देखेंगे हमारी इधर लाइन सेलेक्ट हो गई है, आपने इधर से इसको बाहर इधर पेस्ट कर देना है, और इधर एरिया वाले में स्वाल्ड वेयरिंग कोर्स वाले एरिया में आके आपने इसको इधर क्लिक कर देना है, तो ये आपका एरिया इधर आ जाएगा। उसके बाद आपने मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए जो एरिया पहले लिखा था उसके हिसाब से इधर टेक्स्ट आपने इधर लगा देना है। उसके बाद आपने इसी तरीके से जूम को डबल इंटर कर देना है इधर से, और इधर आपने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है, और इधर से क्योंकि कमांड लेनी है, और दरमियान वाला जो हमारा स्वाटिक बेस था उसको भी आपने इधर से क्लिक करना है, और नीचे उसका एरिया इधर लगा देना है। उसके बाद आपने इसको इसी तरह मैच प्रॉपर्टी करके, और इसको आपने इसका टेक्स्ट साइज वगैरह इधर से एडजस्ट कर देना है, और इसको इधर से सेंटर के ऊपर आपने ले आना है। इसी तरीके से आपने हमारे पास जो आगे नेक्स्ट वाटर माउंड है आपने इसके एरिया भी इसी तरीके से निकाल लेना है, और इसके इधर लगा देना है। तो ये एरिया की कमांड है, बहुत यूज़फुल कमांड है ये सारी जो कि इसके अंदर यूज़ हो रही है। इसके अंदर तीन किस्म के हमने लिप्स कमांड को यूज़ किया है, वो तीनों कमांड्स मैं आपको इधर बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन बनाते वक्त यूज़ होती हैं। इसी तरह नीचे सब बेस का एरिया आपने निकाल लेना है, और इधर उसको आके आपने अपने कॉलम के अंदर उधर पेस्ट कर देना है। ये आप देखने की जो हमारा डिज़ाइन का जो ये होएंगे सारे, ये हमने एक ही दफ़ा निकाल लेना है टेम्पलेट के अंदर, निकालने के बाद इधर हमने लगा देने हैं। ये एरिया हमारे चेंज नहीं होंगे, ये जो एरिया हमारे हैं स्वाल्ड, जिसमें स्वाल्टिक वेयरिंग कोर्स है, स्वाल्ड बेस कोर्स है, वाटर बाउंड और सब बेस, इसका एरिया सेम टू सेम ए टू जी पूरे क्रॉस सेक्शन के अंदर रहेगा। हमारा इधर से फिल एरिया, कट एरिया और प्रिपरेशन अपग्रेड, अनसुटेबल मटेरियल वगैरह चेंज होंगे। जो हमारा डिज़ाइन पेवमेंट का जो एरिया होएगा वो सेम टू सेम रहेगा। तो अभी इस पेमेंट के अंदर आपने एक ही दफ़ा ये इसके डिज़ाइन लेवल को आपने इधर निकालने के बाद इधर लगा देना है। अगर आपका किसी जगह कोई डिज़ाइन चेंज हो रहा है उसको आप चेंज करेंगे, उसके बाद आपने इधर से इस एरिया को आप ख़त्म कर दें। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि पूरा अभी हमने क्रॉस सेक्शन को इधर कंप्लीट कर लिया है। इस क्रॉस सेक्शन को आप इधर से कॉपी की कमांड ले लें, पूरे क्रॉस सेक्शन को आप इधर से सिलेक्ट कर दें, और इधर से आपने सेंटर के ऊपर आना है, और आपने इसका सेंटर इधर से पिक कर लेना है, और इधर से आपने इसको मूव करा देना है, कॉपी कर देना है 0.500 के ऊपर साइड के ऊपर एक। तो आप इसको साइड पे करेंगे तो ये देखेंगे हमारा क्रॉस सेक्शन इधर ये कॉपी हो के इधर आ गया। ये पहला क्रॉस सेक्शन था हमारा, इधर ही आप इसी तरीके से क्रॉस सेक्शन को मिलाते जाएंगे, और आपने इसकी वैल्यू या लेफ्ट साइड या राइट साइड जिधर भी आप देना चाहते हैं इससे आगे ऊपर क्रॉस सेक्शन आप इधर से बनाते जाएंगे सारे। तो अभी हम इस क्रॉस सेक्शन को हमने कॉपी किया था क्योंकि टेम्पलेट इसकी हमने यूज़ करनी है, तो इधर से आपने इस सबको जो इधर में जितना भी पोर्शन है इसको आपने इधर से ख़त्म कर देने हैं। इसके एलिवेशन डिस्टेंस वगैरह जितने लगे हुए इन सब को आपने इधर से ख़त्म कर देना है, और इसका ये एरिया भी आपने इधर से इसका ख़त्म कर देना है। ये एरिया हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है वो आप देख रहे हैं कि RD 0+050 वाला क्रॉस सेक्शन है हमारे पास। तो आगे आपने इसका जो FRL या PGL है उसका आपने इधर से एलिवेशन देख लेना है। ये हमारे पास है 220.2
250, तो आपने इस क्रॉस सेक्शन को पूरे को इधर से मूव करना है, मूव की कमांड लेनी है और इसी तरीके से सेंटर के ऊपर आ जाना है। इधर से आपने F3 प्लस करके इसके स्नैप्स वगैरह को ऑन कर लेना है, जो जो रिक्वायरमेंट है। तो आपने इधर 0.2 20.25 हमारे पास उसका एलिवेशन था, तो इसको आपने इधर कमांड बार के ऊपर इधर आ जाना है और 0.2 20.250 आपने इधर टाइप करके और इसको अपनी टेम्पलेट के अंदर इधर मूव करना है। आप करेंगे तो ये देखेंगे ये क्रॉस सेक्शन हमारा हमारी टेम्पलेट के अंदर इधर से सारा का सारा पूरा मूव हो गया है सारा। तो इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी पड़ी, जस्ट हमने इसको मूव कराया है। जैसे आप इसका एनएसएल वगैरह जैसे ख़त्म कर दें और इसी तरीके से अपनी क्रॉस सेक्शन वाली फाइल के ऊपर आ जाए 050 वाला, जो हमारे पास इसके एनएसएल के एलिवेशन वगैरह जो आपके पास फील्ड बुक के ऊपर से आए होंगे, इसको आपने इधर से कापी कर लेना है और कापी करने के बाद डायरेक्ट इधर ऑटो कैड के ऊपर आना है। ऊपर से आपने इसका कलर या लेयर वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी लेयर बना दें। उसके बाद आप इसकी लेंस वगैरह को इधर से सेलेक्ट कर लें डॉटेड लाइन को और इधर कमांड बार के अंदर आपने आना है और पेस्ट कर देना है, तो आपका एनएसएल नीचे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने एनएसएल जो हमारी लिप्स कमांड है उसको आपने लोड करना है, उसके नीचे डिस्टेंस और एलिवेशन लगा देने और इसी तरीके से ऊपर वाली लाइन को आपने सबसे पहले पॉली लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। पॉली लाइन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपने जे की कमांड यूज़ करनी है और सारी लाइन्स को आपस में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने वही एनएसएल की कमांड दोबारा यूज़ करनी है। उससे पहले आपने ये देख लेना है कि नीचे वाला कोई पोर्शन आपका अगर बाहर जा रहा है, आपका टॉप पॉइंट जो ऊपर हमने डिज़ाइन बनाया था इसका, उसके अंदर से आपने इसको ख़त्म कर देना है, ट्रिम कर देना है। उसके बाद एनएसएल की दोबारा कमांड ले लेनी है और इधर से दोनों पॉइंट्स के सेंटर आपने सेलेक्ट करके ऊपर FRL भी इधर इसके ऊपर लगा देने हैं। उसके बाद रिमेन वाले एरिया को आपने ट्रिम करना है और लिप्स कमांड ही को आपने प्रेस करके इसका एरिया निकाल लेना है और जो पहले वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपने मैच प्रॉपर्टी के जरिए उधर से उसका एरिया अपडेट कर देना है। तो ये जो एरियाज वगैरह होंगे सारे आपने एरिया को इसी तरीके से सेम टू सेम अपडेट करके इधर इसके अंदर लगा देना है। उसके बाद आपने कॉपी की कमांड लेनी है और इधर इसका सेंटर पॉइंट को आपने इधर से पिक करना है और इधर कमांड बार के अंदर आपने 100.500 आपने लगा देना। आप इसको किसी जगह के ऊपर भी कॉपी कर सकते हैं, आपने कॉपी करना है इसको और देखेंगे ऊपर तो ये दोनों क्रॉस सेक्शन आपके उसी तरीके से लगते जाएंगे। इसके बाद आपने ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन जो आपने बना हुआ पूरा इस क्रॉस सेक्शन को इधर से सबको आपने इधर से अरेज कर देना है। इसकी टेम्पलेट सेम टू सेम इसी तरह लगी रहेगी। इसके अंदर से एरिया भी आपने ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने ऊपर अपने क्रॉस सेक्शन के ऊपर आ जाना है। इधर से आपने ये देखना है कि जो उनका भी RD है इधर से आपने उसका FRL देख लेना है। FRL हमारे पास इधर है इसका 220.50, तो आपने इधर से मूव की कमांड लेनी है और इधर से राइट क्लिक करने के बाद उसके सेंटर पॉइंट को पिक करना है और इधर से आपने स्नैप को ऑन कर देना है, क्योंकि जब आप एरिया लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो मूव की कमांड लेके 0, जो एलिवेशन था 220.5 उसके ऊपर आपने इसको मूव करा देना है, तो ये आपकी टेम्पलेट के अंदर ये पूरा क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने इधर एक्सेल के ऊपर एनएसएल की शीट के ऊपर आना है और जो सा भी आपके जितने भी एनएसएल उस RD के ऊपर गए हैं उसको कॉपी करना है और कमांड बार में आने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने ऊपर वाली जिसकी टॉप पॉइंट्स की जो डिज़ाइन लाइन है उसको आपने देख लेना है, नीचे है तो उसको आपने ट्रिम कर देना है, ऊपर है उसको आपने एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद आपने इधर से NSL की कमांड लेनी है और इधर से आपने सेंटर दोनों पॉइंट के सेलेक्ट करके इसका डिस्टेंस और एलिवेशन इधर लगा देना है। इसी तरीके से दोबारा आपने ऊपर से इसकी उसको J की कमांड लेके पॉली लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देना है सबको और पॉली लाइन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद दोबारा NSL की कमांड लेनी है और इधर से उसका FRL का डिस्टेंस और एलिवेशन आपने इधर मार्क कर देना है। सेंटर वाली लाइन को आपने इधर से ट्रिम करनी है, इसका एरिया आपने निकाल लेना है। सेम टू सेम वही प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है अभी इसके अंदर, तो आपने इस क्रॉस सेक्शन को इसी तरीके से फाइनल करते जाना है। उसके बाद आपने कॉपी की कमांड लेनी है, इसका सेंटर पॉइंट इधर सेलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर उसका जो ऑफसेट है 200.500 के ऊपर आपने इसको कॉपी करके इंटर कर देना, तो आप देखेंगे ऊपर हमारे क्रॉस सेक्शन एक अलग स्टेज के ऊपर आस्ता आस्ता वो बनते जा रहे हैं और सेंटर वाला जो हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट वाला क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर से हमने सारा डेटा अरेज कर देना है। तो ये आपने जब एक शीट के ऊपर सारे क्रॉस सेक्शन बनाने हैं, मल्टी क्रॉस सेक्शन ऑटो कैड की विंडो के अंदर बनाने, तो सेम टू सेम इसी तरीके से बनाना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट RD के ऊपर अपना आ जाना है और इधर से आपने उसका FRL जो लेवल है उधर से वो आपने रीड कर लेना है। इधर से मैं आप इसकी थोड़ी सी स्पीड को मैं तेज़ कर दूंगा क्योंकि ये प्रोसेस अब सारा रिपीट हो रहा है,
ये प्रोसेस को मैं आपको सारा बताऊंगा कि आपने कैसे बनाना है। सारे कंस्ट्रक्शन मैंने पीछे से बनाए हैं, तो ये प्रोसेस में आपको सिर्फ आपने इधर से देख लेना है। सिस्टम वही है, आपने उसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट कर देना है नसल, उसके बाद आपने इसकी टॉप पॉइंट्स वगैरह को इधर से ख़त्म कर देना है, जो कम है उनको आपने बढ़ा देना है, उसके बाद इसके डिस्टेंस और एलिवेशंस को आपने इनके ऊपर लगा देने हैं। तो ये मैं आपको जस्ट सारे क्रॉस सेक्शन सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए कि अगर आपके ऊपर किसी किस्म कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ दोस्त मुझसे गिला करते हैं कि आप कुछ एंड तक जो क्रॉस सेक्शन है उसको आप बताते नहीं हैं, तो ये इसमें मैंने जितने क्रॉस सेक्शन के ऊपर स्लोस लगाई थी उसके टिपिकल, तो उसके क्रॉस सेक्शन मैं इधर बना देता हूँ सारे, वही आपके सामने। आपको अगर किसी किस्म के इसके अंदर प्रॉब्लम या कोई कंसेप्ट या किसी किस्म की कोई दिक्कत आ रही हो, तो ताकि उसका प्रॉब्लम आपके सामने से जिससे ख़त्म हो जाए, तो आपने इसी तरीके से इनको बनाते जाना है, और उसको आपने बनाने के बाद मूव कर देना है। मूव आप किसी भी आरडी के किसी भी कोऑर्डिनेट के ऊपर कर सकते हैं। मैं 0, 100, 500 के ऊपर से मैंने शुरू किया है। आपने भी अपने जो ओरिजिनल आपके डिस्टेंस है उससे आपने अलग हट के इसको लगा देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन हमारे पास, उसको भी आपने इधर से मूव कर देना है। आपने जो टेम्पलेट एक जगह के ऊपर बनाई थी, इसको बनाने के बाद आपने इधर उसका डिस्टेंस और एलिवेशन लगाना है, और जो ओरिजिनल टेम्पलेट हमने नीचे लगाई हुई है इसके ऊपर आपने उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद 0+200 वाला हमारा जो क्रॉस सेक्शन का जो लगाया था उसका नसल कॉपी कर लेना है, और नीचे इधर कमांड बार के अंदर इसको पेस्ट करते जाना है। तो ये फॉर्मेट में आपको सारे के सारे क्रॉस सेक्शन का इसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, जिधर से आप इसको देख के और आसानी से अपना काम को दोबारा भी कर सकते हैं, सेम टू सेम वर्किंग इसकी कर सकते हैं, इसके स्लोप्स को बना सकते हैं, पूरे क्रॉस सेक्शन को बना सकते हैं, और एक ही विंडो के अंदर अपने जो क्रॉस सेक्शन आपने बनाने हैं उसको आप पूरी वर्किंग के साथ कर सकते हैं। आप अलग अलग विंडो के ऊपर भी बना देते हैं, अलग अलग बनाने में ये होता है कि जब आपने उसका प्रिंट निकालना होता है या कोई चीज़ होती है, तो वो आपको पूरी विंडोज़ यानी कि ऑटोकैड जो क्रॉस सेक्शन होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं। रोड के क्रॉस सेक्शन ये किलोमीटर्स के अंदर इनकी लेंथ होती है, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो वो क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप उनको ओपन करके आपने प्रिंटिंग करनी होती है, कोई चीज़ चेक करनी होती है, तो उसके लिए आपको अलग अलग क्रॉस सेक्शन ओपन करना पड़ता है। तो आप अपने क्रॉस सेक्शन को एक विंडो के ऊपर बनाएं इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, कोई इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, जस्ट आपकी थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा होती है रेज वाली कि आपने सेक्शन को रेज करना है उसके बाद दोबारा बनाना, तो ये आप देख सकते हैं। आप इसको अलग अलग विंडो के ऊपर भी आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से लिप्स कमांड इसकी और इसके जो फॉर्मेट्स वगैरह हैं आप मुख्तलिफ फॉर्मेट खुद जनरेट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। इसके क्रॉस सेक्शन का कोई फॉर्मेट आपके जहन में कोई इसका आइडिया आ रहा है, आप उस आइडिया को बनाएं और उसके हिसाब से अपनी वर्किंग करते जाएं। तो ये आप क्रॉस सेक्शन इधर बनाते जाएं, और इसके बाद इसको आप कॉपी की कमांड लेके, और इसी तरीके से मैंने 0+500 वाला पहला कोऑर्डिनेट फिक्स किया था, उसके बाद 100 100 में बढ़ाता जा रहा हूँ, एलिवेशन वही है। तो आपने इसी तरीके से उसको कॉपी करते जाना है और उसको वो बनाते जाना है। तो ये मैं थोड़ी सी स्पीड इधर तेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जस्ट ये एक ही वर्क दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है इसके अंदर। तो आपने इसको इसी तरीके से सेम टू सेम वर्किंग करते हुए सारे क्रॉस सेक्शन को बना देना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, बहुत आपको ये पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने 3-4 किस्म के फॉर्मेट भी आपको शुरू में बताए हैं, और उसके बाद आपको मैंने ये बताया है कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट के क्रॉस सेक्शन जिस तरह सिविल 3D या ईगल पॉइंट्स या जो भी रोड का सॉफ्टवेयर है वो आपको एक ही जगह के ऊपर बना के देता है, तो आपने वो क्रॉस सेक्शन को किस तरीके से अपने फॉर्मेट को बना लेना है, और बनाने के बाद आपने उसको पेस्ट करते हुए जाना है, और वो आपके क्रॉस सेक्शन जितने भी बनेंगे वो आपके ऑटोकैड की 1 विंडो के ऊपर बनेंगे। तो इसके अंदर जब आप इसको मूव करा देते हैं क्रॉस सेक्शन को, तो वो आप जब उसके सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो आपने उसको दोबारा 0 के ऊपर मूव करा के किसी को उसके कोऑर्डिनेट उसके एलिवेशन वगैरह चेक कराने हैं, तो आप उसके एलिवेशन वगैरह भी इजीली चेक करा सकते हैं। तो ये रिपीट प्रोसेस हो रहा है। मैं जितने मैंने सुपर एलिवेशन के स्लोप के जो भी डिज़ाइन क्रॉस सेक्शन मैंने ऊपर बनाए थे उसको मैं NSL के ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ, और पूरे क्रॉस सेक्शन की फॉर्मेट के ऊपर मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। तो आप भी इसी तरीके से एक ही विंडो के ऊपर अपने मल्टीपल क्रॉस सेक्शन जितने भी प्रोजेक्ट के हैं उसको बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए मैंने पूरा तरीकाकार आपको इधर मैंने बताया है सारा, शुरू से लेकर एंड तक का, इसके अंदर के आपने इसकी वर्किंग कैसे करनी है, इसकी टेम्पलेट आपने कैसे बनानी है, इसके आपने NSL वगैरह और इसके FRL दोनों तरीके मैंने आपको बताए लिप्स कमांड के, और उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया कि आप इनके जो एलिवेशंस वगैरह हैं उसको आपने कैसे इधर से एडिट करना है और कैसे उसकी सेटिंग वगैरह करनी है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये तरीकाकार
कंप्लीट समझ आ रहा होगा इसके अंदर, कोई इसमें इतना मसले वाली बात नहीं है क्रॉस सेक्शंस की। मेरे दोस्त अहबाब काफ़ी सारे मुझे व्हाट्सअप करते हैं और मुझे मेल करते हैं कि आप क्रॉस सेक्शन के ऊपर मज़ीद वीडियोस हमें डिटेल के साथ बनाए, ख़ास करके जो सुपर एलिवेशन की स्लोप वगैरह का मसला था उसके ऊपर मुझसे पूछ रहे थे। तो उसके लिए मैंने एक टेबल भी इधर बना दिया साथ, और इसके ऊपर उसके बाद मैंने आपको पूरी इसकी राइट और लेफ़्ट साइड के क्रॉस सेक्शन स्लोप वगैरह को भी बताने का तरीकाकार मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। एक क्रॉस सेक्शन मैंने अलहदा बताया 800 से लेके 800 वाली 850 वाली जो आरडी थी उस तक के हमने ऊपर इसकी स्लोस भी मुख्तलिफ लगाई हैं, इसकी डिज़ाइन पेवीमेंट को भी हमने इधर बनाया और इसका जो पेवीमेंट की जो स्लोप थी उसको भी हमने अलहदा अलहदा बिल्कुल सेपरेटली हमने इनको बनाया और लगाया। बनाने के बाद इसके क्रॉस सेक्शन को हम कम्प्लीट कर रहे हैं, उसके बाद मैंने आपको इसके पेवीमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसका एरिया भी कैलकुलेट करने का इसके अंदर तरीका बताया, और उसके बाद इसके अंदर जो फिल और कट वाला एरिया होगा उसके मुतालिक भी यही वर्किंग सेम टू सेम चलेगी। तो कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी जो पहले वाली वीडियोस अपलोड हैं उसके अंदर मेरे पास कटिंग वाले क्रॉस सेक्शन की उसकी वीडियो नहीं है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने आपको कट और फिल दोनों किस्म के एक्सेल की शीटें भी बनी हुई हैं और क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी ऑटो कैड के ऊपर भी पूरी डिटेल के साथ वर्किंग की हुई है। तो एरिया आपने इसी तरीके से निकालना है जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ, कट है फिल है जो भी है, कट वाला एमएसएल जिधर ऊपर होएगा तो आपका कट वाला क्रॉस सेक्शन जैसे चेंज हो जाएगा, फिल है तो आपका सिंपल सा क्रॉस सेक्शन इसी तरीके से बनेगा, इसके अंदर कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं होती। तो आपने ये मैं आपके सामने इसके क्रॉस सेक्शन पूरे के पूरे इधर से मैं बनाता जा रहा हूँ। आप ने अगर इधर थोड़ा सी स्पीड के हिसाब से आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने चैनल के नीचे जो वीडियो सेटिंग है उसके अंदर जाके इसकी स्पीड कम करके इस प्रोसेस को भी दोबारा देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। मैं जैसे जस्ट क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी ये मेरी, इधर ये भी 2.5 घंटे की मेरी वीडियो बन गई है, तो मैं अगर इसको आराम आराम से करूँगा ये मेरी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम मैंने आपका भी सेव किया और अपना भी सेव किया है, तो इस पोर्शन को मैंने थोड़ा सा इसकी स्पीड को बढ़ा दिया। अगर आप इसकी स्पीड को कम करके चेक करना चाहते हैं तो आप YouTube के ऊपर नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन है उसके अंदर जाएंगे तो आपको इधर उसकी प्लेबैक स्पीड नज़र आएगी, उसमें आप स्पीड को कम भी करके देख सकते हैं और उसको बढ़ा के भी देख सकते हैं। इसमें सिर्फ साउंड का थोड़ा सा मसला होगा, आप आवाज़ को ना सुने मेरी, लेकिन ये है कि अगर आप प्रोसेस को देखना चाहते हैं स्लो करके तो आप उसको उधर से देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी आपको किसी किस्म की अपनी रोड के हवाले से, आपको कैनाल के हवाले से, आपको बिल्डिंग्स के हवाले से, सर्वेइंग के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से, किसी भी किस्म की कोई शीट, कैलकुलेशन शीट एक्सेल के अंदर, ऑटो कैड के अंदर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और बना के मैं आपको उसकी पूरी डिटेल के साथ मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा। तो आपने ये क्रॉस सेक्शन को इसी तरीके से बनाना है और बनाते जाना है इनको, थोड़ी सी वर्किंग आपकी क्योंकि रोड की लेंथ होती है आपका हाथ बैठ जाएगा जब क्रॉस सेक्शन बनाने के अंदर, तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बनाने की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। क्रॉस सेक्शन ये किलोमीटर 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का क्रॉस सेक्शन आप जस्ट 8 से 10 घंटे के अंदर ऑटो गाइड के अंदर मैनुअल बना सकते हैं, सिविल 3D ईगल पॉइंट या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ किए बगैर, क्योंकि सिविल 3D या जो इसके सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, और हमारे इधर पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो भी काम चलता है वो बेसिकली मैनुअल चलता है, मैनुअल का एनएसएल पढ़े जाते हैं, क्रॉस सेक्शन पढ़े बनाए जाते हैं, मैनुअली सारा काम होता है, तो वो उसकी क्वान्टिटी भी हमने मैनुअल कैलकुलेट करनी होती है और वो IPC के अंदर इसी तरीके से वो सबमिट होती है। एक एक क्रॉस सेक्शन की IPC की जो क्वांटिटी है वो भी सारी के सारी हमें अलग-अलग कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर आपको सिविल 3D आता है और कंसल्टेंट के उसको नहीं आता या सर्वेयर को नहीं आता तो आपको ये काम फिर मैन्युअली करना पड़ता है, तो आप इधर से मैनुअल और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर आपको मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए कि अगर आपको इसको मैनुअल काम करना है तो आपने क्रॉस सेक्शन कैसे बनाने हैं। अगर आप गल्फ में जाते हैं या किसी और मुल्क में जा काम करते हैं जिधर सिविल 3D के पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं उधर, तो उधर मसला नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ये आपको सारा काम इधर ये मैनुअल करना पड़ता है। इसके अंदर आपको क्रॉस सेक्शन मैनुअल बनाने पड़ते हैं, उसके बाद आपने उसकी चेकिंग करानी है और उसके जो एरियाज वगैरह हैं वो सारे के सारे आपने इधर से वेरीफाई कराने होते हैं और उनको आपने प्रोसेस के अंदर कंप्लीट करना होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये देखें लास्ट क्रॉस सेक्शन है मेरा 0+800 वाला, आप इसको भी इधर से इसी तरीके से बना के और इसको आप मूव कर दें, लास्ट क्रॉस सेक्शन है मेरा,
तो मैं उसको कॉपी नहीं करूंगा, मैं मूव करूंगा 0+500,700 जो हमारा उधर से जा रहा है इसका पूरा जिस फॉर्मेट के ऊपर हम इसको कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन के। तो ये आप ये देख सकते हैं आप अपने, तो आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे क्रॉस सेक्शन एक ही विंडो के ऊपर बनाए हैं, अलग अलग इसकी स्लोप्स हैं। और ये हमारा इधर से ये डेटा था हमारा सुपर एलिवेशन का डेटा जो मैंने ऑटो कैड के अंदर कॉपी करके इधर मैंने बनाया हुआ था। इसके साथ है, इसके साथ हमने ये सारे क्रॉस सेक्शन बनाए। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इधर हमने इसको मूव किया है। आप इधर से सी डी की मेरे पास जो लिप्स कमांड है, इधर से आप इसका इधर से डिस्टेंस अगर आप चेक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं डिस्टेंस का 0-0 है पहले का, और एलिवेशन जो हमने लिया है वो 500 के ऊपर आ रहा है। दूसरा आप इधर से इसी तरीके से इसका डिस्टेंस जो मूविंग का डिस्टेंस था वो आप इधर से इसको चेक कर सकते हैं कमांड्स के साथ। दूसरा डिस्टेंस मेरे को 100 मीटर आ गया, एलिवेशन मेरे पास वही है। तीसरा आप क्रॉस सेक्शन को इधर से चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने उसको मूव करना है तो आपने इसी तरीके से उसको मूव कर लेना है, इसके डिस्टेंस इधर से चेंज करते जाना है, एलिवेशन वही रखेंगे। तो डिस्टेंस आप रखेंगे कि 0 डिस्टेंस 500, 0 डिस्टेंस 200 और सॉरी 0 हमारे पास जो पहला डिस्टेंस आएगा 0 वाला डिस्टेंस होएगा और एलिवेशन 500 होएगा। इसी तरीके से दूसरा डिस्टेंस हमारे पास 100 वाला होएगा और एलिवेशन 500 होएगा। इसी तरीके से थर्ड वाला हमारे पास 200 का डिस्टेंस और उसका एलिवेशन 500। तो ये एलिवेशन जो जा रहे हैं इसका सेम टू सेम जा रहे हैं और आगे इसके डिस्टेंस 100 100 मीटर बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से जो ऊपर वाली लाइन हमने लगाई इसके ऊपर हमने एलिवेशन को चेंज कर दिया और एलिवेशन हमारा पहले जो 500 आ रहा था तो वो 600 इधर आ गया। इसी तरह 600 और कॉमा आप हमने इसको मूव करते गए। आप भी अपनी उसी हिसाब में इसको मूव कर सकते हैं, जिधर भी आप ऊपर रखना चाहते हैं नीचे रखना चाहते हैं। जस्ट आपने अपने टेम्पलेट के हिसाब से उसका गैप देख लेना है, अगर वो मैच कर रहे हैं आपस में मर्ज कर रहे हैं यानी कि इधर गैप आपका नहीं आ रहा तो आपने ये डिस्टेंस थोड़ा सा इधर से बढ़ा देना है। 200 है तो आपने इसको 250 कर देना है, एलिवेशन आपने वही रखना है। तो ये आपके इसी तरीके से एक लाइन के ऊपर सारे आ जाएंगे। इसी तरह ये सेकंड लाइन हमने इधर से 600 की ली थी और थर्ड लाइन हमने इधर से 700 की ली थी। तो आप इधर से सी डी की कमांड लेके मैं इधर से आपको चेक कराता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इधर से एलिवेशन मेरे पास 700 वाला और डिस्टेंस 100 वाला। तो इसी तरीके से ये मेरे पास पहली लाइन हमारे पास 500 वाले एलिवेशन की गई, 0 100 200 300 400 500 और एलिवेशन 500। इसी तरीके से सेकंड लाइन हमारी 600 के ऊपर गई और थर्ड लाइन हमारी 700 के ऊपर। इसी तरीके से आप ऊपर लेके जाना है तो आप 100 100 एलिवेशन के ऊपर प्लस करते जाएंगे तो ये हमारे क्रॉस सेक्शन सारे इधर मूव होते जाएंगे। तो अभी आपने इसको अगर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर ले जाके इसको चेक करना है तो हमने आपको याद होगा कि पहले लिप्स की कमांड भी यूज़ की थी पहले क्रॉस सेक्शन के ऊपर, जिसके ऊपर के हमने इसके डिस्टेंस और एलिवेशन वगैरह लगाए थे। नहीं तो ये सेंटर के ऊपर तो इसका डिस्टेंस और एलिवेशन आ रहा है। तो आपने इधर से क्रॉस सेक्शन को मूव की कमांड लेनी है और इधर से क्रॉस सेक्शन को पूरा सिलेक्ट कर लेना है और उसी तरीके से सपोज ये पॉइंट मेरे पास है 15 मीटर डिस्टेंस और एलिवेशन है इसका 219.625। तो मूव की कमांड के बाद मैंने इस पॉइंट को इधर से सिलेक्ट करना है, नीचे डिस्टेंस लिखना है 15 कॉमा कमांड बार के अंदर 219.625। तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन इधर 0-0 के ऊपर मूव हो जाएगा। इधर से आपने जो भी एलिवेशन वगैरह इसके चेक करने वो कर सकते हैं। जिस तरह ये मेरे पास पहले उधर मैंने इसके जो लिप्स कमांड थी जिसकी मदद से डिस्टेंस एलिवेशन लगाया था वो 0 और 500 का आ रहा था, इधर मैं अभी आपको चेक कराऊंगा तो ये अपने बिल्कुल ओरिजिनल एलिवेशन के ऊपर आ जाएगा। तो ये 0-0, 200 हमारा सेंटर का एलिवेशन था। आप इधर से किसी की भी एलिवेशन को अगर शॉर्ट फॉर्मेट में चेक कराना चाहते हैं तो इधर से दोबारा मूव करा के उनको चेक करा सकते हैं। तो आपने ये क्रॉस सेक्शन को इसी तरीके से बना लेना है अपने डेटे के हिसाब से। इसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको मैंने ये वीडियो बनाई है, इसके अंदर मैंने आपको उस एलिवेशन इसके राइट साइड स्लोप लेफ्ट साइड शोल्डर और इसके बाद जो उस पेवमेंट की बैकमेंट की जो स्लोप जा रही है वो भी मैंने सारी आपको अलग अलग से पूरी क्रॉस सेक्शन के ऊपर लगा के और बताई है कि आपने क्रॉस सेक्शन को कैसे फाइनल करने हैं। इसके बाद आपने जब इधर से प्रिंट करने हैं तो आप एक ही विंडो के ऊपर से इजीली प्रिंट कर सकते हैं अपने क्रॉस सेक्शन को। आपको अलग अलग क्रॉस सेक्शन की विंडो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इधर से इसको सिलेक्ट करना है और जैसे आपने इसकी विंडो ले लेनी है, पेपर साइज सेलेक्ट कर लेना है, अपना जैसे प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से
आपने इधर से पेपर साइज जिस पेपर के ऊपर भी आप करना चाहते हैं वो पेपर आपने सेलेक्ट कर लेना है। इधर से आपने वर्ड टू प्लाट में आना है और इधर से विंडो को आपने ले लेना है और जो से भी क्रॉस सेक्शन का आप प्रिंट करना चाहते हैं उसकी आपने विंडो ले लेनी है शुरू से लेकर एंड तक। उसके बाद आपने इसका प्रीव्यू देखना है। ये आपको पूरा सेंटर के अंदर आना चाहिए। सेंटर के अंदर आने के लिए आपको इधर से दोनों कॉलम, ये प्लॉट स्केल है फिट टू पेपर, ये आपने चेक इन रखना है इसका, और दूसरे नंबर के ऊपर सेंटर द प्लॉट, ये आपने दोनों पॉइंट इनसे चेक इन रखने हैं। और लैंडस्केप क्रॉस सेक्शन आपने उसकी टेम्पलेट बनाई है तो लैंडस्केप के ऊपर ये काम करेगा। तो आपने इसी तरीके से इसको इधर करना है और इसका इधर से प्रीव्यू आपने देखते जाना है और इधर से प्लॉट करते जाना है तो ये आपका उधर से प्रिंट निकलता आएगा। तो आपने ये क्रॉस सेक्शन को सारे इसी तरीके से इनके एक ही जगह के ऊपर आप इसके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आपको अलग अलग आपको फाइल के अंदर ऑटोकैड की मल्टीपल फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल क्रॉस सेक्शन आप एक ही फाइल के अंदर इसी तरीके से बना सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो मल्टीपल क्रॉस सेक्शन की भी बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने आपको एक्सेल के डेटा के अंदर मैंने बताया था कि ये आप क्रॉस सेक्शन कैसे बनाएंगे। उसके अंदर थोड़ा सा एरिया वगैरह और उसके डिस्टेंस की जो फाइल्स फॉर्मेट वगैरह था उसका मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया था, वो इधर टेबल की शक्ल में आता था। आप वो वीडियो भी देखें, आपको वो भी वीडियो बहुत यूज़फुल है। उसके चार पाँच पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं 1 से लेकर 4 या 5 तक के, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कीजिए जो बिगनर्स हैं, यंगस्टर हैं, जिनको शौक है काम करने का या सीखने का, उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता तो आप मेरे चैनल के ऊपर आएँ और इधर से आपको हर किस्म की वीडियोस मिलेंगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।